स्वागत तो नहीं करोगे हमारा तो वेलकम 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 एवरी अमेजिंग सेशन ऑन सी एन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिधर आज क्या करेंगे सर मीठा मीठा प्यारा प्यारा किसका? अपने प्यारे का है ना? तो एक ही सेशन में concept, question दोनों खत्म करेंगे बट उसके पहले कंफर्म करके बताओ कि हमारा नॉट फटाफट से मुझे बताओ सो गुड आफ्टरनून विमल हार्दिक Um, जशविका प्रिंकल अमन कैलाश अरे बाबा इतने सारे फटाफट तुम चैट करोगे मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है ठीक है सो गुड गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जब भी तुम देख रहे हो सो टू एवरी वन और आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी आपको सेम ठीक है तो इस सेशन में अपन बढ़िया बढ़िया रिवीजन करने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ठीक है मैं इस सेशन के अंदर कंसेप्ट क्वेश्चन दोनों करवाऊंगा ठीक है अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पहले पढ़ रखा है तो आपको मजा आ जाएगा नहीं पढ़ रखा है अगर आपने बहुत पहले पढ़ रखा है भूल चुके कोई बात नहीं फिर भी देखोगे आपको काफी हद तक कुछ चीजें रिकॉल हो जाएगी ठीक है मैंने आपके लिए बहुत शानदार बोर्ड नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो बोर्ड नोट्स के अंदर है ना मैंने इसी बोर्ड नोट्स के अंदर कंसेप्ट क्वेश्चन सब डाल रखा है तो ये बोर्ड नोट्स मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा वहां सब जाकर एकदम मीठा मीठा प्यारा प्यारा फ्री में डाउनलोड कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ठीक है तो मेरे ख्याल सॉर्टेड ठीक है उसके अलावा जैसे मैं हर में कहता इसमें भी कहूंगा एक प्लीज हाईलाइटर या या पेन पेंसिल लेकर बैठना क्योंकि जब भी, भी आप रिवाइज करोगे दो चीजें हो सकती है या तो चीजें रिकॉल होगी रिकॉल हुई तो शाबाश आंसर करते हुए चलना या तो मन में या चैट बॉक्स के अंदर या फिर अगर रिकॉल ना हो तो प्लीज टार मार्क करके रखना ताकि आप जब खुद से रिवाइज करोगे खुद से प्रैक्टिस करोगे तो उस पार्ट पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इज दिस यस yes? चलो और अटेंडेंस लगा देना फटाफट से लाइक करके और अगर आपने सेशन लास्ट तक देखा अगर लास्ट तक देखने के बाद पसंद आए तो कमेंट जरूर छोड़ के देना उससे मुझे जरूर से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और इतना सब कर दिया सब्सक्राइब भी कर लेना हाँ सर सभी करवा दो एक के है आओ, चलो <coughs> तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द रिविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन थ्री टू वन एंड

बन सकता है लेकिन 32 पढ़े बिना आपको वन जीरो नहीं समझेगा इससे 32 की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है तो 32 में सबसे पहले पॉइंट जो आपको पढ़ने देख लो मैंने चार्ट बना रखा है क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो इसमें अगर आप ध्यान देखोगे सबसे पहला है डेफिनेशन तो अपने को लगभग चार डेफिनेशन पढ़ने फिर अपन दो कंसेप्ट और पढ़ेंगे एक फिक्स टू फिक्स टेस्ट और एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ठीक है चलो आओ मीटा मीटा रिविजन करते हैं सबसे पहला डेफिनेशन आपको दिया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का वो बोलता है वॉट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो बोलता है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल अट है और दूसरे पार्टी के लिए या तो फाइनेंशियल एबिलिटी या फिर इक्विटी है

अच्छा और जब जब मैं पूछू ना तो चैट बॉक्स में आंसर करते हुए चलना गाइस ठीक है ताकि उस उससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा हो जाएगा टाइपिंग राइटिंग एक ही बात है ना हो जाएगा चलो तो फाइनेंशियल असेट में क्या क्या आता है सबसे पहले आता है कैश या बैंक बैलेंस मतलब कैश या बैंक बैलेंस है तो आप उसको फाइनेंशियल कैटेगरी में दिखाओगे दूसरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी

यू हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल लाइट डेटस को आपने माल बेचा क्रेडिट पे तो पक्का पक्का आपको डेटस पैसा देगा ना कॉन्ट्रेक्चुअल लाइट टू रिसीव कैश ंड कॉन्ट्रेक्टो राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी सर यह सिंपल सा मतलब है अगर आपने कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है कन्वर्टेबल प्रेफरेंश में इन्वेस्ट किया है तो जब आप ऐसे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो तो होता क्या है जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको पैसा नहीं मिलने वाला है उसके कन्वर्जन पे आपको उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं तो यर यू डोंट हैव अ कॉन्ट्रेक्टो राइट टू रिसीव कैश बट यू हैव अ कॉन्ट्रेक्ट राइट टू रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी क्लियर यस yes. आगे फिर कॉन्ट्रेक्टुअल राइट टू रिसीव एनी अदर फाइनेंशियल सर इसका मतलब क्या है कॉन्ट्रेक्ट राइट टू रिसीव एनी अदर फाइनेंशियल रिसल का मतलब सिंपल सा है सपोज आपके पास कोई ट्रेड रिसीवेबल्स था तो नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल्स आपको पैसा देता है ऐसा मान लो वो ट्रेड रिसीवेबल ने बोला कि पैसा नहीं दूंगा मैं तुमको किसी और कंपनी के शेयर दे दूंगा मैं तुमको कोई बिल्स दे दूं, बिल्स रिसीवेबल दे, दूं, दे दूंगा ऐसा मतलब जब एक फाइनेंशियल आपको कोई दूसरा फाइनेंशियल प्रॉमिस कर रहा है अपार्ट फ्रॉम कैश तो उसको वो ये वाले पार्ट में आ जाएगा राइट टू रिसीव एनी अदर फाइनेंशियल Asset. बराबर ये डी वाला पार्ट को मैं होल्ड पे रखूंगा आई होप आपको ये तीन चीजें समझती है अब इसको बेटर समझने के लिए फटाफट से जो इजी जो एक्साम्पल है, है उस पर डिस्कस करना चालू करता हूं सबसे पहला कैश बैलेंस उसके अलावा इन्वेंट्री पीपी अब ध्यान रखना है जो इन्वेंट्री पीपी है आपको पैसा आ सकता है लेकिन यू डू नॉट कैश बराबर आप ये मत बोलना सर इसको बेचेंगे तो पैसा आएगा ना अरे बेचेंगे तो पैसा आएगा ये नहीं बोला है डू यू हैव अ टू रिसीव कैश द आंसर इज नो ना तो इन फाइनेंशियल एसेट नहीं है बराबर उसके अलावा लोन्स एंड गिवन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेफरेंस शेयर ये सब के सब फाइनेंशियल एसेट आपके लिए मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो ना शेयर्स प्रेफरेंस शेयर बॉन्ड वगैरह में सब फाइनेंशियल एसेट है उसके अलावा सपोज आपके पास गोल्ड है तो क्या गोल्ड फाइनेंशियल एसेट होगा द आंसर इज नो व्हाई अरे क्योंकि गोल्ड ऐसा मान लो ना इन्वेंटरी जैसे हो गया आपके लिए माना यहां भी बेच के पैसा मिल सकता है लेकिन टू तो रिसीव कैश नहीं है हाँ अगर आपने गोल्ड के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर ये फाइनेंशियल असट है ठीक है थीके? उसके अलावा क्या प्रीपेड एक्सपेंस फाइनेंशियल फैशल होगा क्या आंसर करते हुए चलना क्या प्रीपेड एक्सपेंस फाइनेंशियल है द आंसर इज नो व्हाई प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है सपोज आपने मेरी मेरी न्यू बैच आ रही रेगुलर बैच ठीक है एफआर की तो आपने उसमें एनरोल कर लिया तो आपने फीस एडवांस में भरा रहेगा तो जो एडवांस में आप फीस भरते हो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है अब ये प्रीपेड एक्सपेंस है इसके अंदर आपके फाइनेंशियल असेट है द आंसर इज नो वाय क्योंकि जब आप कोई खर्चा प्रीपे करते हो तो आपको उसके बदले में पैसा वापस नहीं मिलने वाला आपको सर्विस मिलने वाली है बराबर तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट अ फाइनेंशियल असेट वेरी गुड आंसर विकास कैला शुभी तन्वी महक एकता वेरी गुड आगे प्रीपेड एक्सपेंस रिफंडेबल इन कैश इसका मतलब क्या है सपोज कभी कभी क्या हो गया आपने मेरी फीस प्रीपे कर दी तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीपेड एक्सपेंस अब मैंने बोला टीचिंग सर्विस नहीं दूंगा मैंने सर्विस देने रिफ्यूज कर दिया तो मैं बोलूँ फिर आपने जो फीस भरी वो रिफंडेबल बन जाएगी आपके लिए तो जब ये मैंने सर्विस देने से रिफ्यूज कर दिया और जब आपकी फीस रिफंडेबल बन गई आपके लिए तब ये फाइनेंशियल असट हो सकता है बट अगर कुछ नहीं बोला गया हो तो प्रीपेड एक्सपेंसिस नेवर अंशियल असेट ध्यान रखना उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीवेबल

ट्रेड रिसीवेबल्स एक ऐसा ट्रेड रिसीवेबल जो आपको पैसा नहीं देगा जो आपको बिल रिसीवेबल देगा ये भी फाइनेंशियल असेट है इनकम टैक्स रिफंड अब क्या हुआ आपने ज्यादा टैक्स जमा करवा दिया तो आपको रिफंड आने वाला है अब पैसा तो आएगा लेकिन ये फाइनेंशियल असेट नहीं है भाई ये स्कोप में नहीं है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्यों क्योंकि यहाँ आपको कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है जब आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से पैसा आने वाला होता है उसको बोलते स्टैट्यूटरी राइट

अपन आएंगे डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तरफ अब लाइबिलिटी है तो यहां रहा अपन लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ यू से बात करेंगे तो सबसे पहले मैं ये दो पॉइंट्स की बात करूंगा ठीक है सबसे पहले क्या बोलते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी कब होगी जब वेन एवर यू हैव अ कॉन्ट्रेक्टर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब वो कैश डिलीवर करना है अब लाइबिलिटी है तो पैसा देने की बारी आएगी ना ऐसा कहां होता है सर क्रेडिटर्स में ट्रेड पेबल्स में लोन टेकन में कभी लोन लिया किसी तो पैसा वापस देना पड़ेगा ना यार है ना तो कॉन्ट्रेक्ल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश अगर ये हुआ तो आपके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल एसेट कैश के अलावा अगर और कुछ डिलीवर करना जो फाइनेंशियल एसेट डेफिनेशन कर मीट करता है मतलब अगर किसी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आप कैश के अलावा कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट डिलीवर करने वाले तो ये भी आपके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा मैं बी और सी वाले पॉइंट पर अभी नहीं आ रहा उसको मैं होल्ड पर रखता हूँ बराबर अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाले डेफिनेशन को समझने के लिए थोड़े एग्जांपल्स यहाँ भी अपन देख लेते हैं सबसे पहले ट्रेड पे बल लोन टेकन ये दोनों फाइनेंशियल लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी सपोज ए एके लिमिटेड है ना एके लिमिटेड ने अपने इंप्लॉयज को एक महीने से पगार नहीं दी

चर वगैरह इशू किए है।, है ना अगर आप नॉर्मल डिवेंचर इशू करते हैं डिवेंचर इशू क्यों करते हैं पैसा रेस करने के लिए ठीक है तो अगर आपने डिवेंचर इशू किया तो आपको दो चीजें देनी होती है इंटरेस्ट भी कैश में देना होता है प्रिंसिपल भी कैश में देना होता है तो जब डिवेंचर इशू करते हो तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है बराबर अब इसमें एक खास बात सपोज आपने इक्विटी शेयर इशू किया है ना जहां आपको खुद के इक्विटी शेयर इशू करने हैं ना वो कभी भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होता है वो इक्विटी होता है फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बताता हूं सपोज कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया है ना अब एक बार के लिए इंटरेस्ट वाला पार्ट भूल जाओ ठीक है उसकी बात मैं करता हूं कन्वर्टेबल डिवेंचर आपने इशू किया तो क्या होगा जब प्रिंसिपल रिपेमेंट की बारी आएगी तो मैं पैसा नहीं दूंगा मैं खुद के शेयर दूंगा खुद के शेयर तो जहां आपको खुद के शेयर इशू करने है वो इक्विटी होता है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होता है मतलब जहां कैश डिलीवर करना है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी जहां खुद के शेयर इशू करना है वो इक्विटी होता है सर ऐसा क्यों खुद के शेयर ना ही कैश है और खुद के शेयर ना ही फाइनेंशियल असट होते हैं आप बोलोगे सर शेयर्स तो फाइनेंशियल है ना किसी और कंपनी के शेयर आपके पास है तो वो फाइनेंशियल असेट है जहां खुद के शेयर इशू करने ना आपको तो वो इक्विटी बन जाता है ये बात ध्यान रखना सेम इज केस विद कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एक प्रफरें डिविडेंड भूल जाओ उसकी बातें मैं करता हूं लेकिन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आपने अगर इशू किया आप इशू करो तो प्रिंसिपल के पेमेंट के समय आप इक्विटी शेयर डिलीवर करो क्योंकि कन्वर्टेबल नहीं है तो जहां आपको खुद के इक्विटी शेयर डिलीवर करने वो इक्विटी होता है आपके लिए बात आप सब लोग ध्यान रखोगे ठीक है सेम इज केस विद अच्छा नॉर्मल प्रेफरेंसर इशू किया तो नॉर्मल कन्वर्टेबल ही नॉर्मल प्रेफरेंसर तो यहां तो आपको डिविडेंड भी कैश

बराबर तो अब मैंने आपको है ना मोटा मोटी समझाऊ तो मैंने आपको तीन चीज बताई एक वॉट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बराबर अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले आपको समझ गया अभी समझेगा आपको क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट तो एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल असेट है मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है ना तो एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल असेट दूसरी पार्टी के लिए या तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी या फिर इक्विटी बराबर अब फाइनेंशियल असट क्या होता है उसकी बातें कर ली फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होता है अपन उसकी बातें कर ली और उसके बाद आपने एक और बातें की वो है इक्विटी क्या होता है जहां खुद के शेयर डिलीवर करना उसको बोलते हैं इक्विटी एस दिस क्लियर टू एवरीवन स और नो अरे यस और नो अरे टू दस नो बुल्ला को तक समझा अब मैं अगले कंसेप्ट की तरफ आ रहा हूं अच्छा, मैं बता दू मैंने फाइनेंशियल लाइबिलिटी में दो डेफिनेशन के पॉइंट्स अब तक पेंडिंग रखे मैं आऊंगा उसके ऊपर अच्छा एक पॉइंट मैं में अभी डिस्कस कर ही लेता हूँ फिनेशियल लाइबिलिटी में एक और चीज है कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फिनेशियल फिनेशियल लाइबिलिटी अंडर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन सर इसका मतलब क्या है ऐसा समझ लो दो लोग हैं एक अक्षत और एक पर्व ठीक है इन दोनों ने बैटिंग करी जिसको अपन अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं फ्यूचर ऑप्शन है ना आप फ्यूचर खरीद तो ऑप्शन में एंटर करते हो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन वगैरह तो बैटिंग करी अक्षत बोलते हैं रिलायंस का का शेयर प्राइस बढ़ेगा पर बोलते हैं रिलायंस का का शेयर प्राइस गिरेगा तीन महीने के बाद है ना अब इसमें से तो जो भी जीतेगा उसको टेन थाउजेंड रुपीज मिलेगा तो अगर मैं अपन अभी तीन महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो एवरी मंथ में चेक करते अब तक कौन जीत रहा है एवरी मंथ में से चेक करते अब तक कौन जीतता हुआ दिख रहा है तो एवरी मंथ में जब आप चेक करोगे अगर अक्षत जीतता हुआ दिख रहा है तो अक्षत के लिए पोजिशन इज फेवरेबल

तो दो की शक्ति तो एक्साम्पल लेते हैं अब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इशुअर के पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है वो पार्टी जो इंस्ट्रूमेंट इशू करके पैसा रेस कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना ठीक है तो सपोज एक डिवेंचर है <coughs> अब अगर डिवेंचर रिडीमेबल बोला गया Redeemable का मतलब क्या होता है redeemable का मतलब इंटरेस्ट भी कैश में दोगे, प्रिंसिपल में दोगे। तो जब दोनों ही cash में देना है तो जब इंटरेस्ट कैश में देना इंटरेस्ट भीशियलिटी प्रिंसिपल में देना है, प्रिंसिपल लाइबिलिटी जब दोनों ही financial liability है तो ये सी नहीं होता तो ये नॉर्मल फाइनेंशियलिटी हो गया लेकिन अगर यही डिवेंचर में बोलता कन्वर्टेबल है कंपलसरी कन्वर्टेबल करोगे कैश में लेकिन जब प्रिंसिपल देने की बारी आएगी तो कैश दोगे क्या ना मुन्ना ना कैश नहीं देंगे तो क्या बोले खुद के इंटरेस्ट तो दोगे कैश में शेयर तो तो बोलेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सी एफ आई चलो एक और बातें कर लेते हैं प्रेफरेंस में सेम चीज है सपोज रिडीमेबल मतलब पैसा ही देने वाले हो. तो डिविडेंड में पैसा देना है प्रिंसिपल में पैसा देना दोनों का दोनों एफएल रहेगा अब प्रेफरेंस में एक और डिटेलिंग बात डिविडेंड को लेकर को लेकर डिविडेंड के अंदर क्या होता है कुछ कुछ केस में क्या होता है? मैंडेटरी होता है और कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देगा तो उसको बोलते डिस्क्रिशनरी अगर डिस्क्रिशनरी है तो फिर ऑब्लिगेशन नहीं आपका पे करना पैसा होगा तो दोगे वरना नहीं दोगे तो है तो फिर फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं होता है लेकिन जहां डिविडेंड मैंडेटरी तो वहां फाइनेंशियल एबिलिटी हो जाएगा अब वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिफर करेगा लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो तो आप हमेशा तो, तो, तो जब डिविडेंड कैश में देनाल तो दो जब दोनों एफ एल है तो यह सी एफ आई हुआ क्या नहीं ये तो पूरा नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट हो गया लेकिन 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 अगर कन्वर्टेबल मैंडेटरी है तो ये कैश में दोगे तो एफएल प्रिंसिपल में खुद के शेयर दोगे बिकॉज कंपलसरी कन्वर्टेबल है तो इक्विटी हल्का एफएल हल्का इक्विटी तो क्या हो गया कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट याद रहेगा याद रहेगा सर अब इसमें एक और खास बात मजा आ जाएगा अभी तरह. अच्छा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ना इंटरेस्ट प्रिंसिपल के अलावा जिसने क्लास पहले कर रखी है उसको मालूम रहेगा तीसरा कॉम्पोनेंट भी आता है उसकी बातें अभी नहीं करेंगे उसकी बातें करेंगे क्वेश्चन के साथ ठीक है आ जाओ आ जाओ अब हाँ इधर थे अपन डिवेंचर

शेयर्स मांगे मैं चाहे ये करू मैं चाहे वो करूं उसकी मर्जी मतलब है ना होल्डर की मर्जी है तो यहां देखो इंटरेस्ट तो कैश में देना है ठीक है वो एफएल रहेगा अब प्रिंसिपल में कंपलसरी कन्वर्ट तो हो नहीं होल्डर क्या मांगेगा हमको नहीं पता लेकिन ये एक सवाल अपने आपसे पूछना हम तो ईश्वर है ना कि हमारे पास ऑप्शन है नहीं होल्डर कैश मांगेगा तो क्या हम मना कर सकते नहीं मतलब हमारे लिए कैश अवर्डेबल नहीं है हमारे लिए कैश अवॉर्डेबल नहीं है होल्डर कैश मांगे होल्डर शेयर्स मांगे हम मना नहीं कर सकते

कैश पेमेंट अवॉइड कर सकते हो ना अवॉइड करोगे नहीं करोगे सेकेंडरी है अपने दम पे अवॉइड तो कर सकते हो ना तो इंटरेस्ट देना ही है लेकिन प्रिंसिपल में कैश अवॉइडेबल है तो जहां कैश अवॉइडेबल है मैंडेटरी नहीं है वो फिर इक्विटी बन जाता है तो यहां इंटरेस्ट हो गया एफ प्रिंसिपल हो गया इक्विटी हल्का हल्का हो गया सी इसका मतलब क्या सीखने मिला ये सेम लॉजिक प्रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल है मतलब अगर कन्वर्टेबल है तो ध्यान से देखना ऑप्शन किसके पास है अगर ऑप्शन बोला गया होल्डर के पास है तो प्रिंसिपल को एफ मानना अगर ऑप्शन बोला गया इशुअर के पास है तो प्रिंसिपल को इक्विटी मानना आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी क्लियर ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में था मतलब डेफिनेशन सिखाया कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिखाया अब मैं आऊंगा आपके पास एक और चीज लेकर <coughs> अच्छा हाँ मैंने एक और चीज बोली थी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इशुअर

मतलब जो इंस्ट्रूमेंट को आप कन्वर्ट करो वो भी फिक्स होना चाहिए और बदले में कितने शेयर दोगे भी फिक्स फिक्स होना चाहिए जब जब दोनों होता है ना उसको बोलते टू टू आपका टेस्ट मीट हो जाएगा तो ही वो इक्विटी होएगा मतलब इक्विटी होने के लिए दो कंडीशन मीट होना चाहिए सबसे पहला कंपनी खुद के शेयर इशू करेगा सेकंड फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट करेगा मतलब जो इंस्ट्रूमेंट वो कन्वर्ट कर रहा है वो भी फिक्स होना चाहिए और कन्वर्जन पे जितने शेयर देगा वो भी फिक्स होना चाहिए सबको समझाए वाला पार्ट अगर एक भी जगह वेरिएबलनेस आ गई अगर आपको मैं चार्ट नोट्स में चार्ट है। अगर एक चार्ट है, है, है या फिर यहां वेरियबल एक फिक्स है तो अगर एक भी जगह बताए नहीं बोला कन्वर्ट करेंगे कितना कन्वर्ट करोगे तो अगर एक भी जगह वेरिएबलनेस आ गई तो फिर लायबिलिटी बन जाएगा इसका मतलब इसका मतलब सर जहां मुझे खुद के शेयर देना है लेकिन फिक्स टू फिक्स मीट नहीं करता है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा

क्वेश्चन में नहीं बोला गया तो फिक्स टू फिक्स मीट करता होगा भी पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करेंगे वापस चार्ट करके बताऊंगा क्या क्या पढ़ा ताकि आपके माइंड में एकदम ऐसे कंसाइज हो जाए डेफिनेशन में ने ये देख लिया ये देख लिया ये देख लिया ये देख लिया बराबर फिक्स टू फिक्स क्या होता है अपने को समझ गया कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है अपने को समझ गया अभी तक मैंने वैसे सिर्फ डिस्कशन क्या कंसेप्ट का इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें से कुछ बन सकता है एमसीक्यू वगैरह तो टैकल कर पाओगे ठीक है अब अपन आएंगे वन जीरो नाइन के ऊपर मजा तो इसमें है मजा तो इसमें है आओ मुन्ना आओ आओ मोदी जी आओ आओ मोदी जी है ना आगे मोदी जी आओ इंडेक्स वन जीरो नाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छा थर्टी टू के अंदर वैसे आप देखोगे ना मॉडल में बहुत सारे ऑल और, और भी कंसेप्ट मेरा फोकस वो उस पर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट ज्यादा है सिंपल सी बात बाकी आपको दिखता है आप एक बार रीडिंग दे दोगे चल जाओगे दिक्कत वाली बात नहीं है बट टाइम का कंसेंट है जितना मैं बताओ उतना तो इटल कर लेना आगे इन डेस वन जीरो नाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट्स क्लासिफिकेशन मेजरमेंट बोलते हैं इसको ठीक है अब आपने देखा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर तीन चार एलिमेंट है एक फाइनेंशियल है एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी है पहले मैं फाइनेंशियल असेट की बात कर रहा हूँ उसमें बोलते हैं क्लासिफिकेशन वट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन मतलब इसका

ठीक है कितने टेस्ट दो टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे एक है बिजनेस मॉडल टेस्ट बराबर और एक है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश लो कैटेस्टिक टेस्ट उसको बोलते हैं प्यार से सीसीएफसी टेस्ट दो टेस्ट कंडक्ट करोगे ठीक है अब मैं वो टेस्ट के डेप्थ में नहीं जाऊंगा लेकिन रिवाइज जरूर करवाऊंगा मैं क्या बोलते हैं बिजनेस मॉडल टेस्ट बिजनेस मॉडल टेस्ट का तीन आउटकम पॉसिबल है या तो आपका बिजनेस मॉडल होल्ड है या फिर होल्ड और ट्रेड है या फिर ट्रेड है बराबर और बिजनेस मॉडल एक एंटिटी स्पेसिफिक टेस्ट है मतलब एंटिटी एज अ होल से पूछने का कि तेरा मोटिव क्या है तो नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट होल्ड करता है होल्डर ट्रेड करता है या पक्का पक्का ट्रेड करता है तुम समझ लो ऐसा समझ लो कंपनी होल से पूछा जाएगा ठीक है सीसीएफसी टेस्ट यह इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक टेस्ट है मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से आपसे मोटिव पूछा जाएगा अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आपका मोटिव है सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कमाना तो वो सीसीएफसी मीट कर जाएगा लेकिन अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे आपका मोटिव है कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ बीच में बेच के कैपिटल गेन लॉस भी कमा लेंगे कैपिटल गेन होएगा ज्यादा में बेचा तो कम में बेचा तो लॉस होएगा तो अगर कोई तीसरा कैश होने का मोटिव है इधर तो सीसीएफसी मीट नहीं करेगा वापस से बिजनेस मॉडल एक एंटीडी स्पेसिफिक टेस्ट टेस्ट है CCFC एक instrument specific test है सीसीएफसी मतलब एक एक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक मतलब यहां हर से सवाल पूछा जाएगा कि आपका सीसीएफसी मीट हो रहा होगा कब मीट होगा जब आपका इंटेंशन है सिर्फ दो कैश कैशलो अन करने का इंटरेस्ट इफ एप्लीकेबल कभी कभी इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है जीरो बॉन्ड्स वगैरह तो उसमें से प्रिंसिपल होगा तो इंटरेस्ट इफ एप्लीकेबल एंड प्रिंसिपल सिर्फ ये दो कमाने का मोटिव है कब मोटिव होगा पता है जब आप उस इंस्ट्रूमेंट को लास्ट तक होल्ड करोगे तो आपको यही दो कैश लो मिलेगा अगर इसके अलावा आपको और कोई तीसरा कैश लो कमाने का है तो फिर सीसीएफसी मीट नहीं करेगा ठीक है मैंने यहाँ एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखा है जैसे इन्वेस्टमेंट इन है अगर सपोज डिवेंचर है सीसीएफसी के एग्जाम्पल लेता हूँ तो सपोज मेरा केस वन इंटेंशन है मैं बेचूंगा नहीं दर इज नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग तो मुझे इस डिचर से सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल मिलेगा सीसीएफसी इज मेट केस टू सपोज मैं बोलता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट है ना मैं बेच दूंगा मेरा इंटेंशन है मैं बेचूंगा इसको बीच में डिवेंचर बिकता है भाई भी तो इंटरेस्ट मिलेगा बेचूंगा तो प्रिंसिपल रिकवरी भी करूंगा और ज्यादा मैं बेचूंगा तो गेन होगा कम में बेचूंगा तो लॉस होगा तो यहां इस केस में सीसीएफसी मिट नहीं करेगा अच्छा सपोज इन्वेस्टमेंट इन जीरो कूपन बॉन्ड्स अब जीरो कूपन बॉन्ड में देखो आपको इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है लेकिन प्रिंसिपल मिलता है अब वो प्रिंसिपल पता है कैसे मिलता है सपोज आपने जीरो कूपन बॉन्ड में खरीदा सौ रुपये में आपको रिडम्पशन वन फिफ्टी में होएगा तो पचास रुपये का इंटरेस्ट साथ में मिल जाता है प्रिंसिपल के साथ में तो यहाँ सीसीएफसी मीट कर जाएगा ये मत बोलना सर इंटरेस्ट तो मिला ही नहीं इंटरेस्ट इफ एप्लीकेबल नहीं एप्लीकेबल तो सिर्फ प्रिंसिपल मिल रहा है ना कोई तीसरा कैपिटल लॉस वगैरह आ रहा है क्या नहीं ना तो सीसीएफसी वीमेंट अच्छा उसके अलावा अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है देखो मैं फाइनेंशियल की बात करूँ इसलिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है बार बार अगर कोई इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स में इसमें इंटरेस्ट तो मिलता नहीं मिलता तो डिविडेंड मिलता है वो भी फिक्स नहीं है कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा और प्रिंसिपल की रिकवरी हो सकती है ओनली ऑन उन सेल इक्विटी शेयर कभी कोई टेन्यर के लिए इशू नहीं होता है ऐसा नहीं होता दस साल का इक्विटी शेयर है जिंदगी भर का होता है वो तो रिकवर करना है प्रिंसिपल तो बेचना पड़ेगा बेचोगे तो लॉस होएगा तो इक्विटी शेयर में जिंदगी में कभी सीसीएफसी मीट नहीं करता ये बात ध्यान रखना आप जिंदगी में कभी में कभी जिंदगी में क्या मीट नहीं करेगा सीसीएफसी इज नेवर मेट ठीक है ये ध्यान रखना आप। ओके अब मैंने आपको काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग दे दिया सीसीएफसी के ऊपर तो दो टेस्ट है बिजनेस मॉडल और सीसीएफसी अब सर इन दोनों के आउटकम के बेस पे हम कौन सा मेथड चूज करेंगे कैसे मालूम पड़ेगा तो एक टेबल पे आ जाओ इधर एक मीठा मीठा प्यारा प्यारा समरी बनाया हुआ आपके लिए मैंने इधर आओ जैसे बिजनेस मॉडल है

होल्ड है तो से कैसे मीट नहीं हो रहा है अरे ऐसा पॉसिबल आपके पास कोई इक्विटी शेयर वगैरह हो गए भले ही इंटेंशन है होल्ड करने का लेकिन इक्विटी शेयर तो कभी सीसीएफ से मीट ही नहीं करेगा तो उसके लिए बोलते हैं जब सीसीएफ से ना मीट करे तो मेथड है एफईटीपीएल अच्छा अगर बिजनेस मॉडल होल्ड ऑफ ट्रेड है है ना होल्ड और ट्रेड है अब सीसीएफ से पूछा सीसीएफ से मीट है मतलब बिजनेस मॉडल आईसी है लेकिन सीसीएफ से मीट कर रहा है मतलब बेचोगे नहीं इंस्ट्रूमेंट को तो फिर बीच का मेथड दिया एफवीटी आर लेकिन अगर सीसीएफ से ना मीट करे तो एफईटीपीएल और अगर बिजनेस मॉडल ही ट्रेड है तो फिर तो करने का जरूरत ही नहीं सीधा एल अब सर याद कैसा रखे ना वहां है।, है उसके अलावा अगर बिजनेस मॉडल भी सख्त है होल्ड है सीसीएफसी मीट कर रहा है तो फिर कॉस्ट पर रखो अगर बिजनेस मॉडल चंचल है डाइसी है लेकिन सीसीएफसी पक्का पक्का मीट कर रहा है तो फिर बीच वाला मेथड है ओ सी आई समझा और ट्रेड है तो फिर तो पूछने का जरूरत ही नहीं तो है तो यहां ने सकते हो सर ऐसा ऑप्शन क्यों दिया इट इज गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स क्यों देखो अगर आपका इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म होल्ड करने का मन है फिर भी सीसीएफसी तो मीट नहीं कर रहा था आपने देखा, में कभी मीट नहीं करेगा सीसीएफसी तो यार सीधा पीएनएल इंपैक्ट करवाना उसके गेन लॉस की वजह से उसके फेयर वैल्यू गेन लॉस की वजह से सीधा पीएनएल इंपैक्ट करवाना थोड़ा सा हार्श हो गया तो बोलता है ऐसा मत करो आप एक काम करो आप एफ एनआर चूज कर सकते हो जहां जो भी गेन लॉस रहेगा वो एसीआई एनआर में जाएगा ये वाला मेथड प्रिस्क्राइब आपको किया गया है

तो कोई टेस्ट कंडक्ट करने का जरूरत है क्या कि कौन सा कौन सा मेथड यूज करूँ अब जब रेस में अकेला ही भाग रहा है तो ये जीतेगा ना फिर तुम समझ रहे हो क्या हाँ तो मेथड या एसीएम है एसीएम एसी मतलब एमोटाइज क्वॉस्ट मेथड उसके अलावा फ्यू केसेज में एफ सॉरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के फ्यू केसेज में आपके पास एफ वी टीपीएल मेथड भी है वो फ्यू केस के एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखो डेरेवेटिव और फाइनेंशियल गारंटी वगैरह उसकी बातें मैं करूंगा आगे बट एज ऑफ ना याद रखो फाइनेंशियल असट है तो बहुत सारे मेथड है फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो एक ही मेथड है वो है ए सी एम क्लियर है वाला पार्ट इसका मतलब मैं बोलू एक मेथड दोनों में कॉमन है ये जो ए मेथड है ये फाइनेंशियल एसेट में भी कॉमन है ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी में भी कॉमन है अरे मानता है कि नहीं मानते हैं सर ठीक है तो आगे आ जाते हैं अब एसीए मेथड में अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी उसको बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी एसीए मेथड में अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी तो अब मैं कुछ रूल्स बोलूंगा आप वो रूल्स हमेशा ध्यान रखना ठीक है सबसे पहला रूल मेथड कोई भी हो मेथड एसीएम हो मेथड एफ हो

दो टेक्निक्स uh, बता रखे ये शॉर्टकट्स है ठीक है ये आपको मॉडल में कहीं नहीं मिलेगा मेरा दिया वो से काम आ जाएगा आपको ठीक तो, है तो तीन केसेस में तीन केसेस में आप फेयर वैल्यू कंप्यूट करोगे क्या करोगे, करोगे. वो तीन केस क्या है सबसे पहला जहां जो लेंडर और बोरोवर है मतलब जिसने पैसा लिया और जिसने पैसा दिया उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है

लेवल लेवल इनपुट इनपुट अभी क्या होता है इसके बारे में आप इंडेक्स वन वन थ्री के अंदर पढ़ते हो ठीक है मैं उसके बाद अभी नहीं कर रहा तो अगर ऐसा बोल दिया कि फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन लेवल वन इनपुट तो भी आप फेयर वैल्यू क्या करोगे कंप्यूट करोगे कैसे कंप्यूट करोगे फॉर्मुला से, से? फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश कैशलोज डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अगर इन तीन में से एक भी केस में फॉल करोगे तो आप फेयर वैल्यू कंप्यूट करोगे कंप्यूट लेकिन अगर क्वेश्चन में तीनों में से एक भी केस में फॉल नहीं कर रहे हो तो आप फेयर वैल्यू अज्यूम करोगे क्या करोगे आप फेयर वैल्यू अज्यूम करोगे सर अज्यूम का मतलब क्या होता है जो भी डे वन पे आपका कैश फ्लो हुआ इनफ्लो आउटफ्लो उसको बोलते हैं अज्यूम कैसे करेंगे ऐसा मान लो एक बार के लिए फेयर वैल्यू विल बी इक्वल टू योर ट्रांजैक्शन प्राइस सर व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्राइस सपोज आपने डे वन पर दस लाख का लोन लिया तो डे वन पर दस लाख का इनफ्लो हुआ आपको यह आपका फेयर वैल्यू हो जाएगा इसी को बोलते हैं ट्रांजेक्शन प्राइस इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू ऐसा सपोज डे वन पे आपने इंस्ट्रूमेंट से पैसा रेज किया डिस्काउंट पे टेन परसेंट डिस्काउंट पे रेज किया तो दस लाख का इंस्ट्रूमेंट आपने डिस्काउंट पे रेज किया टेन परसेंट तो पैसा कितना है नाइन लाख यही आपका डे वन का ट्रांजेक्शन प्राइस है ये आपकी डे वन की फेयर वैल्यू हो जाएगी ऐसा मतलब जो डे वन पे नेट इन्फ्लोटफ्लो हो रहा है वो आपकी फेयर वैल्यू बन जाएगी कब जब ये तीनों में से एक भी केस में फॉल ना करे तब तब आप फेयर वैल्यू अज्यूम करोगे क्या करोगे आप फेयर वैल्यू अज्यूम करोगे तो मैं अभी आने वाले समय में हर बार पूछूंगा फेयर फेर वैल्यूट करूंगी वैल्यू अज्यूम करू तो जब तीन केस दिखे रिलेशनशिप सी या लेवल वन इनपुट तो बोलना फेयर वैल्यू कंप्यूट करेंगे सर कंप्यूट मतलब समझ के फॉर्मला लगाने पड़ेगी और अगर तीनों में से एक भी केस में फॉल नहीं कर रहा है तो आप बोलोगे फेयर वैल्यू अज्यूम कर लो सर अज्यूम मतलब फेयर वैल्यू विल बी इक्वल टू प्राइस ये आपको रूल समझ गया

ये रहे स्टेप्स टू सॉल्व स्टेप्स टू सॉल्व सबसे पहला स्टेप है कैश कैशलॉस निकालने का एक टेबल बनाने का कैश कैशलॉस का बराबर कि डे वन पे कितना पैसा आ रहा है फिर फ्यूचर में कितना पैसा जाएगा ठीक है सबसे पहला दूसरा फेयर वैल्यू निकालेंगे सेकंड स्टेप में फेयर वैल्यू या तो एफ का या फिर एफ का जैसे मैंने बोरो किया तो मेरे लिए एफ है और जिसने मुझे पैसा दिया उसके लिए वो एफ है तीसरा ई निकालने का बराबर अब ये ई क्या होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ना वट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या तो यह मार्केट की रेट होती है

तो ईआर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर कूपन इंटरेस्ट योर प्रीमियम योर डिस्काउंट यह सबका कॉम्बिनेशन मिला के बनता है ई आई आर बराबर और कभी कभी ई आई आर दिया हुआ रहता है कभी कभी कंप्यूट करना पड़ता है इधर इट इज डायरेक्टली गिवन और यू हैव टू फाइंड यूजिंग इंटरपोलेशन जो आप ए एफ एम वगैरह में करते हो बचपन में आप एफ वगैरह में सीखते थे इंटरपोलेशन है ना आई आर आर निकालते थे तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर कूपन इंटरेस्ट प्लस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम एक चीज आती है इधर प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट उसकी बात अभी मैं आने वाले समय में करने वाला हूँ ठीक है तो सबका कॉम्बिनेशन होता है ई आई आर दिया या फिर निकालना पड़ेगा और स्टेप नंबर फोर होता है याद है क्या टेबल है ना अरे लोन लोनोडेशन टेबल एल

फेयर वैल्यू शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश वेट ईआर फेयर वैल्यू का फॉर्मुला लिखो फेयर इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश वोट ई आर इसमें फेयर वैल्यू मेरे पास है इसमें कैशलॉज है, ये मेरे है. ना कि पांच साल तक मुझे एट एट लैक रुपीज भरना है और उसके बाद मेरे को हंड्रेड करोड हंड्रेड लैक्स भरना है जो भी है तो मेरे पास ये मिसिंग है तुम समझे क्या ये अवेलेबल है फेयर वैल्यू एजूम कर ली फ्यूचर कैशलॉज मेरे पास टेबल से मिल जाएंगे स्टेक नंबर वन के ई आर ढूंढना आपको अब तुम इंटरपोले मोगे ऑफकोर्स बच्चे तो नहीं हो रिविजन देख लो तो इंटरप्रेशन सीख क्या आया रहेंगे नहीं आया तो मैंने दे रखा है वैसे ठीक है तो इंटरप्रेशन मार के आप निकालोगे ई आई आर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो मेरे केस में इंटरप्रेशन किया मैंने टेन पॉइंट सेवन जीरो परसेंट मेरे को आ गया ठीक है <coughs> तो टेन पॉइंट सेवन जीरो परसेंट किया एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें कूपन भी आ गया डिस्काउंट प्रीमियम ट्रांजेक्शन का सब आ गया इसके अंदर ठीक है तो आप ध्यान से देखोगे ना जब आप बुकिंग करोगे अब आपको बनाना है स्टेप नंबर में लोन एमोडेशन टेबल तो आप लिखोगे पहले ईयर फिर लिखोगे ओपनिंग ओपनिंग में हमेशा फेयर वैल्यू लिखना इस ओपनिंग पे लगाओगे इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट जब अपन बुक करेंगे अकाउंट्स में तो कभी भी अपन अकाउंट्स में कूपन इंटरेस्ट बुक नहीं करते ईआईआर इंटरेस्ट अक्रू करेंगे तो ईआर का जो रेट है उस पे इस फेयर वैल्यू पे अक्रू करना फिर आप करोगे रीपेमेंट जब रीपेमेंट करोगे तो तो जो कूपन है उस पे रीपे करना है आपको फिर आपको मिलेगा क्लोजिंग ऐसे करके आप पूरा का पूरा क्या बनाओगे एल ए टी बराबर और कभी अगर बाई चांस एंट्रीज मांगी तो एल ए टी देखकर एंट्री मार लेना पहले आप इसको रिकॉर्ड करने के एंट्री मारोगे फिर आप इंटरेस्ट की एंट्री मारोगे फिर आप रीपेमेंट की एंट्री मारोगे फिर आप क्लोजिंग करोगे एक बात ध्यान रखना अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा होगा एक्सपेंस होगा रीपेमेंट आप पे ऑफ करोगे अगर यही चीज फाइनेंशियल असेट होती है असेट तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम होती है और रीपेमेंट आप रिसीव करोगे तो एंट्री मारते समय ध्यान रखना मिस्टेक मत कर देना प्लीज इस चीज का ठीक है तो अगर मुझे समराइज कराना हुआ ये चीज को तो आप मुझे फटाफट फटा फट से अभी चार स्टेप बताओगे फटाफट से मेरे को बताओ ना अभी समझा तुमको तो सबसे पहला स्टेप नंबर वन इज कैश कैशलॉस उसके बाद स्टेप नंबर टू क्या है स्टेप नंबर टू जल्दी से फेयर वैल्यू ठीक है फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल लाइबिलिटी इस केस में क्या मैं कंप्यूट कर रहा था कि अज्यूम कर रहा था इस केस में मैं अज्यूम कर रहा था क्या अज्यूम कर रहा था दैट फेयर वैल्यू इज इक्वल टू टीपी क्योंकि वो तीन केस में फॉल नहीं कर रहे हैं वेरी गुड ठीक है स्टेप नंबर थ्री क्या है स्टेप नंबर थ्री गाइस

ओपनिंग इंटरेस्ट रीपेमेंट क्लोजिंग लो मज़ा आ गया भाई फॉर्मेट भी बन गया इंटरेस्ट जब अक्रू करोगे तो एज पर ई करना रीपेमेंट जब करोगे तो एज़ पर कूपन वगैरह करना सिंपल क्लियर विद दिस यस सर अच्छा एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको थोड़ी एडवांस बात है लेकिन करूँ आपसे सुनो हमने क्या बोला ई आर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कूपन डिस्काउंट प्रीमियम ट्रांजेक्शन कॉस्ट ठीक है अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि क्वेश्चन में सिर्फ कूपन है ना कोई डिस्काउंट है ना प्रीमियम है ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ये तीनों में से कुछ भी नहीं है सिर्फ कूपन कूपन है जब ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो उस केस में आपका कूपन और ई मैच कर जाएगा सेम हो जाएगा वो ध्यान रखना ये थोड़ी एडवांस बात है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ ठीक है एनी नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं आगे आने वाला केसेस में वापस आने वाला है वो क्या तुम लोग ये स्टेप से फेमिलर हो गए चार स्टेप याद रहेगा ठीक है मैं स्टेप पता क्यों बता रहा हूं आपको जब सम सॉल्व करोगे ना एग्जाम में देख के लगेगा और ये तो किताब का क्वेश्चन है फिर बोलोगे चालू कहां से करूं बे तो चालू करने वाले स्टेप्स काम आएंगे समझ रहे हो तुम यस सर आगे बढ़ जाते हैं और फिर देखना पूछा क्या एग्जैक्टली exactly? एंट्रीज मांगे तो एंट्रीज दे देना अमाउंट मांगे तो अमाउंट दे देना अलग से और क्या चलो अब है ना इसमें इसी केस में मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल और करवाऊंगा विच इज लेटिंग टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट अब तो मैंने बेसिक एग्जांपल करवाया सबसे पहले बता दूं मैं एसीआई मेथड की डिस्कशन कर रहा हूं ठीक है तो सीआई मेथड में अपन डे वन पे फेर वाले पे रिकॉर्ड करते हैं ना

आगे बढ़ जाते हैं सर, तो मैं मेथड के अंदर हूँ अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको और दिखा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर थ्री देख लो इधर ये मेरे पेज नंबर थर्टी थ्री पॉइंट वन सेवन पे एज ऑफ नाउ तुम्हारे किताब में कौन सा पेज है? एक बार देख लेना क्या बोलता है सुनो मुक्कू लिमिटेड एट परसेंट डिवेंचर ऑफ

है ना इसलिए हम बोलते हैं कि इसको भी ई आई आर का पार्ट बना लेना चाहिए अब ये ई आर का पार्ट कैसे बनेगा तो इसके लिए हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को डे वन पे डे वन पे पी में ट्रांसफर नहीं करेंगे ना 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 मुन्ना ना तो क्या करेंगे तो अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट है अगर आपके पास ट्रांजेक्शन कॉस्ट है कोई मुझे आंसर करेगा अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाले केस में इंकर किया है अगर आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाले केस में इंकर किया है वेरी गुड आंसर अशोक शुभी मोहम्मद रश्मि वेरी गुड अगर आपने फाइनेंशियल फाइनेंशियलिटी में इंकर किया है तो डे वन पे जो फाइनेंशियल की फेयर वैल्यू है उसमें से आप लेस करोगे ट्रांजेक्शन लेकिन अगर आपने यही ट्रांजेक्शन कॉस्ट किसी फाइनेंशियल एसेट में इंकर किया है तो आप डे वन पे जो फेयर वैल्यू है फाइनेंशियल एसेट की उसमें एड करोगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को सर एड लेस करने से क्या होगा एक तरीके समझ लो जब अपन एड करते हैं तो अपन एक तरीके से डेवन को कैपिटलाइज कर रहे हैं ताकि ओवर पीरियड बुक कर याद है जब अपन कोई असर खरीदते थे पीपी -पी जैसा उसमें तो अब एफ एल वाले क्यू एफ केस में एड क्यू, क्यू इसके बहुत सारे लॉजिक मैंने आपको दिए थे कुछ लॉजिक आपको रिकॉल करने का ट्राई करता हूँ लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और ये जो एक्सपेंस है इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि ऑपोजिट बैलेंस है इसलिए माइनस बराबर

ईयर रो में क्या आउटफ्लो है तो ईयर जीरो में अगर ये मैंने डिस्काउंट पे इशू किया था तो नाइन थाउजेंड का इनफ्लो है लेकिन पाँछ, पाँछ हजार का आउटफ्लो अलग से मेरा क्योंकि लोन जब लेते हो तो पैसा आता है लेकिन आपने फाइव थाउजेंड अलग से इंकर करना पड़ेगा तो नेट आपको एटी फाइव थाउजेंडी आएगा फिर ईयर वन से फाइव में आप कूपन भरोगे फिफ्थ ईयर के प्रिंसिपल भरोगे फर्स्ट स्टेप हो गया सेकंड स्टेप है फेयर वैल्यू अब ये तीनों में से किसी केस में फॉल नहीं कर रहे ना इसमें कोई रिलेशनशिप है

प्लस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो अब आप फॉर्मूला लिखते हैं ना ई e का फॉर्मूला क्या है जो आपके फेयर वैल्यू का फॉर्मुला होता है फेयर वैल्यू इज इक्वल टू तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश कैशलोस एट ई तो यहां जब आप लिखते हो ना फेयर वैल्यू तो आप ये नेट वाला लिखते होटी फाइव थाउजेंड नॉट एंड एटी फाइव थाउजेंड जब आप यहाँ एटी फाइव लिखते हो ना तो आपका जो ई आई आर निकलेगा वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का इफेक्ट लेने के बाद ही निकलेगा क्योंकि आपने जब लिखा है ना फेयर वैल्यू तो आपने आफ्टर डिडक्टिंग द द्रांजेक्शन कॉस्ट लिखा हुआ है

जब जब को एक्सक्लूसिव दूंगा तो ऐसा बोलूंगा एक के भाई साहब देखो दिया हुआ है समरी फॉर सम्रांजेक्शन कॉस्ट एफ एल वाले में डिडक्ट करेंगे FA वाले केस में ऐड करेंगे ठीक है उसके अलावा मैंने लॉजिक भी दिया हुआ ER है ई आर होता क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग उसके अलावा यह भी बोला हुआ है जब डिस्काउंट प्रीमियम और टीसी ना हो तो ई आर कूपन इंटरेस्ट सेम आएगा यह भी नीचे बोला गया है सब कुछ टका टक तुमको नोट्स के अंदर मैंने लिख के दिया हुआ है तो कॉम्बिनेशन ऑफ माई कंसेप्टिस बोर्ड नोट्सियंट ठीक है अब ये जो मैंने बात करी ना अपन क्या करेंगे जो रेलिवेंट कंसे पढ़ेंगे उसके एक चंद क्वेश्चन भी कर लिया करेंगे साथ साथ में ठीक है तो अब इसके ऊपर जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो है इलेस्टेशन नंबर थर्टी नाइन ठीक है एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है अब हमेशा मैं आपसे पूछूंगा फेयर वैल्यू कंप्यूट अज्यूम करू, करू प्लीज जवाब देते हुए चलना ठीक है आ जाओ सबसे पहला थर्टी नाइन में क्या बोलता है ए लिमिटेड हैज मेड अ बोरिंग फ्रॉम आरबीसी बैंक अच्छा ये जो रेफरेंस है ना ये मेरे क्वेश्चन बैंक का है आपका मेरी क्वेश्चन बैंक नहीं है कोई बात नहीं वो हेडिंग्स आपको समझ जाएगा कौन सा वाला क्वेश्चन आपके किताब में है ठीक ध्यान रखना चलो तो बोरिंग आपने का फिक्स रेट कितना है यहाँ एक मिस्टेक है मेरे किताब में परसेंट कर देना उसको फीस पर एनम ठीक है अब लोन प्रोसेसिंग फीस है वॉट इज द मीनिंग ऑफ लोन प्रोसेसिंग फीस फटाफट से आंसर करो वॉट इज द मीनिंग ऑफ लोन प्रोसेसिंग फीस वेरी गुड आंसर इसका मतलब होता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज फाइव हंड्रेड फिर पेबल है पांच साल में इन बुलेट रीपेमेंट वट इज मेन बुलेट रीपेमेंट इसका मतलब जो इंटरेस्ट हर साल भरोगे प्रिंसिपल लास्ट में भरोगे. ठीक है डिटेल्स आर एज फॉलोस. डिटेल्स में क्या क्या बोला हुआ है. लोन अमाउंट दिया हुआ है पांच साल का लोन है तो इंटरेस्ट टेन परसेंट है इयरली uh, इंटरेस्ट है अपफ्रंट फीस फाइव हंड्रेड रुपी है अब आपने बोरिंग लिया है तो आपके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ना चलो जल्दी से मुझे ना सारे स्टेप बता दो फटाफट से पहले स्टेप बताना फिर मुझे बताना सबसे पहला स्टेप नंबर वन क्या है वेरी गुड स्टेप नंबर वन कैशलॉस है तो अगर सपोज मुझे बताना हुआ तो मैं क्या बोलूंगा डे वन पे मुझे कितना पैसा आया सपोज डे वन पे मुझे आया टेन थाउजेंड रुपीज आया था लेकिन उसमें से मुझे फाइव हंड्रेड रुपीज इंकर करना पड़ेगा एज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो माइनस करूंगा तो मेरा ये इनफ्लो था ना डे वन पे और ये आउटफ्लो हो गया तो मेरा बचा नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर ईयर वन से लेकर फाइव में आपको इंटरेस्ट भरना है कितना वन थाउजेंड पर एनम का इंटरेस्ट भरना है और उसके अलावा फिफ्थ ईयर में आप वापस टेन थाउजेंड करोगे रीपे

क्या करना पड़ेगा मेरे को लेस करना पड़ेगा तो ले बेटे लेस किया फाइव हंड्रेड रुपीज बराबर कितना आ गया नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब आएगा, आएगा आपका स्टेप नंबर थ्री ई आई आर इंटरपोलेशन मार अच्छा ई आर के लिए इंटरपोलेशन करोगे तो फॉर्मला इतना पड़ेगा लिखना फॉर्मूला फेयर वैल्यू वाला फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट ई आई आर मारा तुमने फॉर्मुला मार लिया सर फॉर्मुला ठीक है तो इसमें फेयर वैल्यू में आप नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लिखना नेट वाली फेयर वैल्यू ताकि ई आर के अंदर आपका टीसी का इफेक्ट आ जाए तो इंटरपोलेशन मारोगे निकाल देगा आपको ई आई आर और स्टेप नंबर फोर आप क्या बनाओगे एल ए खत्म कहानी एलएटी फॉर फाइनेंशियल एबिलिटीज इसमें ओपनिंग ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट रिपेमेंट क्लोजिंग रि लायबिलिटी है तो इंटरेस्ट होगा एक्सपेंस रिपेमेंट आप पे ऑफ करोगे लो बेटे चार स्टेप का क्वेश्चन हो गया एग्जाम में आएगा तो पांच मार्क का आएगा बोनस का पांच मार्क करके आ जाना भाई अब एक और बात हमेशा देखना पूछा क्या है जब ऐसा पूछा हाउ द लोन वुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड तो आप स्टेप बता के आ जाना भाई कि ये इसकी हमारे अकाउंटिंग रहेगी कभी-कभी ऐसा बोलेगा जर्नल एंट्री पास करो तो फिर एलएटी देख-देख कर एंट्री पास करके आ जाना

हाफ ईयरलींस्टॉलमेंट अगर आपको हल्का सा भी याद है मैंने एक बात बताई थी जब जब लोन इंस्टॉलमेंट में रिपे होगा ना काम बढ़ेगा आपका मेहनत बढ़ेगी आपकी क्यों जब जब लोन इंस्टॉलमेंट में रिपे होगा शुड बी वेरी गुड आंसर जो स्टेप नंबर वन में बनाता हूं ना कैश लोज उसमें भी एक एक्स्ट्रा टेबल बनेगा कैश लो टेबल बनेगा वेरी गुड रोहित वंदना प्रियल अनिशा अमोक वेरी गुड आंसर everyone. तो आपका यहाँ

सपोज वन अपने ईयर तो नहीं क्वार्टर आएगा क्वार्टर वाइज आएगा तो क्वार्टर वन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं क्वार्टर वन लिखा जब ओपनिंग लिखोगे यहां आपको कैश फ्लोज निकालना है तो ओपनिंग में फेयर वैल्यू नहीं फेस वैल्यू लिखते हैं अच्छा इंटरेस्ट में नहीं कूपन लिखते हैं रीपेमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट आप रीपे कर वो आएगा और आपको फिर क्लोजिंग मिलेगा ये बात आप ध्यान रखोगे ठीक है तो देखो यहां मैंने किया हुआ है कैश फ्लो रोटेल बनेगा हर क्वार्टर वाइज लिखा यहां फेस वैल्यू लिखना है इंटरेस्ट में कूपन लिखना रीपेमेंट ना क्लोजिंग लिखना कंफ्यूज मत होना जब स्टेप नंबर वन में कैश फ्लो टेबल बनाओगे तो ऐसे बनेगा जब स्टेप नंबर फोर में एलएटी बनाओगे तो ओपनिंग में फेयर वैल्यू आती है इंटरेस्ट में ईआर ER आता है ध्यान रखना ठीक है चलो तो इसमें आपकी स्टेप नंबर 1 में मेहनत बढ़ जाती है ठीक है स्टेप नंबर 1 हो गया समझ गया स्टेप स्टेप नंबर नंबर क्या है है वही फेयर फेयर वैल्यू वैल्यू अज्यूम करना है आपको तो क्या अज्यूम करोगे एक तो टेन थाउजेंड है और इसमें से पांच सौ माइनस कर देना तो बचेगा नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर स्टेप नंबर थ्री ई आई आर क्योंकि इन्होंने स्टेप नंबर वन में एक्स्ट्रा मेहनत करवाई तो स्टेप नंबर थ्री का टाइम सेव करके दिया हुआ है ई आई आर दिया एनम आपको पर एनम नहीं पर क्वार्टर चाहिए रहेगा

मैंने एकदम मस्त तो तुमको लिखा लिखा के समझाया है भाई इससे मैं डिटेल में नहीं जा सकता तुम समझ रहे हो अरे मानता है कि नहीं मानते है ना सर मजा आया कि नहीं आया बताओ ऐसा बोलो वो बोलता है राहुल गांधी जी मजा आया मजा आया मजा आया, आया? आया? चलो मजा आ गया सर आगे बढ़ जाते हैं

जहां बोरोवर और लेंडर दोनों के बीच में क्या है रिलेशनशिप है तो जब रिलेशनशिप है तो फेयर वैल्यू कंप्यूट करूंगा अज्यूम करूंगा कंप्यूट करूंगा अज्यूम करूंगा वेरी गुड आंसर सर अब तो कंप्यूट करनी पड़ेगी रिलेशनशिप है तो है ना तो उसकी बात अपन कर लेते आ जाओ आओ मुन्ना आओ इधर तो सपोज एसीएम मेथड है यह रिलेशनशिप है ठीक है तो अपन क्या करेंगे फेयर वैल्यू अज्यूम करेंगे Oh sorry, compute compute. Hey, compute करेंगे. कैसे है बढ़िया ले मीठा मीठा प्यारा प्यारा ए के ने ग्रांट किया लोन अपने इंप्लॉय को मिसेज मरू तो यहां रिश्ता दिख रहा है क्या नहीं सर अरे दिख रहा है ना इंप्लॉयर इंप्लॉई मैं इंप्लॉयर हूं रिश्ता हो गया तो एफ इज द इंप्लॉयर मरू इज द इंप्लॉई ठीक है तो मैंने लोन दिया है तो इम, इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल एसेट है के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल लायबिलिटी एग्जाम में नॉर्मली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा मतलब फाइनेंशियल एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा ध्यान रखना दस लाख का लोन दिया पांच लाख का इंटरेस्ट रेट है सॉरी का इंटरेस्ट रेट है रिडीमेबल आफ्टर फाइव बुलेटेड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल बुलेटेड मतलब प्रिंसिपल लास्ट में रिपे करेगा इंटरेस्ट टू बी पेड एनुअली मार्केट में रेट चल रहा है टेन परसेंट का अब यहां खास बात है मार्केट में रेट टेन परसेंट है तो मैंने फाइव परसेंट पे क्यों दिया रिश्ता है ना रिलेशनशिप है इंप्लॉय एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में इंसान अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो समझा तो मैंने इसलिए फाइव परसेंट दिया है हमारा है ना तो शोइंग अभी ट्रीटमेंट पूछा है तो तो जब रिलेशनशिप आ जाए स्टेप्स तो में एक थोड़ा चेंज हो जाएगा क्या चेंज होगा सुनो अपने स्टेप्स क्या थे फटाफट से बताओ स्टेप नंबर वन था कैश फ्लोस ठीक है स्टेप नंबर टू क्या है फेयर वैल्यू मुन्ना रिलेशनशिप है तो क्या करेगा कंप्यूट करेगा फेयर वैल्यू तू कैसे कंप्यूट करेगा Formula से फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश कैशलोज एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया टेन परसेंट ना तो आप फ्यूचर कैश जो भी है, 5 flow, है के कैश प्रिंसिपल सबको डिस्काउंट करोगे ई आर के ऊपर आप जब आप फेयर वैल्यू कंप्यूट करोगे ना तो एक स्टेप बढ़ जाएगा वेरी गुड प्रियल स्टेप नंबर थ्री बढ़ जाएगा स्टेप नंबर थ्री रहेगा डिफरेंस बिटवीन

रिलेशनशिप है तो कंप्यूट करना पड़ेगा कंप्यूट करोगे आया एट वन जीरो फोर सिक्स वन अब आप ध्यान से देखो आपने लोन दिया कितने का टेन लाख का लोन दिया तो मैम टू कैश बैंक गया टेन लाख लेकिन आपने फाइनेंशियल एसेट जब रिकॉर्ड करोगे लोन तो एट वन जीरो फोर सिक्स वन पर रिकॉर्ड करोगे तो एट वन रिकॉर्ड किया डिफरेंस आया ना

ईआर e इंटरेस्ट बुक करोगे रीपेमेंट करोगे क्लोजिंग हो जाएगा अब क्योंकि फाइनेंशियल एसेट है तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है तो एंट्री तो ध्यान रखना मतलब इंटरेस्ट की इनकम की एंट्री कैसे मारोगे फाइनेंशियल एसेट डेबिट करना और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और इनकम नॉर्मल अकाउंट का रूल तो इनकम बुक करना उसके अलावा रीपेमेंट आप रिसीव करोगे तो पैसा आएगा तो पैसा आएगा और जैसे जैसे पैसा आएगा आपके लोन का अमाउंट कम होता हुआ जाएगा तो इसलिए फाइनेंशियल एसेट लेस कर देना समझाइए वाला पार्ट तो ये तो लोन की अकाउंटिंग हो गई

डिफरेंस आएगा फिर निकला ए आर फिर लिखना एलई टी सबको समझा यहां भी मैंने समरी दे रखा है आपको ठीक है मजा आ गया सर अब रिलेशनशिप वाले जितने भी क्वेश्चन है सबको दिखा देता हूं दिखा दू दिखा दू आ, दिखा दो सर आ जाओ बॉज दिखा दूंगा थर्टी थ्री सबसे पहले ए लिमिटेड मेड अ डिपॉजिट हुज डिटेल्स आर डिस्क्राइब बिलो डिपॉजिट जब बोलेगा ना सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब बाय डिफॉल्ट मान लेना रिलेशनशिप है कौन सी लेस और लेसी की

स्टेप नंबर टू फेयर वैल्यू आपने बोला कंप्यूट करो कर लेंगे इट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश लोस डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ई ER आर बोलो या मार्केट रेट बोलो एक ही बात है स्टेप नंबर थ्री क्या रहेगा ए आयर मत बोला स्टेप नंबर थ्री डिफरेंस वेरी गुड अभी डिफरेंस कहाँ जाएगा तो अगर लेसी लेसो का रिलेशनशिप है तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसको मानता है प्रीपेड लीज रेंट या फिर प्यार से इसको आप आर एसेट भी कह सकते हो जिसने 116 वन पर उसको समझेगा कि आर एसेट हो सकता है

ठीक है चलो एंट्री दिखा दो तो इधर से आ जाओ फटाफट क्या तुमको ये बात समझ में आती है मेरे हीरो लोग पक्का समझ आती है आ जाओ ऐसे ही रिवाइज करना होता है हमेशा घर पे स्किबल करते हो ऐसे करने का फटाफट भट से अमाउंट के साथ मजा आ जा जाएगा तुमको तो देखो इधर स्टेप नंबर वन कैश रोज लिखा मैंने स्टेप नंबर टू फेवर ढूंढी मेरे को आई फाइव सिक्स सेवन फोर टू सेवन तो अगर आप एंट्री मारने का ट्राई करोगे तो एंट्री सुनो कैसे बनेगी डिपॉजिट दिया तो पैसा गया तो कैश बैंक हो गया टू कितना दस लाख का लेकिन फाइनेंशियल असट और डिपॉजिट के नाम का है वो आपने कितना रिकॉर्ड किया सिर्फ फाइव सिक्स रिकॉर्ड किया तो डिफरेंस आए ना इसको अपन बोलेंगे प्रीपेड लीज रेंट या फिर आर ओ यूट बोलोगे दोनों लिख देने का ब्रैकेट में तुम समझ टेंशन नहीं ज्यादा यस राइट ऑफ करने का ओवर द पीरियड ऑफ फाइव ईयर ये आए रिल बनाओ क्वेश्चन खत्म हो गया कुछ नहीं इसके अंदर और वेरी सिंपल वेरी सिंपल बस फर्क इतना इम्प्लॉयर के, बद, के बदले लेस और लेस ही आ गया कहानी खत्म होगी इसकी भी क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बढ़ो आगे बढ़ो सर सिंपल सिंपल

ये क्या है सर नया जो क्लास है, तो उनको पता है जो क्लास नहीं लेते वो अपना ऐसा ही है एक के है भाई साहब तो हाँ, मैं जो सब्सिडरी है उसने इशू किया रिडिबल प्रेफरेंस है तो पेरेंट को इसका मतलब मैं ऐसा बोल दू सब्सिडरी ने पेरेंट से लोन लिया है एक तरीके से ऐसा मान लो पेरेंट ने सब्सिडरी को हेल्प किया

क्लियर है वाला पार्ट क्या आगे बढ़ जाते तो पेरेंट इज हेल्पिंग सब्सिडरी अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा ध्यान से देखना नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है प्रेफरेंस मतलब पैसा ही है यहाँ कन्वर्टेबल कुछ नहीं है आगे फिर नेचर रिपेमेंट रेट, रेट, टोटल पीरियड ठीक है डिविडेंड की रेट देखो आप इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो रेट क्या है जीरो पॉइंट जीरो 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 पे हुआ है मार्केट में यही रेट चल रही है ट्वेल्व परसेंट की मतलब पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया तो इसलिए जीरो पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट पे दिया यही पैसा किसी और को देता तो टेंट पे देता तो इसको कम में क्यों दिया रिश्ता रिलेशनशिप अरे प्यार में इंसान अपने लिमिट क्रॉस करता है ना बात तो सही है सर तो बताओ रिलेशनशिप है अरे वो ही पांच स्टेप बस डिफरेंस कहाँ जाएगा उसकी बात अलग से करनी है तो क्या मुझे आप

अरे वेरी गुड आंसर डिफरेंस जाएगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के अंदर अरे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जब बत, अब जब मां बाप अपने बच्चे की हेल्प कर रहे हैं तो बोलता है मैं अपने बच्चे में इन्वेस्ट कर रहा हूं हाँ। फिर स्टेप नंबर फोर आपका ईआर होगा स्टेप नंबर फाइव आपका एलएटी होगा तुम समझे क्या अच्छा इस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी का फ्यूचर में कुछ करना है क्या इसका कुछ मत करना इसका अकाउंटिंग होएगा एज पर इंडेस 27 या फिर 110 पड़ा रहेगा वो इसको राइट ऑफ वगैरह मत कर देना येड़ी की तरह पांच साल में ठीक है सर तो इसका अगर आपको देखना है तो आप नीचे देख सकते हो तुमको मजा आ जाएगा दिखाता हूं रुको मैं मिटाई इसलताकि आपके बोर्ड नोट्स क्लीन रहे आपको जब मैं शेयर करूंगा ना टेलीग्राम पे तो अच्छा लगना चाहिए ना आपको यस yes. तो स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू निकालोगे फेयर वैल्यू जब एंट्री मारोगे तो कुछ ऐसी एंट्री मारोगे पैसा दिया तो बोलोगे कैश बैंक टेन सी आर बराबर लेकिन फाइनेंशियल असर जो लोन दिया है वो लोन तो आप सिर्फ फाइव पॉइंट सिक्स सेवन सी आर पे रिकॉर्ड करोगे बाकी जो फोर पॉइंट थ्री

ठीक है सब्सिडी क्या बोलता है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ओके सर समझ गए आ गया जाओ तो ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप फेयर वैल्यू डिफरेंस आ गया ई ER हो गया एल बन गया कहानी खत्म जितना भी एंट्री मांगे uh, बना के आ जाना उसका क्लियर वाला पार्ट यस सर क्लियर मजा आ गया सर अब अगला कंसेप्ट अगला क्वेश्चन इलास्टेशन नंबर 122 आओ आओ मुन्ना आओ आओ क्या बोलते हैं सुनो यहां रिश्ता कौन सा है

The amounts lent are to be repaid in five equal installments for principal. पैसा इंस्टॉलमेंट में आएगा प्रिंसिपल का अरे पैसा इंस्टॉलमेंट में आएगा तो स्टेप नंबर वन में जब कैश फ्लो बनाओगे हा प्रिंसि वेरी गुड स्टेप नंबर वन के अंदर बनेगा वर्किंग नोट नंबर वन कैश फ्लो टेबल इंस्टॉलमेंट में पैसा मतलब स्टेप नंबर वन में एक्स्ट्रा वर्किंग पैसा ठीक है मार्केट की रेट टेन परसेंट दी हुई है सोलह लाख का सिक्सटीन लैक्स का लोन दिया हुआ है ठीक है अब वो बोलता है फॉल इन द प्रिंसिपल रिकग्नेशन मेजरमेंट यू आर रिक्वायर टू रिकॉर्ड द एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्ट डिसंबर इलेवन वगैरह 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 तो आप कैसे करेंगे मुझे फटाफट से आप बताओगे स्टेप नंबर वन कैशलॉस उसमें टेबल बनेगा अपना वो ठीक है स्टेप नंबर टू आपका फेयर वैल्यू अज्यूम के कंप्यूट तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा तो फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट आप कंप्यूट कर लेना ठीक है उसके बाद स्टेप नंबर थ्री आपका रहेगा डिफरेंस uh, डिफरेंस में क्या बोलोगे इसको प्रीपेड क्योंकि रिश्ता है इंप्लॉयर इंप्लॉय का तो वेरी गुड पेड इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोलोगे फिर आपका स्टेप नंबर फोर रहेगा ई आई आर और स्टेप नंबर फाइव बनेगा एल ए टी लो इसकी भी कहानी हो गई खत्म दिस क्लियर टू गाइस यस 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 चलो आगे बढ़ू आगे बढ़ू सर दिखा देता हूं मैं आपको फटाफट से एक बार देख लो कैश फ्लो टेबल में चालू करना फेस वैल्यू से कूपन का इंटरेस्ट फिर रीपेमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों का बनाओगे इजी अच्छा एक और बात मैं जब रिवाइज करा रहा हूँ ना तो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं

एलएडी देखकर एंट्री मार देना पहले ये ओपनिंग को रिकॉर्ड करना फिर इंटरेस्ट रिपेमेंट फिर सब्सिक्वेंट एयर में सिर्फ इंटरेस्ट रेमेंट की एंट्री मारना आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है तो इंटरेस्ट इनकम होगा रीपेमेंट आप रिसीव करोगे ये बात हो गई अब इस क्वेश्चन में आपको याद रहेगा तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कभी कभी बैलेंस शीट का एक्स्ट्रैक्ट मांग लेता है वो इस क्वेश्चन में नहीं मांगा बट कभी कभी मांग लेता है तो क्या करेंगे जब बैलेंस शीट का एक्स्ट्रैक मांगे सपोज फर्स्ट का एस्ट्रैक मांगा फर्स्ट ईयर का तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाएगा एक तो जो इंटरेस्ट की इनकम है वो जाएगी

मतलब ये टोटल बैलेंस हो गया इसमें से इसका डिफरेंस हुआ करंट बाकी हो गया नॉन करंट ऐसा याद रखना तुम समझे तो थोड़ा हो गया नॉन करंट थोड़ा हो गया करंट मैंने यहां सब लिख के दिया हुआ है कैसे बाइफिकेट वगैरह करोगे अब इसमें एक और बात इसमें एक और बात क्या है सुनना कभी कभी आप देखोगे किसी क्वेश्चन में बाइफिकेशन नहीं दिया करंट नॉन करंट का तो एक हिंट याद रखना जब जब रीपेमेंट में प्रिंसिपल भी रिपे हो रहा है जैसे इस क्वेश्चन में क्या था

तो की जरूरत नहीं है पूरा नॉन करंट में दिखा देना और जब रीपेमेंट में प्रिंसिपल भी आ रहा है तो करंट नॉन करंट देना पड़ेगा मैं आपको हिंट दे रहा हूं मुझे नहीं पता क्लास में आपको मैंने बताया नहीं बताया था यहां जितना मैंने आपको बताया था इज दिस क्लियर टू यस सर चलो इसी बात पर सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है अलग अमाउंट के साथ तो ये तो आप खुद ही रेफर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है बस इसमें एक बात ध्यान रखना सेम है कंपनी ने को लोन दिया है फाइव इक्वल इंस्ट्रूमेंट्स में रिपेमेंट है अमाउंट अलग है बस इसमें एक और लाइन है ज नॉट रिक्वयर टू गिनी स्पेसिकस अगेंस्ट दिस बेनिफिट इस लाइन का कोई रिलिवेंस नहीं है मतलब वो आपको कंफ्यूज करने का बोल रहा है कि इंप्लॉय को सर्विस में रहने का जरूरत नहीं है तो क्या करू कुछ नहीं करना है भाई सेम अकाउंटिंग है जो स्टेप नंबर थ्री में डिफरेंस आएगा प्रीपेड इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा जितना लोन का टेन ईयर है उसी में आपको राइट right ऑफ करना है सिंपल और कुछ नहीं करना आपको बताया था सर आपने क्लास में यस क्लियर विद दिस यस सर चलो ठीक है तो इसका भी मैंने इसमें एस्ट्रैक वगैरह पूछा था इसका भी आपने एस्ट्रैक वगैरह दिया हुआ है तो इन दोनों जो क्वेश्चन बताया मैंने इंप्लाई वाले इन दोनों में से कोई भी एक को लिखकर प्रैक्टिस करना विद एस्ट्रैक वगैरह एवरीथिंग ठीक है तो तुमको मजा आ जाएगा क्लियर विद दिस यस सर आगे बढ़ जाते हैं सर क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं आगे बढ़ सकते अब मैंने आपके लिए वापस से एक समरी बनाई एक्सक्लूसिव कि कौन से कौन से रिलेशनशिप में डिफरेंस कहां कहाँ जाएगा समरी एक्सक्लूसिव है एक के है भाई साहब

पेरेंट हेल्प किया सब्सिडरी को तो पेरेंट क्या बोल रहा था इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और सब्सिडरी क्या कर रहा था सेम हेल्प को कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर पेरेंट ठीक है नॉर्मली क्वेश्चन पेरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था एनी वेज एक रेयर केस भी है जहां सब्सिडरी हेल्प कर रहा है पेरेंट को इसका मतलब क्या है ऐसा मान लो जहां सब्सिडी ने लोन दिया पेरेंट को अपना जो क्वेश्चन का उसमें क्या था पेरेंट ने लोन दिया सब्सिडी को एक और केस बचा था जहां किसने लोन दिया है सब्सिडी ने तो इस केस में कैसे अकाउंटिंग करोगे आप? तो इस केस में सब्सिडरी के लिए लोन देना असेट, तो जो डिफरेंस है सब्सिडरी नहीं बोलेगा इन्वेस्टमेंट इन पेरेंट नहीं नहीं जब सब्सिडरी हेल्प करता है तो वेरी गुड आंसर रश्मि और परीश सब्सिडरी के हेल्प को वो बोलता है इट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और इसी हेल्प को पेरेंट क्या बोलेगा डिविडेंड इनकम

अच्छा एक और रिलेशनशिप है जिसका आप यहां भी डिस्कशन कर सकते हो लेकिन मेन क्वेश्चन वगैरह सॉल्विंग इसके इंडेक्स ट्वेंटी में आता है रिलेशनशिप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट कभी कभी गवर्नमेंट हेल्प करता है कंपनी को तो उस हेल्प को बोलते रिलेशनशिप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट तो उस केस में जो डिफरेंस है

एबीसी के बुक्स में सब्सिडरी के बुक्स में है ना और सी एफ एस के अंदरिंग फॉलोइंग तीन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिलेशनशिप है? 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 है तो रिलेशनशिप में हम फेयर वैल्यू कंप्यूट करें कि अज्यूम करें जल्दी से बताओ फेयर वैल्यू कंप्यूट वैल्यू क्या करते हम फेयर वैल्यू नॉर्मली सर कंप्यूट करते हैं क्योंकि रिलेशनशिप है लेकिन पहले वाले केस में अगर आप ध्यान से देखोगे आप फेयर वैल्यू कंप्यूट ही नहीं कर पाओगे क्यों क्योंकि फेयर वैल्यू कंप्यूट करने के लिए अपने को फ्यूचर कैश फ्लो चाहिए वो अवेलेबल नहीं है टेन ईर चाहिए मतलब कितने साल तक चलेगा लोन वो अवेलेबल नहीं है ई आई आर मार्केट रेट क्या है वो भी अवेलेबल नहीं है तो पहले वाले केस में कुछ भी अवेलेबल नहीं है अपने पास देख लो आप तो बाय डिफॉल्ट आप चाहकर भी फेयर वैल्यू कंप्यूट नहीं कर सकते फेयर वैल्यू इज नॉट मतलब कंप्यूट नहीं कर सकते आप तो आपको बाई डिफॉल्ट को ऑप्शन बचता नहीं है इसलिए अपन अज्यूम करेंगे वापस से बता दू कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि सर ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया क्योंकि डेटा नहीं है अपने पास तो वेनएवर द लोन इज रीबल ऑन डिमांड तो आपको फेयर वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी तो इस केस में क्योंकि अज्यूम कर रहे हो दैट इज फेयर वैल्यू फेरवेलो टीपी को डिफरेंस नहीं आएगा उस केस में बराबर ध्यान रखना फिर आएगा सेकेंड केस यहां आपको टेन्योर भी दे दिया मार्केट रेट भी दे दिया यहाँ आप निकाल सकते हो फेयर वैल्यू

क्योंकि इसमें आपने निकाली फेयर वैल्यू डिफरेंस आएगा बोलेगा, इन सबसेडरी। सबसेडरी पेरेंट बोलेगा कितने साल का पूछा है, अगर हर पूछी है तो पूरा एल बनाओ और तीनों साल के इंटरेस्ट वगैरह सब रिकॉर्ड करना ठीक है मैंने वो किया हुआ अब स्नैरो नंबर थ्री भी है इसमें तो फर्स्ट दो केस समझ के थर्ड केस द लोन इज रिपेबल वेन ए बी सी हेज द फंड कंफ्यूज मत हो जाना कभी कभी आपको लगेगा कि वेन ए बी सी हेज द फंड का मतलब है

नहीं वो मुझे क्वेश्चन बैंक खोलनी पड़ेगी जरा एक सेकंड दे दो तो मुझे बस मैं आपको उसकी क्वेश्चन बैंक दिखा देता रुको जरा वो दो तीन लाइन का आप देख लोगे तो सही हो जाएगा आपके लिए और कुछ नहीं मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। देखो सी वाला केस जेनरल लोन विच इज रिपेबल वेन अवेलेबल कांट बी स्टेटेड टू बी रिपेबल ऑन डिमांड वो कैसे की तरह नहीं है रैदर द इंटिटी इज नीड टू एस्टिमेट रीपेमेंट डेट एंड डिटमाइंड इस मेजरमेंट अकॉर्डिंगली इफ द लोनली एक्सपेक्टेड टू बी रिपेड इन थ्री ईयर्स इट्स मेजरमेंट विल भी सेम है स्नैरो नंबर बी मतलब थर्ड वाले स्नैरो में आपको तीन लाइन के थे झिपका क्या नहीं है और उसमें यह बोला है केस ए की तरह नहीं है आपको इसमें रीपेमेंट डेट वगैरह एस्टिमेट करना पड़ेगा निकालनी पड़ेगी फेयर वेल वो लाइक केस बी जैसे आपने निकाली थी केस बी के अंदर ज एस एवरी वन उसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी थी कि सी एफ एस में अकाउंटिंग कैसे होगी बाई सी एफ एस में पेरेंट सब्सिडी के इसमें इंटर कंपनी वो लोन हो जाएगा एलिमिनेट बराबर तो इंटर कंपनी बोल के लोन एलिमिनेट हो जाएगा सी एस में कोई नहीं होती इसकी इज क्लेट एवरी वन यस चलो इलास्टेशन जो सिक्स थर्टी सिक्स आपने किया इसी का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट सेम है बस दो चीज का फर्क है पहला इसमें जो पार्ट बी है ना

से के कंसेप्ट में लिख कर आने है और कुछ नहीं करना है बाकी पूरा क्वेश्चन सेम लाइक है क्लियर like yes. है हीरो पक्का यहां ही yes. तो मैंने यह लिख के दिया हुआ है अब तो मैंने आपको क्या पढ़ाया जहां रिलेशनशिप है वह अपन वैल्यू क्या कर रहे हैं कंप्यूट कर रहे ठीक है थीके? अब एक एक और केस ये केस कराऊंगा छोटा ब्रेक दूंगा फिर ब्रेक के बाद रिज्यूम करेंगे यस चलो ठीक है अब अगला क्वेश्चन on में लिख दिया कि फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन लेवल इनपुट क्या होगा 5 ही है, ही है, बराबर स्टेप क्योंकि बेस्ड ऑन लेवल इनपुट है तो आप फेयर वैल्यू कंप्यूट करोगे पांच स्टेप ही स्टेप नंबर वन के आपका स्टेप नंबर क्या आपका, फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू क्या करोगे कंप्यूट करोगे, स्टेप नंबर थ्री है रिलेशनशिप ए रिस्पेक्टिव द रिलेशनशिप जाएगा पीएनएल में रिलेशनशिप हो ना हो हमको फर्क नहीं पता डिफरेंस जाएगा पीएनएल में बराबर उसके बाद चौथा पांचवा मतलब स्टेप तो सेम है फर्क कहां हुआ स्टेप नंबर थ्री में है ना कि डिफरेंस आप हर केस में कहा ट्रांसफर करोगे पीएनएल चलो आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाते हैं सर इसी के साथ अपन इसके ऊपर भी कुछ मीठे मीठे क्वेश्चन कर ले तो मजा आ जाए अपने को है ना हाँ जी एक सेकंड मिटा दू मैं मिटा दू सर देखो मैंने लिख के भी दिया हुआ है यहां भी फेयर वैल्यू कंप्यूट करोगे और डिफरेंस जाएगा में पीएनल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज अब इसके ऊपर दो क्वेश्चन है ठीक है एक इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी अच्छा क्वेश्चन है

स्टेप नंबर टू निकालते फेयर वैल्यू बराबर स्टेप नंबर थ्री में फर्क आता अगर आप ए डिस्कस कर रहे हो फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन लेवल इनपुट तो पी एन एल में बट जहां आप डिस्कस कर रहे हो इफ द फेयर वैल्यू इज बेस्ड नॉट बेस्ड ऑन लेवल इनपुट तो आप रिलेशनशिप देखते हो उस केस में अगर रिलेशनशिप डिपॉजिट वाली है मतलब लेस और लेसी वाली है तो उस केस में अगर आप लेसी हो तो डिफरेंस को आप बोलते हैं प्रीपेड तो ये फर्क हो जाता है इसके अंदर मतलब स्टेप थ्री में फर्क हो जाता बाकी सब स्टेप सेम होते हैं स्टेप फोर या स्टेप फाइव लेटी वो सब कुछ सेम होता तुमको तो समझा मैंने क्या बोला हीरो लोग तो अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आपको दो केस दे दे तो जैसे मैंने किया वैसे करके आ जाना मस्त आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है अब इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन बेस्ड है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेम बट यहाँ भी एक लाइन अवेलेबल होनी चाहिए दैट फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन लेवल वन इनपुट तो इसमें हुआ क्या है वन ट्वेंटी का लोन है बराबर पांच साल के लिए कूपन टेन है लेकिन मार्केट में रेट ट्वेल्व है ठीक है अब इसमें पूछा गया क्या फेयर वैल्यू को मैं अज्यूम करूं कंप्यूट करूं अगर ये लाइन अवेलेबल है तो आप क्या करोगे कंप्यूट करोगे तो मुझे फटाफट सब स्टेप बताओगे कहीं रो लोग जल्दी से बताओ ना स्टेप नंबर वन क्या रहेगा आपका फेयर वैल्यू सॉरी स्टेप नंबर वन कैश रहेगा तो आप कैश रोज बनाओगे स्टेप नंबर टू रहेगा फेयर वैल्यू कंप्यूट करो अजूम करो हीरो लोग जल्दी से बोलो कंप्यूट करो ओजूम करो कंप्यूट करोगे सर फॉर्मुला लगा के स्टेप नंबर थ्री आएगा डिफरेंस कहां जाएगा डिफरेंस बिकॉज इट इज सेट दैट फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन लेवल लवर इनपुट यहाँ भी क्वेश्चन में मिसिंग यहाँ होनी चाहिए तो डिफरेंस कहां जाएगा ये पीएनएल में वेरी गुड आंसर वेरी गुड स्टेप नंबर फोर क्या रहेगा ई आई आर स्टेप नंबर फाइव रहेगा एल ए टी कुछ नहीं है इस वाले कंसेप्ट के अंदर ठीक है कुछ भी नहीं है लिटरली देख लो ये सेम चीज की हुई है डिफरेंस या रियेटी खत्म नहीं इसकी बराबर तो एक बार एक बार एक बार अगर मैं ऊपर चार्ट में आऊ सुनो मेरी बात ऊपर चार्ट में आ जाऊं मैं तो मैंने क्या क्या करवा दिया आपको थर्टी टू पूरा करवा दिया वन जीरो नाइन में क्लासिफिकेशन टेस्ट है ना इनिशियल मेजरमेंट ए सी एम में हूं मैं बराबर आप एसीएम में क्या करवा चुका ये देखो वेर फेयर वैल्यू इज इक्वल टू टीपी ये करवा दिया जितना कुछ भी नहीं है तीनों में से कोई भी केस तो अपन अज्यूम करते थे

ठीक है चलो क्लियर है वाला पार्ट तो अभी ब्रेक लेते छोटा सा उसके उसका सी एफ आई कंटिन्यू करेंगे बट यहां तक तुमको सबको समझ में आ क्या जल्दी से होता बताओ ये और नो तो मुझे बताओगे तो मजा आएगा भाई यस yes? परफेक्ट तो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक एक टेन मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक का रिज्यूम ठीक है चलो सो so, अभी हो रहा है फोर थर्टी एट अपन मिलेंगे फोर फिफ्टी पी एम को ठीक है चलो सो सी आफ्टर द ब्रेक गाइज एवरीवन टेक केयर सी यू ऑल सी आफ्टर द ब्रेक ठीक है एंड आई होप आपको मजा आ रहा है आई होप आपको समझ आ रहा है स्लो जाने का ट्राई करो डिटेल में समझाने का ट्राई करो ताकि आपका एकदम बढ़िया रिविजन हो जाए ठीक है तो आई होप इट इज हेल्पफुल अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो बाई चांस तो पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद एक कमेंट जरूर छोड़कर जाना कैसा लगा रिवीजन ताकि मेरे को वो मोटिवेट करेगा और रिवीजन अपलोड करने के लिए ऐसा ठीक है चलो तो शुक्रिया मिलते हैं आप ब्रेक के बाद ओके चलो थैंक यू मयंक थैंक यू संगीता आशीष थैंक यू हार्दिक थैंक यू विकास थैंक यू रश्मि थैंक यू ओमकार सी यू एट आफ्टर द ब्रेक आभिजासनम यू न कर सितम आ गए आ मोदी जी आओ आओ चलो कंटिन्यू करेगा हीरो लोग मिटा दो सर उसकी यादों को मिटा दी उसकी यादों को आ जाओ चलो लेट्स कंटिन्यू गाइस एक बार वापस से कंफर्म करो सब प्रॉपर है ना भाई हाँ मुझे तो आवाज बढ़िया आ रही है भाई एकदम टकाटक आवाज आ रही है चलो सो आई एम कंटिन्यूइंग अब अपन कौन से कंसेप्ट पे जा रहे हैं नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ठीक है आ जाओ तो इसके बारे में आपको हल्का ज्ञान दिया था ना मैंने क्या था इसका मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां हो दो की शक्ति हल्का हल्का एफर हल्का हल्का इक्विटी उसके अलावा ये जो इंस्ट्रूमेंट है यह सिर्फ इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है ये होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ठीक है सर समझ गए अब इसको बेहतर समझने के लिए आम मीठे मीठे एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है थीके? अच्छा एक और चीज़ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमेशा फेयर वैल्यू क्या करोगे अज्यूम की कंप्यूट कंप्यूट करोगे ये बात हमेशा ध्यान रखना आप क्या करोगे कंप्यूट इन केस ऑफ रिलेशनशिप इन केस ऑफ सी एफ आई इन केस ऑफ लेवल वन इनपुट कंप्यूट ओके चलो अब इसमें आपको समझने के लिए बेटर मैंने एग्जाम्पल ले रखा इधर क्या बोलता है सुनो के फॉर्म में बोलता है ए के लिमिटेड इशू टेन परसेंट डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू और ट्वेंटी फाइव लैक्स रिडीमेबल और कन्वर्टेबल आफ्टर फाइव ईयर्स अब टेन परसेंट में मैंने डिबेंचर इशू किया मार्केट में रेट क्या चल रही है विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन इज फोर्टीन परसेंट ठीक है केस है ऑप्शन होल्डर के पास है अब जल्दी से बताओ अगर ऑप्शन होल्डर के पास है तो अगर ये कन्वर्टेबल डिवेंचर की मैं बात करूं तो आपके लिए जो इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट तो कैश में देना है ये एफ है जल्दी से मुझे बताओ प्रिंसिपल के बारे में प्रिंसिपल में ऑप्शन होल्डर के पास है सिखाया था ना आपको मैंने अगर ऑप्शन होल्डर के पास है तो क्या होगा वेरी गुड आंसर अगर ऑप्शन होल्डर के पास है है हम तो issuer है। issuer will, तो एट इट्स ओन कैन नॉट पेइंग कैश ये भी एफएल होगा वेरी गुड आंसर यार प्रितेश नूतन अदिति आरती विकास वंदना परेश अनिशा प्रितेश ईशान शोएब नेहा वेरी गुड एफएल लेकिन 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 अगर आप ध्यान से देखोगे देर इज ऑल्सो थर्ड कॉम्पोनेट दैट इज सेविंग्स इन इंटरेस्ट यह कॉम्पोनेट की बात सिर्फ तब करना जब वो सी हो कैसे सी एफ सुनना ये सेविंग्स इन इंटरेस्ट क्या होता है ना कोई रिश्ता था ना कुछ था फिर भी आपने इंस्ट्रूमेंट टेन परसेंट पे इशू किया जबकि मार्केट रेट फोर्टीन परसेंट है अब ऐसा कौन इन्वेस्टर है जो मान गया इस बात को लेकर अगर मार्केट में फोर्टीन परसेंट की रेट है तो आप सिर्फ टेन परसेंट दे रहे हो फिर भी आपका इन्वेस्टर मान गया ऐसा क्यों माना क्योंकि आपने इन्वेस्टर को एक कन्वर्जन ऑप्शन भी दिया ना आपने होल्डर को कन्वर्जन ऑप्शन भी दिया तो ये सेविंग्स इन इंटरेस्ट को हम बोलते हैं प्यार से इक्विटी कॉम्पोनेंट तो ये सेविंग्स इन इंटरेस्ट तब देखना जब ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट हो ध्यान रखना वन इट इज अ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट तो भले ही आपको लग रहा था ये एफ है लेकिन ये अभी भी सी एफ आई बन जाएगा बिकॉज दर इज सम सेविंग्स इन इंटरेस्ट इसका मतलब आसान भाषा में कहू क्या इस दुनिया का हर एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट सी एफ आई होता है

पांच साल तक आप कूपन भरोगे फिफ्थ ईयर के बाद आप प्रिंसिपल रिपे करोगे फिर ये सारे कैश कैशलोज को जो फ्यूचर कैश कैशलोज है इसको आप डिस्काउंट करोगे मार्केट के रेट पे फोर्टीन परसेंट पे तो फेयर वैल्यू कुछ अलग आएगी डिफरेंस आएगा वो बनेगा इक्विटी कॉम्पोनेंट फिर ई आई फिर एलई सिंपल क्लियर है वाला पार्ट ठीक है अब जब आप एलईटी बनाओगे ना तो लास्ट का मैंने रिपेमेंट नहीं किया अब तक प्रिंसिपल का क्यों मुझे नहीं पता ना होल्डर क्या मांगेगा तो अब लास्ट ईयर में एंट्री कैसे रहेगी सुनना मैंने दो केस लिया हुआ है अगर होल्डर ने बाई चांस कैश ऑप्शन सिलेक्ट किया अगर होल्डर ने क्या सेलेक्ट किया बाई चांस कैश ऑप्शन सिलेक्ट किया तो उस केस में तो अपन ने कैश की अकाउंटिंग पूरी पूरी की थी हमारा लाइबिलिटी में पड़ा है ट्वेंटी फाइव लैक्स तो हम पे ऑफ कर देंगे लाइबिलिटी को क्या कर देंगे लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देंगे एफ एल टू कैश बैक है ना और फिर जो बचा हुआ इक्विटी कंपोनेंट है वो कंपनी जाएगा अर्निंग्स के अंदर देखो इक्विटी का फ्यूचर अकाउंटिंग कुछ नहीं होता है जो डे वन पे इक्विटी है ना उसी पे इक्विटी पड़ा हुआ रहता है तुम समझ लो मेरी बात तो इक्विटी जो पड़ा है वो आपका जाएगा रिटर्न अर्निंग्स के अंदर लेकिन अगर चांस उसने चूज किया इक्विटी वाला ऑप्शन तो एफ की जरूरत ही नहीं है तो सारा एफ आप इक्विटी में ट्रांसफर करना और फिर इक्विटी से आप शेयर इशू कर देना जो भी इक्विटी आपका बन जाता है उसमें से आप क्या इशू कर देना शेयर इशू कर देना ठीक है ये मेरी लॉजिकल एंट्री है कभी कभी आईसीआई डेट एंट्री पास करता है जो एफ है वो रिवर्स करता है जो इक्विटी है वो रिवर्स करता है और उसमें से शेयर इशू कर देता है तुम समझ रहे हो तो ध्यान रखना आपको जो सूट करा आप उस तरीके से कर सकते हो क्लियर विद दिस यस सर आगे बढ़ू मैं आगे बढ़ू सर ये मेरा केस ही था जहां ऑप्शन होल्डर के पास था अब मजा यहां आएगा केस बी जहां ऑप्शन ईश्वर के पास है जब ईश्वर के पास ऑप्शन है एक फर्क आ जाएगा आपका इंटरेस्ट तो एफएल है लेकिन जो प्रिंसिपल है ऑप्शन मेरे पास है मैं चाहे शेयर दू मैं चाहे कैश दू मेरी मर्जी तो जब ऑप्शन मेरे पास है ईश्वर के पास है तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो इक्विटी बन जाता है हाँ वेरी गुड वेरी गुड प्रिंसिपल बन गया इक्विटी तो जब प्रिंसिपल इक्विटी बन जाता है ना है ना तो उस केस में एक और फर्क आ जाएगा

इसके फेयर वैल्यू में प्रिंसिपल की अकाउंटिंग की नहीं थी तो बिना प्रिंसिपल भरे ही वो सब जीरो हो जाएगा बस फिर लास्ट में यहां भी दो केस पॉसिबल है या तो ने कैश पे किया अब कैश की तो अकाउंटिंग अपन ने की नहीं थी तो फिर कैसे करेंगे सर जितना भी इक्विटी कॉम्पोनेट है वो रिवर्स कर देना बराबर कैश दे देना बचा बचावा पार्टा रिटर्न से ले आना अगर ईश्वर ने शेयर दिया तो वो तो अकाउंटिंग पड़ी थी अपने पास तो इक्विटी कॉम्पोनेट जो भी है रिवर्स कर देना उस पर शेयर इशू कर देना देखो ये जो ये वाली बात है ना ये तब समझेगा जब आप क्वेश्चन वगैरह अच्छे से करोगे ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने का ट्राई कर रहा हूं ठीक है तो मैंने आपको सी एफ आई के अंदर क्या क्या बताया सबसे पहला सी एफ आई कब होता है जब कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है सेकेंड चीज सी एफ आई में जब आप कैश कैशलोज लिखोगे प्रिंसिपल एफ एल है तो ही प्रिंसिपल वाला आउटफ्लो लिखना वरना मत लिखना ठीक है उसके अलावा जो स्टेप थ्री है जो डिफरेंस है वो इक्विटी में जाता है यहाँ ये ध्यान रखना उसके अलावा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देख लेना कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है एंट्री मारना आसान है जब मारोगे तो हो जाती है वो देखोगे तो ऐसा लगेगा यार होएगा नहीं होएगा मारोगे तो हो जाएगा वो तुमसे इज दिस क्लियर टू एवरी क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ गाइस ये सर यू कैन प्रोसीड फर्दर चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं भी अब इसी बात पर एक मीठा मीठा क्वेश्चन हो जाएगा सुनो ये जो बेसिक मैंने सी एफ आपको करवाया इस पर कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको मैं ठीक है दर इज वन क्वेश्चन इज दैट नंबर वन वन सेवन ठीक है ध्यान क्या बोलता है बोलता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है ठीक है एट ईयर्स की लाइफ है सिक्स परसेंट पे आपने इशू किया है मार्केट और एट ईयर के लिए इशू किया मार्केट में रेट एट परसेंट है ये ध्यान रखना अच्छा यहाँ ईयर एंड थर्टी जून है ध्यान रखना ओके अब इसमें पूछा क्या है इसमें ये नहीं बोला है कन्वर्जन का ऑप्शन किसके पास है ऊपर नहीं बोला है लेकिन नीचे बोला गया सी पार्ट में कि यहां एंट्रीज देना अज्यूमिंग होल्डर ऑफ बॉन्ड्स इलेक्ट टू कन्वर्ट मतलब होल्डर के पास ऑप्शन है वो नीचे वाले पार्ट में बोला गया है

वो आपके लिए इक्विटी हो गया सेविंग्स तब देखना जब ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट हुआ कन्वर्टेबल है तभी मैं सेविंग्स देख रहा हूँ हर केस में सेविंग्स मत देखते हुए चलना बेवकूफों की तरह इज क्लियर तो ये सी आपका हो जाता है अब इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे मुझे क्या फटाफट से आप स्टेप बताओगे क्या स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर पहले स्टेप कर लो फिर देखते हैं अपन क्या क्या पूछा हुआ है स्टेप नंबर वन कैश फ्लो बना दिया कैश फ्लो स्टेप नंबर टू फेयर वैल्यू कंप्यूट करूं एज्यूम करूं कंप्यूट करूं करूं सर कंप्यूट करोगे ना आप कंप्यूट करोगे स्टेप नंबर थ्री डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड टीपी कहा अच्छा कैश फ्लो में कैश फ्लो में लास्ट ईयर में प्रिंसिपल लू कि नहीं लू लास्ट ईयर में प्रिंसिपल वाला कैश फ्लो लेना भाई क्योंकि प्रिंसिपल आपने क्या माना है एफ माना है उसके अलावा डिफरेंस डिफरेंस कहां जाएगा वेरी गुड डिफरेंस जाएगा इक्विटी कंपोनेंट के अंदर बहुत बढ़िया स्टेप नंबर फोर या स्टेप नंबर देख रहे हो गए के हर केस में स्टेप तो सेम ही हो रहा है भाई यही मजा आ रहा है मजा आ रहा है एकदम फील आ रही है आगे बढ़ जाओ सर आगे बढ़ जाओ ठीक है तो ये देख अब पूछा क्या सुनो

ऑर्डनरी शेयर एट थर्ड ईयर कन्वर्जन का ऑप्शन होल्डर के पास था होल्डर ने बोला मैं एट ईयर्स क्यों वेट करू मुझे थर्ड ईयर में कन्वर्जन चाहिए तो फिर तो ईयर के एंड बैलेंस है? का का. तो है वो रिवर्स हो जाएगा इक्विटी का जो बैलेंस पड़ा ये तो पड़ा था, के है, ये. ये पड़ा था ये भी रिवर्स हो जाएगा तो आपका इक्विटी रिवर्स एफ रिवर्स यहां जो, जो भी अमाउंट रहेगा

कोई भी प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं हो रहा है बीच बीच में इस वाले केस में कोई भी बीच बीच में प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ जो भी लोन बचेगा फर्स्ट के एंड पे वो बाइफर्केशन दू या पूरा नॉन करंट दिखाओ जल्दी से बताओ वेरी गुड आंसर यहां जो भी आप पूरा नॉन करंट दिखा देना वो बैलेंस शीट स्टॉक दो मैंने दिया हुआ नहीं है बट जो भी आप पूरा नॉन करंट दिखाना नॉन करंट लाइब्रिटी में दिखाना क्योंकि आपने लोन लिया है यहाँ क्लियर वाला पार्ट क्या नो बाइफर्केशन वेरी गुड ये देखो इस तरीके से आपने जो भी आंसर देना बहुत अच्छा लगा

फिफ्टी तो परसेंट आपका कन्वर्ट होगा कैश में देगा तो क्या होगा केस में तो तो इस केस में देखो तो इंटरेस्ट तो एफएल है प्रिंसिपल फिफ्टी परसेंट जो है वो आपका इक्विटी बनेगा 50 परसेंट आपका एफएल बनेगा तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा जब आप कैश फ्लो लिखोगे ना तो लास्ट वाले कैश फ्लो में सिर्फ जो फिफ्टी प्रिंसिपल है उसी को आप लेना कैश फ्लो के अंदर प्लस यहां रिडमशन प्रीमियम पे होता है

इज दिस क्लियर एवरी वन गाइस ये भी क्लियर हो गया सर ये मेरा सी एफ आई का नॉर्मल कंसेप्ट था ठीक है जहां सी एफ आई में नॉर्मल केस है अब सी एफ आई में एक और केस आता है वेरी वेर इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व इन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आपको मैं दिखाना चाहू तो मैं यहाँ दिखा सकता हूं एग्जाम्पल है मेरे पास इधर आओ ये देखो आपको दिखता रहेगा सी एफ आई विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ना देखो एग्जाम्पल देखते हैं और इसको डिस्कस करने का ट्राई करते हैं थोड़ा सा फर्क है स्टेप्स थोड़े बढ़ जाएंगे बस वो बोलता है हमने एट परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया एटेंड पे थ्री के लिए ऑप्शन टू कन्वर्ट होल्डर के पास है होल्डर के पास ऑप्शन है तो आपका प्रिंसिपल एफ रहेगा मार्केट में रेट चल रही है विदाउट कन्वर्जन ट मार्केट की रेट भी दे रखी आपको ए के ने ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर किया टू का ये इंपॉर्टेंट है अब जब आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर करते हो अगर आपने एफ में इंकर किया तो एफ से लेस करते हो अगर आपने एफ के लिए इंकर किया तो एफ में एड करते हो अब ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपने आई में इंकर किया है सी एफ आई में सिर्फ एफ एल नहीं होता है सी एफ आई में एफ एल और इक्विटी दोनों होता है तो आप ये पूरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ एफ एल से जस्ट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये सी एफ आई के लिंकर हुआ है तो ये 2000 में से थोड़ा आपने एफ एल के लिंकर किया थोड़ा आपने इक्विटी के लिंकर किया है कितना एफ एल कितना इक्विटी एलोकेशन जरूरी है इसके अंदर जितना आपने एफएल के लिए इंकर किया वह एफ एल से लेस करोगे जितना आपने इक्विटी के लिए इंकर किया रहेगा वो इक्विटी से लेस करोगे वो बाइफरेशन जरूरी है इस केस में बराबर के, उसको बोलते हैं सी एफ आई विद्रांजेक्शन कॉस्ट तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फटाफट से आ जाओ सबसे पहले मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूं स्टेप्स इसके ठीक है तो सबसे पहले इसमें जो तो स्टेप्स है इनिशियल स्टेप्स कॉमन है मैं आपको स्टेप्स समझाने का ट्राई करता हूँ तो देखो स्टेप नंबर वन अपना क्या होता है सुन लो स्टेप नंबर वन लॉस ठीक है स्टेप नंबर टू फेयर वैल्यू या आप कंप्यूट करना जब ये सब कंप्यूट करोगे ना फिलहाल के लिए मान लो देर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट स्टेप नंबर थ्री डिफरेंस डिफरेंस को आप प्यार से बोलते हो इक्विटी कॉम्पोनेट जब आप ये कंप्यूट करोगे ना अज्यूम देर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ठीक है ओके फिर आप करेगा स्टेप फोर ई आई आर यह लिख दिया आपने नॉर्मली आप स्टेप फाइव एल टी बनाते हो ना अब एल टी मत बनाना आप स्टेप फाइव में क्या मारोगे एलोकेशन एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट एलोकेशन आपको करना है थोड़ा एफ के अंदर थोड़ा इक्विटी के अंदर बराबर अब कैसे एलोकेट करोगे जो स्टेप टू में अमाउंट है ना उस रेशियो में आपको एलोकेट करना है जो स्टेप टू में एफ एल की अमाउंट है और जो स्टेप थ्री में इक्विटी का अमाउंट है यह तो दो स्टेप में है इस रेशियो में आप एलोकेट करोगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को बराबर तो सपोज जो भी अमाउंट आएगा एफ के लिए वो आप लेस कर देना एफ की फेयर वैल्यू से फेयर वैल्यू ऑफ एफ से और जो भी अमाउंट इक्विटी में आएगा वो आप लेस कर देना इक्विटी की वैल्यू से लेस फ्रॉम इक्विटी का वैल्यू तो आपको बैलेंस वाला वैल्यू मिल जाएगा ये समझा सबको पार्ट तो ये आपके स्टेप बढ़ जाएगा ठीक है उसके बाद एक और स्टेप आएगा स्टेप नंबर सिक्स क्योंकि आपका ऐसा समझ लो जो फेयर वैल्यू है उसे छिड़खानी हो गई आपकी आपने फेयर वैल्यू चेंज किया ना बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो आपको पुराना वाला ई अभी कोई काम का नहीं है तो वेरी गुड आंसर आपको निकालना पड़ेगा नया, तो नया निकालना तो इक्वेशन में दिया हुआ रहता है जैसे नवंबर 23 में जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ था, जो किताब में भी क्वेश्चन है मॉडल में उसमें दिया हुआ है बट मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें सिखाया भी कंप्यूट करना हुआ तो कैसे कंप्यूट करोगे वही फॉर्मुला से फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वगैरह निकालोगे आप

सेवन स्टेप्स हो गए बराबर मैं वापस एक बार रिपीट करूँ सात स्टेप क्या आते हैं कैश लॉस फेयर वैल्यू इक्विटी डिफरेंस आई इक्विटी कॉम्पोनेट स्टेप फोर ई आई फिर स्टेप फाइव एलई मत बनाओ एलोकेट करो एलोकेट करो टीसी को इन द रेशियो ऑफ स्टेप टू एम स्टेप थ्री जितना एफएल में एलोकेट हो एफ की वैल्यू कम करो जितना इक्विटी में एलोकेट हो इक्विटी की वैल्यू कम करो क्योंकि एफएल की वैल्यू चेंज हुई है ईआर नया चाहिए रहेगा तो नया ईआर लिखो बराबर और फिर बना दो एलई आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यस चलो आ जाओ फटाफट से

सबको समझा यस yes. चलो अब अगर आपको कंपेरिजन चाहिए फिर से आ गई ए फिर से आ गए बाबा। आ? एक के है समरी। जब सी एफ आई का क्वेश्चन आए तो मैं कितने स्टेप फॉलो करूं तो देखो क्वेश्चन में विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट है या विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट है विदाउट वाला है नॉर्मल क्वेश्चन है पांच स्टेप कैश फ्लो फेयर वैलू डिफरेंसिटी अगर विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो सात स्टेप कैश फ्लो फेयर वैल्यू इक्विटी ओल्ड ईयर फिर एलोकेट करोगे फिर न्यू ईयर चाहिए रहेगा फिर एल बनाओगे तुम समझा क्या यस yes. ये स्टेप्स का मैं आपको बार बार लॉजिक भी दे रहा हूँ क्या है क्यों है कैसे है ताकि एग्जाम में ऐसा ना लगे रट्टा मार के जा रो लेकिन एग्जाम में हेल्प पता है क्या होगा हाथ चलेगा भाई तुम पेपर दिए रहेंगे ना कभी तुमको मालूम रहेगा हाथ ही नहीं चलता एग्जाम में मालूम ही नहीं पड़ता क्या लिखो पहले तो यहाँ से तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा भाई मजा आ जाएगा

कि इस केस में प्रेफरेंस शेयर है प्रेफरेंस में डिविडेंड देते हैं कुछ नहीं बोला डिविडेंड मैंडेटरी मान लेना तो अगर डिविडेंड मैंडेटरी मानते हो तो डिविडेंड आपका हो गया एफएल जो प्रिंसिपल है वो पक्का कन्वर्ट होगा कंपलसरी कन्वर्टेबल तो पूछना मत ऑप्शन किसके पास है अबे डब्बे लोग पक्का कन्वर्ट होएगा जब पक्का कन्वर्टेबल है तब तो ये इक्विटी रहेगा ना वेरी गुड आंसर उसके बाद बचा हुआ सेविंग्स जो भी सेविंग्स इन इंटरेस्ट है का वो भी आपका इक्विटी है मतलब ये सीएएफ है तो हो गया अब जब प्रिंसिपल आपका इक्विटी है तो लास्ट वाले कैश फ्लो में लिखूंगा क्या प्रिंसिपल लास्ट वाले कैश फ्लो में लिखूंगा क्या प्रिंसिपल ना मुन्ना ना लिखना मत तुम समझेगा मैंने क्या बोला यस सर चलो तो अगर आप ध्यान से देखोगे भी डाटा देखते अपन इसका रेट ऑफ डिविडेंड 10% है फाइव थाउजें अच्छा अपन कन्वर्ट कितने में करेंगे प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल इन टू फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर देखो फिक्स टू फिक्स टेज भी मीट कर रहा है कि टेन थाउजेंड प्रफरेंस शेयर फाइव थाउजेंड शेयर में कन्वर्ट करेंगे वेरी गुड फिफ्थ ईयर के एंड पे उसके बाद अपने को मार्केट में रेट फिफ्टीन परसेंट दिया हुआ है ट्रांजेक्शन कॉस्ट है टू परसेंट ऑफ वैल्यू प्रोसीड्स ठीक है जितना भी पैसा मिला उसका टू परसेंट है ट्रांजेक्शन कॉस्ट अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान रखना फेस वैल्यू ही वन फिफ्टी आपने वन फिफ्टी पे इशू किया मतलब प्रीमियम पे इशू नहीं किया यहाँ का फेस वैल्यू वन फिफ्टी है ठीक है तो पैसा अपने को मिला फिफ्टीन लैक्स अपना रेट टेन परसेंट है मार्केट में रेट फिफ्टीन परसेंट है ट्रांजेक्शन कॉस्ट पंद्रह लाख का दो परसेंट थर्टी थाउजेंड रुपीज कन्वर्जन जब पे जब इक्विटी दोगे तो इक्विटी का फेस वैल्यू टेन रुपीज़ है ई आई आर फिफ्टीन पॉइंट एट सिक्स ये क्या है मैंने कहा था ना जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप एडजस्ट करोगे एफ एल से और इक्विटी से तो ई आर नया चाहिए वो खुद ही दे रखा है नया ई आई आर देवता लोग पुराना भी दे रखा है नया भी दे रखा है वेरी गुड तो बोलना मत पुराना किसी काम का नहीं है ए जब स्टेप टू और स्टेप थ्री में फेयर वैल्यू निकालोगे एफ एल की तो पुराना ई आई रही चाहिए रहेगा आपको ध्यान रखना ठीक है तो कैसे सॉल्व करूंगा बिना देखे बताना सबसे पहला स्टेप नंबर वन कैश फ्लोस अच्छा कैश फ्लो में मैं जो इंटरेस्ट लिखूंगा वो तो हर साल आएगा जो प्रिंसिपल लिखूंगा प्रिंसिपल में क्या मैं कैश फ्लो कंसिडर करूंगा प्रिंसिपल का द आंसर इज नो क्योंकि ये इक्विटी आपके लिए सिर्फ कूपन वाला कैश फ्लो आएगा ये ध्यान रखना ठीक है फिर स्टेप नंबर टू में क्या रहेगा आपका फेयर वैल्यू निकालोगे एफ एल का स्टेप नंबर थ्री क्या रहेगा आपका हीरो जल्दी से मेरे को बताओ स्टेप नंबर थ्री वेरी गुड इक्विटी रहेगा फिर स्टेप नंबर फोर आपका ओल्ड ईयर रहेगा अच्छा जब ऊपर की निकाले ना फेयर वैल्यू तो ओल्ड ईयर पे निकालना हीरो लोग क्योंकि अभी तक अपने नया ई आर नहीं ऐसा मान लेना <coughs> स्टेप फाइव एल बनाओ एल बना मत देना की तरह एलोकेट कर देना एलोकेशन ऑफ टीसी टीसी को एलोकेट करोगे अंदर रेशियो ऑफ स्टेप टू एंड स्टेप थ्री एफ एल इक्विटी में एलोकेट कर देना एफ एल की वैल्यू गिरेगी इक्विटी की वैल्यू गिरेगी स्टेप सिक्स आपको को लगा नया ई यार वो तो क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है स्टेप सेवन बना देना एल ए टी कहानी खत्म जितने साल की एंट्री मांगे उतने साल की एंट्री मार देना यार आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन हीरो ये और नो यस खत्म अच्छा उसके अलावा देखो क्या पूछा है यार रिक्वायर टू कंप्यूट द लाइबिलिट एंड इक्विटी कॉम्पोनेट एंड पास नेसेसरी एंट्री फॉर द एंटायर टर्म ठीक है तो जब टर्म की एंट्री मांगे तो सिर्फ एल ए टी देख देखिए एंट्री मारनी है आपको और कुछ नहीं करना है ठीक है अच्छा और लास्ट में जब भी डिफरेंस आए ना तो उसको लास्ट के इंटरेस्ट एडजस्ट कर देना उसको बोलते हैं अप्रोक्सिमेशन एडजस्टमेंट ठीक है और जब एंट्री मारोगे ना तो भी ये एडजस्टेड वाली इंटरेस्ट की एंट्री मारना ठीक है ध्यान रखना वरना मार्क्स काट ले आपके ओके तो ये एंट्रीज वगैरह दे रखिए और लास्ट टाइम में कन्वर्जन की एंट्री मार देना लास्ट टाइम पता है क्या होगा आपका जो एफ एल है वो तो नलीफाई हो जाएगा क्योंकि आपने सिर्फ इंटरेस्ट वाले पार्ट के अकाउंटिंग की प्रिंसिपल तो लिया ही नहीं था आपने एफ एल में तो वो जीरो हो जाएगा

अर्ली सेटलमेंट ऑफ सी एफ आई वॉट इज अग ऑफ अर्ली सेटलमेंट इसका मतलब ये होता है सपोज सीएफआई का इंस्ट्रूमेंट पांच साल का था हमने ने तीन साल में बोला एक्स्ट्रा पैसा देता हूं बोलो एक्सेप्ट करते हो और इंस्ट्रूमेंट आज ही कैंसिल कर देते हैं जल्दी सेटल कर देते अर्ली सेटलमेंट इंस्ट्रूमेंट पांच साल का था देखो नाइनटीन में इशू किया टिल ट्वेंटी फोर पांच साल का इंस्ट्रूमेंट है ट्वेंटी टू में बोला आज थोड़ा ज्यादा पैसा ले, ले लेकिन आज सेटलमेंट कर लेते हैं अर्ली सेटलमेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बराबर तो आप सोल्व कैसे करेंगे इसको बड़ा सिंपल है ध्यान देना एक सिर्फ एक वर्किंग इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ठीक है क्या बोलता है सुनो फाइव थाउजेंड डिवेंचर इशू किया एट परसेंट पे ठीक है तो आर कन्वर्टेबल एट ऑप्शन ऑफ दी होल्डर ठीक है होल्डर के पास ऑप्शन है कन्वर्ट करने का वेरी गुड तो अब तक तो नॉर्मल क्वेश्चन है कन्वर्जन प्राइस वगैरह दे रखा है ठीक है फेस वैल्यू दे रखा है ठीक है इंटरेस्ट रिटल दे रहा है ठीक है पांच साल का बॉन्ड है रेट ट्वेल्व है ठीक है अब तीन साल में हमने ऑप्शन दिया कि तुम चाहो तो जल्दी एक्सेप्ट अर्ली सेटलमेंट कर लेते हैं कितने तीन साल के बाद

ये आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी थर्ड ईयर के एंड पे तो मैं देखो मैंने यही किया हुआ इधर चीज पता है, कि जिस दिन मैंने ये टेंडर किया है जल्दी सेटल करने का उस दिन मेरा एफ इतना है और मेरा इक्विटी तो जो डे वन ही है इक्विटी ये, ये, ठीक है थीके? अब मैंने क्या किया मैंने बोला जल्दी सेटल कर रहा हूँ तो

डायरेक्ट एंट्री मत मारना आपको बताना है जो पेमेंट आपने किया उसमें से एफएल के लिए कितना इक्विटी के लिए कितना कितना होगा एफएल के लिए एफएल के निकालने पड़ेगी रिवाइड फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग फ्यूचर कैश एट न्यू ईआर क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ रहेगा ठीक है रिमेनिंग फ्यूचर कैश में पता है ना अपने को रिमेनिंग कितने दो साल का कूपन रिमेनिंग है और लास्ट का प्रिंसिपल रिमेनिंग है वो होगा रिमेनिंग फ्यूचर कैश लॉस उसको आप डिस्काउंट करना नए ई पे नया ई दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के अंदर बराबर तो इतना आपने किसके लिए पे किया एफ के लिए इतना आपने इक्विटी के लिए पे किया है बस अब पेमेंट की एंट्री मार देना जैसा आपने इतना एफ के लिए पे किया था ना तो देखो अगर एंट्री की माने तो आप क्या बोलोगे टू कैश बैंक बोलोगे फोर नाइनटी वन टू जीरो फोर अब इसके बदले में आपका एफएल सेटल हो रहा है जब एफएल एल बाहर जाएगा तो कैरिंग अमाउंट पर बाहर जाएगा तो फोर सिक्स सिक्स वन नाइन वॉज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एफएल आपने को आया था ना ये वाला एल से तो जो डिफरेंस कहाँ जाएगा एफ में जो भी कम ज्यादा हुआ जाएगा पी के अंदर डिफरेंस इक्विटी वाले केस में सेम से चीज आप बोलोगे टू कैश कितना पे किया इक्विटी के लिए थ्री बदले में इक्विटी कंपोनेंट सेटल कितना हुआ तो वो दिया हुआ था ऊपर इक्विटी इक्विटी कितना था अपना 7, 2, 0, 9, 7, 2, 0, 9, इतना सेटल हो गया डिफरेंस जब में न, तो इक्विटी में डिफरेंस आता है जाएगा कम ज्यादा डिफरेंस जाएगा अर्निंग्स के अंदर बस आपको इतना एंट्रीज वगैरह नीचे दी हुई आप देख सकते हो नीचे ये था अर्ली सेटलमेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इन स्ट्रूमेंट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी मतलब इस क्वेश्चन को आप दो पार्ट में बांट दिया करना पहला पार्ट जहां नॉर्मल अकाउंटिंग करनी है पांच स्टेप की है ना फिर जिस दिन सेटल करो उस दिन तक का एफ एल निकालो रुक जाओ अब जो पेमेंट किया उसको बांटो कितना एफ एल कितना इक्विटी बस ये बांटना इज इंपोर्टेंट बाकी सब सिंपल है बाकी तो एंट्री मानिए ना फिर क्या करना है अपने क्लियर विद दिस ये सर क्लियर ठीक है अब आपको अगर ये अर्ली सेटलमेंट वाला पार्ट एक और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है इलेक्टेशन नंबर एट्टी फोर एंड एटी मेरे किताब का मेरे क्वेश्चन बैंक काम आपको मिल जाएगा सेम क्वेश्चन है सिर्फ अमाउंट अलग है तो आप देख सकते हो ठीक है प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो ले सकते हो आप उसके बाद वन हो गया 125 भी हो गया ठीक है तो अगर एक बार मैं आपके साथ चार्ट पे आ जाता हूँ एक बार चार्ट आ जाओ मेरे साथ अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैं बताने जा रहा हूँ 32 अपना हो गया ठीक है 32 होने के बाद अपन मन जीरो में

विथ टीसी और एक अर्ली सेटलमेंट ऑफ सी एफ आई ये अपने तीनों सब कर लिया तुम समझ रहे हो क्या अब ये आर चांसेस की अगर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एग्जाम में सिक्सटीन या ट्वेंटी मार्क्स का आता है ना तो आप समझ लो दस से बारह मार्क कभी कभी चौदह मार्क यहां से निकल जाता है मतलब ए, अगर सपोज फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट दो से तीन क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ से आ जाता है कभी-कभी नहीं तो अलग बार, बार आ जाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट और इजी वाला पार्ट है स्कोरिंग पार्ट है तो इसको हमेशा अपने कंट्रोल में रखना अरे कंट्रोल अच्छा है कंट्रोल समझे तुम मेरी बात हमेशा कंट्रोल में रखना ठीक है चलो तो अपना एसीएम वाला पार्ट हो गया क्या मैं आगे बढ़ सकता तो आप लोग के साथ आगे बढ़ो सर अब है ना आपको बीच में और भी पार्ट दिखेगा इनिशियल मेजरमेंट एज पर फेयर परमेंट ऑफ एफ एन एफ एल है ना ये सब का है ना मैं आपसे जनरल अभी फटाफट से क्विक करूंगा लेकिन आपको ज्यादा इस पर जरूरत नहीं बिकॉज उस पर बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप खुद भी रीड करोगे वो समझ जाएगा रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफ एफ एल ये मेरे नोट्स के अंदर दिया हुआ है आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा इजिली देखो तुमको चेहरे में दिखा देता इधर आ जाओ <coughs> यहां से आपको रिवाइज करवा देता हूं मैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इनिशियल मेजरमेंट में मैंने आपको कौन सा वाला बताया था इनिशियल मेजरमेंट अपन ने एसीएम का देख लिया ठीक है अगर आप ध्यान से देखोगे एसीएम वाला पार्ट हो गया अब मैं बता रहा हूं अगर आपके पास कोई एफ वी ओ ओसीआई आई एफ ई टी ओ एन आर वाला या एफ वी टी पे वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसका इनिशियल मेजरमेंट कैसे करोगे तो मैंने क्या बताया था अब सिर्फ सुनते हुए चलना ठीक है मेथड कोई भी हो ए सी एम हो एफ ई टी ओ हो एफ वी टी पी एल हो डे वन पे तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे ये मानते हो ठीक है अगर फाइनेंशियल असेट है तो फेयर वैल्यू में टी भी ऐड कर देना ठीक है एक फर्क है बस अगर मतलब है ना, तो वन पे तो पे लेकिन जो टीसी है ट्रांजेक्शन आप डे वन पे कैपिटलाइज नहीं करोगे ऐड नहीं करोगे सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दोगे मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वैल्यू में ऐड नहीं होगा पीएनएड में जाएगा वो कौन सा केस है जहां फिनेंशियल एफईटीपीएल हो ये याद रहेगा पॉइंट ऑफ बता हूं इसलिए अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी है

और अगर कोई टीसी इक्विटी इंकर है, में इंकर किया जैसे आपने कहा था सी एफ आई में इंकर कर रहे थे थोड़ा एफ थोड़ा इक्विटी में तो इक्विटी वाले केस में जब आता था एलोकेशन इक्विटी के अंदर तो इक्विटी से अपन लेस करते थे ध्यान रखना ठीक है नॉट वेरी रेलिवेंट बट ठीक है तो पढ़ लेना उसके बाद आएगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट द मीनिंग ऑफ सबसेक्वेंट मेजरमेंट आपने जो सीखा वो आपने सीखा डे वन पे कैसे वैल्यू करेंगे सब्सिक्वेंटली कैसे वैल्यू करेंगे देखो एसीएम का बड़ा सिंपल अकाउंटिंग है जो आप एलईटी बनाओगे ना जो एलईटी का क्लोजिंग है सब्सिक्वेंटली वो उस पर रहेगा सिंपल सी बात तो बता रखा है डे वन पे किस पर रहेगा टीसी का क्या होगा सब्सिक्वेंटली आप रखोगे एमोटाइज कॉस्ट पे बेसिकली एलएलटी का क्लोजिंग बैलेंस पे आप रखोगे और इस ए सी एम मेथड वाले फाइनेंशियल एसेट पे जो भी आप इंटरेस्ट इंटेस्टमेंट कमाओगे वो जाएगा पेनल के अंदर क्योंकि आप कॉस्ट पे रख रहे हो तो कोई गेन लॉस नहीं आ सकता इधर बराबर तो बात मत करना गेन लॉस आया तो कहा जाएगा नहीं आ सकता क्योंकि आप कॉस्ट पर रख रहे हो उसको ठीक है अगर एफ वी टी ओसी तो इसमें सिर्फ कुछ बातें ध्यान रखो अगर एफ वी टी इसका फुल फॉर्म में आंसर है फुल फॉर्म क्या है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम इसका मतलब इसके जब जब फेयर वैल्यू में चेंजेस होंगे तो कुछ गेन लॉस आ सकता है तो वो फेयर वैल्यू में चेंजेस होने की वजह से जो भी जो भी गेन लॉस आएगा वो ओसीआई में जाएगा

और अगर एफ वी होता तो तो जो भी फेयर वैल्यू में चेंजेस हुए वो पी में जाएगा ऐसा तो नाम में ही जवाब है इसका ये एक बात ध्यान रखना ठीक है दूसरी बात ये ओ सी और एनआर में फर्क क्या रहेगा आर का फुल फॉर्म होता है रिक्लासीफाइबल टू पी मतलब जब ये फाइनेंशियल असेट आपके बुक से बाहर चला जाएगा तो जितना भी आपने प्रॉफिट ओ सी आर के नाम का बुक किया था ना वो होगा रिक्लासीफाई टू पी लेकिन अगर आपने ओ सी में बुक किया था

वो ये क्ट मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्लियर ठीक है सिमिलरली फाइनेंशियल एबिलिटी का दिया हुआ तो है इसका मेन तो एम वो डिस्कस कर भी चुके कि डे वन पे आप रखोगे फेयर पे सब्सिक्वेंटली एलिटी के क्लोजिंग बैलेंस पे रहेगा

कभी कभी क्या होता है सपोज आप पहले मेथड एसीएम यूज कर रहे थे क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल कुछ और था सीसीएफसी मीट कर रहा था अब सपोज आपका बिजनेस मॉडल चेंज हो गया या सीसीएफसी अभी मीट नहीं कर रहा है तो क्या आप मेथड चेंज कर सकते हो क्या इसको बोलते हैं क्लासीफिकेशन तो सबसे पहली बात ये मेथड चेंज परमिटेड है ओनली वेन ओनली वेन जब आपका बिजनेस मॉडल हो जाए चेंज मतलब सी सी एफ सी चेंज होने पर कुछ नहीं करना है बिजनेस मॉडल चेंज हुआ तो कर सकते हो और रिक्लासिफिकेशन करोगे तो साल के शुरुआत में करना साल के फर्स्ट डे पे करना उसके अलावा अगर आप एफ सी एनआर चूज किए थे फर्स्ट डे पे एनआर वॉज एन इरिवोकेबल ऑप्शन तो अगर आपने ये चूज किया था ना तो फिर इसमें आप मेथड चेंज नहीं कर सकते ठीक है ये मैं इतना विस्तार में पता है क्यों बात कर रहा हूं ओनली बिकॉज ऑफ एमसी क्यू और कुछ नहीं है मेरा मोटिव वापस से क्या रिक्लासिफिकेशन कर सकते हैं यस इट इज परमिटेड इन केस ऑफ फाइनेंशियल ओनली वेन बिजनेस मॉडल हैज चेंज्ड सेकेंड करोगे तो साल के शुरुआत में करना थर्ड एनआर वाले केस में परमिटेड नहीं है ये याद रहेगा ठीक है सर अब वो बताया हुआ है कि इसमें से इसमें जाओगे तो क्या करना है वो एक बार रीडिंग दे, दे देना बस ठीक है एक रीड कर लेना इसको छह पॉइंट है आप चेंज कब कर सकते हो एसीएम से एफवी टेबल हो सकता है एसीएम से ओसी हो सकता है एफवीटीपीएल से एसीएम हो सकता है टेबल से उसी हो सकता है एफवीटीओ से है, से एसीएम हो सकता है एफ से आर पी हो सकता है, है वो तीन मेथड आपस में खेला कूदी कर सकते हैं ये फाइनेंशियल असर्ट की मैंने बात की थी केस ऑफ फिनेशियलिटेड क्योंकि आपको मैंने बताया ये कौन से पार्ट एक बार पार्थ चार्ट मार के देखो ताकि आपको बेटर नशर नि आपको मैंने इनिशियल मेजरमेंट एशियम का सिखाया था अब भी जो मैंने डिस्कस किया वो था इनिशियल मेजरमेंट फेर वाले मेथड में कैसे करोगे

ये वट इज द मीनिंग ऑफ डी इसके अपन बात करते हैं इसके ऊपर मॉडल में कोई क्वेश्चन नहीं है बट एक मेरे किताब में क्वेश्चन है जो इन्होंने बहुत पहले मॉक टेस्ट वगैरह में डाल रखा था ठीक है तो मैंने डाल रखा है वो अपन कवर कर लेते हैं इधर जाओ फटाफट से <coughs> एक सेकंड दे देना बस डी रिक्निशन डी रिक्निशन मिल गया मिल गया

ये कब करोगे आप किसी भी फाइनेंशियल एसेट को अपने बुक से बाहर कब करोगे जब या तो आप उसको बेच दोगे या फिर फाइनेंशियल एसेट मतलब आपने किधर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किया रहेगा ना से जो भी इंटरेस्ट आना था वो भी आ गया जो भी प्रिंसिपल आना था वो भी आ गया मतलब जितने कैश कैशलॉस थे वो सारे रिसीव हो गए तो अगर सारे कैश कैशलॉस आ गए तो फाइनेंशियल एसेट खत्म हो जाएगा या फिर जब आप बेच दोगे तो फाइनेंशियल एसेट खत्म हो जाएगा तो इसको बोलते हैं फुल डी रिक्निशन सेकेंड केस है पार्शियल डी रिक्शन वट इज द मीनिंग ऑफ पार्शल डिग्नेशन पार्शली बेचा आपने ठीक है ये वाला पार्शल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है अब अगर आपको इसमें याद रहेगा तो इसमें तीन केस थे अच्छा ये बात ध्यान रखना ये पहले पढ़ा वाले का तो समझ आएगा मालूम पड़ा ये देख रहा हूँ और बोले सर ये क्या है समझा ही नहीं पढ़ा वाले का तो समझ आएगा रिवाइज करवा रहा हूं हाँ तो पार्शल डिग्नेशन ऑफ फिनेंशियल इसका मतलब क्या है इसमें तीन केस थे केस ए में तीन डेफिनेशन है।, है ना अब वो तीन डेफिनेशन क्या मैं सिखाऊंगा ठीक है तो देख लो तीन डेफिनेशन के पॉइंट्स क्या है सबसे पहला वो बोलता है अगर ये तीन में से कोई भी एक डेफिनेशन मीट किया तो हम बोलेंगे इट अ केस ऑफ वापस से अगर ये तीन डेफिनेशन में किसी एक पॉइंट भी मीट कर जाता है तो हम क्या बोलेंगे बोलता है पार्ट ट्रांसफर कंप्राइज ऑफ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड सर क्या मतलब हुआ इसका ऐसा समझ लो किसी भी फाइनेंशियल में दो

इसका मतलब क्या है आपने दोनों फ्लो का कुछ कुछ प्रपोर्शन बेचा इंटरेस्ट का 50% परसेंट right किसी को बेच दिया प्रिंसिपल का 60% right किसी को बेच दिया उसको low, दोनों तीसरा, इसका मतलब किसी एक स्पेसिफिक कैशलो का कुछ प्रपोर्शन बेचा सिर्फ इंटरेस्ट का फिफ्टी बेचा सिर्फ इंटरेस्ट का थर्टी बेचा सिर्फ प्रिंसिपलेंट बेचा

बट उसके पहले मैं केस बी पे आना चाहूंगा केस बी में क्या बोलता है अगर इन तीनों में से एक भी पॉइंट एक एक तीनों में से एक भी पॉइंट मीट नहीं किया तो आप केस बी में आओगे आओगे इफ थ्री डेफिनेशन नॉट मेट तो आप केस बी में अब कब मीट नहीं करेगा मैंने एक हिंट बताई थी आपको अगर ऐसा बोल दे सेल ऑफ फर्स्ट टू ईयर इंटरेस्ट सेल ऑफ लास्ट टू ईयर इंटरेस्ट या फिर सेल ऑफ फर्स्ट टू ईय प्रिंसिपल सेल ऑफ लास्ट टू ईयर प्रिंसिपल मतलब जब प्रिंसिपल क्या सेल ऑफ फर्स्ट

भार लेकिन पूरा बेचा ही नहीं है मैंने। पूरा भार और समझने का ट्राई करना मीट करता है तो हम जितना बेचा उतना ही भार करते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है वो कैरिंग अमाउंट पर दिखता है हमारे बुक्स में ठीक है केस बी में अगर फॉल करोगे तो पूरा पार्ट भार करेंगे और जो बचा हुआ अमाउंट है वो फेयर वैल्यू पे दिखेगा हमारे बुक्स पे मतलब रिटेन पार्ट

सी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ये ये बहुत पहले मॉक टेस्ट में आया था और तुम्हारे इसमें शॉर्ट एग्जाम्पल में दे रखा है मैंने ये दस लाख का लोन दिया एटीन परसेंट पे फेयर वैल्यू दिया हुआ है ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री नाइन सिक्सटी मान लेना आपके बैलेंस शीट में फिलहाल टेन लैक्स पे ठीक है फेयर वैल्यू पे नहीं है ईयर थर्टीन परसेंट दिया हुआ है उसके बाद आपने क्या किया है आपने इंटरेस्ट प्रिंसिपल बेचा आफ्टर रिटर्निंग राइट ओवर टेन परसेंट प्रिंसिपल फोर परसेंट इंटरेस्ट ऐसा बोला फर्स्ट टेन परसेंट लास्ट टेन परसेंट नहीं ना

तो ये ना सबसे पहले ऐसा समझ लो कुछ एक पूरा फिनेंशियल कुछ हिस्सा आपने बेचा है कुछ हिस्सा आपका पड़ा है जो हिस्सा बेचा है उसको कैरिंग अमाउंट बाहर करना है लेकिन जो हिस्सा बेचा है उसका स्पेसिफिक कैरिंग अमाउंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला क्या जो मैंने बेचा उसका कैरिंग अमाउंट इतना है स्पेसिफिकली नहीं तो आपको बेसिकली यहां बेसिकलीफरकेशन चाहिए होता है वी नीड टू एलोकेट द कैरिंग अमाउंट बिटवीन द पार्ट सोल्ड एंड द पार्ट रिटेन्ड दस लाख का जो कैरिंग अमाउंट है उसका चाहिए जो अपने पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होता है तो कैसे एलोकेट करें इस कैरिंग अमाउंट को दोनों पार्ट में एलोकेट करेंगे इन द देश ऑफ फेयर वैल्यू जो कि हमारा स्टेप नंबर टू है अब ये फेयर वैल्यू कहां से आएगी दिया हुआ है टोटल फेयर वैल्यू दे रखी है आपको ट्वेल्व ट्वेंटी उसमें से जितना आपने पार्ट रिटेन किया है उसका फेयर वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन पढ़ोगे तो मिलेगा तो बचा हुआ फेयर वैल्यू होगा पार्ट जो बेचा आपने वापस से टोटल दे रखा है फेयर वैल्यू

एक और केस बनाया हुआ है केस बी के नाम से बराबर सपोज कि अगर क्वेश्चन में ऐसा वर्ड होता कि फर्स्ट टेन परसेंट प्रिंसिपल रखा है, 10 है या 4 भार करते, और जो रिटेन पार्ट है उसको फेयर वैल्यू पे री रिकॉर्ड करते हैं बराबर यह देखोगे तो आपको समझ जाएगा बड़ा सिंपल सा पार्ट है ठीक है तो यह था आपका डी रिक्डिशन का एक केस मैंने बताया भी, क्या है दोनों केस के अंदर ठीक है

सेम फैक्टर होता है बस फैक्टर में बिल्स के बदला अपन डेटर से खिला कूदी करते हैं डेटर से पैसा छह महीने के बाद आने वाला है तो डेटर्स को अपन जाके फैक्टर को आज ही बेच देते हैं कि भाई फैक्टर पकड़ डेटर्स मेरे इससे पैसा तू लेना मुझे दे दे आज पैसा तो फैक्टर पागल छोड़े ना फ्री में काम नहीं करता वो कमीशन लेता course, तो इसको बोलते फैक्टरिंग अपने डेटर्स को बेच देना उसको प्यार से अपन बोलते हैं फैक्टरिंग अब इसमें तीन केस पॉसिबल है एक होता है फैक्टरिंग विद फुल रिकॉर्ड फुल रिकोर्स का मतलब क्या होता है पूरा रिस्क आपने रिटर्न किया अपने पास

मैं मतलब कंपनी मतलब अगर मेरे करण अर्जुन मेरे डेटर्स पैसा नहीं दे पाए तो पैसा मैं दे दूंगा उनके बिहाफ पे तो पूरा रिस्क कंपनी ने रिटेन करके रखा है तो ऐसे केस में क्या जब आप फैक्टर से पैसा रेस करते हो तो क्या आपको डेटर्स को भार करना चाहिए द आंसर इज नो सपोज डेटर्स दस लाख के थे पैसा आपको मिला नौ लाख रुपया बट रिस्क आपके पास ही है जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किया आपने तो आप डेटर्स को भार मत करना ये डी की तरह आप क्या करोगे आप ऐसा मान लेना आपने लोन लिया नौ लाख रुपए का बराबर तो आप लोन को रिकॉर्ड करोगे पहला चीज फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स मतलब यहां मैंने कोई रिस्ट नहीं किया है दस लाख का डेटर था नौ लाख डिवेल में मिल गया अब डेटर से पैसा मिले ना मिले वो फैक्टर की जिम्मेदारी मैं बच गया मेरा रिस्क खत्म हो गया अब बताओ क्या इस केस में मैंने डेटर्स को बेचा कि नहीं बेचा यस और नो में आंसर करना जल्दी से क्या इस वाले केस में हैव आई सोल्ड द डेटर्स द आंसर इज यस वेरी गुड यहां क्योंकि मैंने कोई रिस किया ही नहीं है तो डेटर्स मैंने बेच दिया एक तरीके से तो डेटर्स बाहर जो पैसा आया वो डिफरेंस जाएगा पीएनएल में

तो रिस्क आप ट्टी थाउजेंड का ही रख रहे हो सिर्फ अपने पास तो इसके अकाउंटिंग कैसे करेंगे तो जब आपने पांच लाख के डेटर्स फोर पॉइंट फाइव में बेच दिए पहले बेचने की एंट्री मार दो ठीक है तो आप क्या बोलोगे पैसा आया फोर पॉइंट फाइव लैक्स टू डेटर्स गया पांच लाख का डिफरेंस गया पीरियड में फिफ्टी थाउजेंड यह तुमको समझता है ठीक है ये पहला सेकेंड लेकिन आपने कुछ तो रिस्क, रिस्क रिटर्न किया हुआ है ना तो इसकी आपको अलग से एंट्री मारनी पड़ेगी अब इसमें क्योंकि आपने रिस्क रिटर्न किया है तो आप एक लाइबिलिटी बुक करोगे तो आप बोलोगे टू एसोसिएट लाइबिलिटी क्योंकि रिस्क रिटर्न किया आपने लेकिन साथ में जहां आप लाइबिलिटी बुक करोगे ना वहां आपको एक एसेट भी बुक करना है उसको बोलते हैं कंटिन्यूंग इन्वॉल्वमेंट इन एसेट अकाउंट डेबिट सी आई ए कंटिन्यूंग इन्वॉल्वेंट इन एसेट अकाउंट डेबिट ट्वेंटी सर असट क्यों रिकॉर्ड किया जहां मेरे ऊपर रिस्क है वहां मेरे पास राइट भी तो है ये ट्वेंटी थाउजेंड डेटर से रिकवर करने का देखो डेटर पहले पैसा देगा ना डेटर नहीं देगा तो मैं दूंगा ना तो राइट भी है मेरे पास एक तो सी आई ए टू एसोसिएट लाइबिलिटी तो आपने ये बेचने के पहले एंट्री मारी फिर आपने ट्वेंटी थाउजेंड की एंट्री मारी फिर आता है ये फेयर वैल्यू ऑफ रिस्क की एंट्री इसकी एंट्री क्या रहेगी तीसरी एंट्री अब ये क्या है ये फेयर वैल्यू इज नथिंग बट इस ट्वेंटी में से आपको क्या लगता है कितने का नुकसान होगा आपको तो मुझे लगता है इस ट्वेंटी में से मुझे सिर्फ फाइव थाउजेंड का नुकसान होगा तो वो बोलता है तो आप एंट्री मारना टू एसोसिएट लाइब्रेटी और लाइब्रेटी बुक करना फाइव थाउजेंड का और डेबिट करना पीएनएल में फाइव थाउजेंड ऐसा सर ये लाइब्रेटी ज्यादा कैसे बुक हो गई आप ये मत बोलो लायबिलिटी ज्यादा बुक हो गई जो ऊपर लायबिलिटी बुक की उसके अगेंस्ट तो आपने एसेट भी बुक किया है ना मेन आपने ये वाला लायबिलिटी बुक किया है पीएनएल टू एसोसिएट लायबिलिटी मतलब जितना भी आपको लगता है कि ये रिस्क है इतना आपको नुकसान हो सकता है वो पहले ही आप पीएनएल में बुक करके रख लेते हो इज दिस क्लियर टू एवरीवन यस ठीक है तो ये सेम चीज मैंने आपको लिखा के समझाई ये देखो इधर मैंने सेम चीज आपको लिखा के समझाई हुई है ठीक है यस जिसमें तीन केसेस भी बट अब उत्तर आई से गया नहीं है तो मैं भी नहीं जा रहा उस केस में उसके अब इसी बात को बेटर समझने के लिए अगर आप किताब खोलोगे तो आपको देखिएगा इलस्ट्रेशन मतलब मेरी किताब मेरे क्वेश्चन बैंक में, में नंबर किताबी तीन क्वेश्चन देखेंगे तीनों तीनों कर लेना। वो तीनों कर लेना लेना वो क्लियर वाला पार्ट सेम टू तो सेम क्वेश्चन है उसके ऊपर और कुछ नहीं है उसके अंदर आई होप दिस इज इज्लेट एवरी वन अब एक बात बताओगे जब आप वो क्वेश्चन करोगे ना ए बी सी वाले तो मैंने तीसरी एंट्री क्या मारी थी मैंने तीसरी एंट्री मारी थी पी एन एल टू एसोसिएट लाइब्रेटी

कभी कभी क्या करते हो तो आप फाइनेंशियल अपने मॉडिफिकेशन लाते हो तो उसका बात अपन अगले पॉइंट में करेंगे दैट इज मॉडिफिकेशन उसके बाद अपन करेंगे मॉडिफिकेशन क्लियर तो आ जाओ तो इनिशियल वगैरह पढ़ चुका है मॉडिफिकेशन पे आ रहा हूं मैं कुछ और भी क्वेश्चन मैं करवाता उसको पहले मुझे मॉडिफिकेशन पे चलो एक काम करते हैं मॉडिफिकेशन के पहले ना दो तीन और क्वेश्चन है वो भी करवा दूं मैं आपको ये मॉडिफिकेशन वाले पॉइंट पे आऊं इसके पहले दो तीन और क्वेश्चन अच्छे अच्छे वो भी करवा देता हूँ जल्दी से एक क्वेश्चन नंबर टू एम टी पी आर टीपी का मेरे में। क्या बोलता सुनो टेन लाख का लोन है है ना लॉन्ग टर्म बॉन्ड है इशू किया अपन ने इंटरेस्ट है एट परसेंट पे इशू किया ठीक है इंटरेस्ट कितना है एट परसेंट है तीन साल का लोन है ई आई और टेन परसेंट है अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या कोई रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में में पार्टीज नहीं क्या कोई CFI है नहीं तो ना कोई प्रीमियम है? No. तो है।, है ना कोई डिस्काउंट है ना कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो ऐसे कैसे डिफरेंट है तो तुम समझ कोई भी डिफरेंस ही नहीं है तो इसलिए क्वेश्चन में दिक्कत क्या आती है इन्होंने क्या कर रखा जब अभी रिलेशनशिप भी नहीं है सी एफ आई भी नहीं है लेवल वन इनपुट भी नहीं है तो अपन तो नॉर्मली फेयर वैल्यू जरूर टी पी मान लेते हैं लेकिन दिक्कत यह इनका कूपन ई आर भी सेम नहीं है तुम समझ रहे हो क्या तो इस क्वेश्चन की वजह से मैंने बताया भी था अपने कंसेप्ट को मत छेड़ना मतलब मैं बोलना सॉरी तो कन्फ्यूजिंग हो गया ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली गलत है क्यों इन्होंने ना एक्चुअली ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए था तब जाके क्वेश्चन बन जाता बराबर से क्योंकि जब इन्होंने निकाली ना प्रेजेंट वैल्यू तो इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू पता है कैसे निकाली है डिफरेंस की बात ही नहीं की प्रेजेंट वैल्यू ने कंप्यूट की

तो इसलिए उन्होंने ना डिफरेंस का पूछा भी नहीं है कि डिफरेंस कहां जाएगा वैसा पूछा नहीं चार चार केस पूछे चारों केस में कहीं भी ये नहीं बोला डिफरेंस के अकाउंटिंग बताओ कुछ नहीं बोला ऐसे चुप हो गए बच गए ऐसे करके तो ध्यान रखना बस इसका तो ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन इसलिए डिस्कस रिविजन में कर रहा था कि वो कंफ्यूजन घर पर ना हो आगे अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन टेंथ वाला ये इसके अंदर काफी बच्चे गलती करते हैं सुनो क्या है फोर लैक एट्टी का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है रिडीमेबल का मतलब क्या होता है क्या कन्वर्टेबल है क्या नहीं रिडीमेबल मतलब डिविडेंड भी कैश में देना है प्रिंसिपल भी कैश में देना है बराबर ठीक है तो प्रेफरेंस शेयर में जब डिविडेंड कैश में देना है तो एफ है जब प्रिंसिपल भी कैश में देना है तो एफ है ना यहां कोई कन्वर्टेबल ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं है पूरा पूरा है ठीक है फिर फोर परसेंट का रेट चल रहा है ठीक है

अब काफी पता है मुझे लोग क्या क्वेरी नहीं पूछते सर इसमें सेविंग्स इंटरेस्ट क्यों नहीं आया फिर वो फोर और का डिफरेंस अरे डब्बे लोग इधर सेविंग्स नहीं आएगा बिकॉज कन्वर्टेबल नहीं है पहली चीज सेकेंड चीज यहां डिफरेंस बिटवीन द कूपन एंड ई या आई आर इज बिकॉज ऑफ प्रीमियम तो ये सी एफ आई मत बोल देना इसको सी एफ आई बोलोगे तो गलती हो जाएगी सीएफआई बोलो चाटा लगाओ ऐसा ऐसा लो एक लगाओ चाटा लगाओ फटाफट से सी एफ आई नहीं है ये कन्वर्टेबल है क्या किधर भी नहीं ना ध्यान रखना तो डिफरेंस क्यों है इसके अंदर यहाँ डिफरेंस का रीजन है प्रीमियम है ना मैंने क्या बताया था ईआईआर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कूपन प्रीमियम डिस्काउंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ प्रीमियम की वजह से वो ईआर चेंज हो रहा है ध्यान रखना तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूं सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या ये सी है नहीं क्या ये रिलेशनशिप वाला है नहीं क्या ये लेवर वन इनपुट है नहीं तो इसको आप सॉल्व करोगे नॉर्मली स्टेप नंबर वन कैश फ्लोस स्टेप नंबर टू फेयर वैल्यू यहां फेयर वैल्यू में अज्यूम करूंगी कंप्यूट करू फटाफट से मेरे को आंसर करो तीनों में से किसी केस में फॉल नहीं कर रहा है वेरी गुड आंसर आप फेयर वैल्यू करोगे अज्यूम जो भी डे वन पे पैसा आया फोर लैक एट्टी देखो कैश फ्लो कितना आपका डे वन पे कैश इनफ्लो है फोर लैक एट्टी तो आप अज्यूम करोगे सीधा सीधा फेयर वैल्यू क्योंकि आपने फेयर वैल्यू अज्यूम किए तो यहाँ डिफरेंस की बात मत मतलब डिफरेंस कहाँ जाएगा अभी डिफरेंस आएगा ही नहीं बराबर फिर आपका डायरेक्टली ई आई फिर डायरेक्टली आपका एल कहानी खत्म क्लियर तो ये क्वेश्चन इसलिए ध्यान रखना उसके अलावा इसमें एक एंट्री भी इंपॉर्टेंट है क्या एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री कंपनी ने गलती की जहां अकाउंटेंट आया वो रायता फैला के जाएगा अकाउंटेंट ने क्या किया अकाउंटेंट ने इस प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में रिकॉर्ड किया है गलत किया सेकेंड अकाउंटेंट से पूछोगे तो उसने इंटरेस्ट भी नाइनटीन कूपन पे इंटरेस्ट बुक किया हुआ है

तो जब डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है तो आपके मैंडेटरी कैश का पार्ट नहीं बनेगा उसके अलावा ईच प्रेफरेंस शेयर एंटाइटल द होल्डर्स टू टेन इक्विटी शेयर इसका मतलब अगर मैं इस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की बात करूं तो इसमें डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है तो ये एफ में तो नहीं आएगा ठीक है उसके अलावा जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल में ऑप्शन होल्डर के पास है तो ये तो एफ आएगा एफ एल में आपका आ जाएगा उसके अलावा उसके अलावा जो सेविंग्स इन इंटरेस्ट हो रहा है सेविंग सेविंग्स में कैसा हो रहा है फोर परसेंट क्योंकि कन्वर्टेबल है सी एफ आई है अब इस कन्वर्टेबल वाले केस में सेविंग्स की बात करने का फोर परसेंट किया मार्केट में रेट सेवन परसेंट में आपका इक्विटी वाला पार्ट है तो सॉल्व कैसे करेंगे मुझे बताओ ये तो आपका सी हो गया इसलिए

वो मैंडेटरी नहीं है तो नहीं लोगे आप ठीक है बस और कुछ नहीं इसके अंदर बाकी सब कुछ सिंपल है चलो तो मैंने और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा दिया तो अपन लड़ मर के कहाँ तक पहुँचे अभी मॉडिफिकेशन पहुंचे मज़ा आ गया भाई मतलब मैं तुमको बोलूँ ना तुमने अगर इत, इतना पार्ट अच्छे से किया तो मज़ा आ गया रहेगा तुमको ठीक है अपने सारे अच्छे से क्वेश्चन कर लिए अब मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ अब मैं इधर इतना ही बाकी अभी अपना जल्दी हो जाएगा अब ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है बराबर अभी अपने मॉडिफिकेशन वाला पार्ट कर लेते हैं ये वाला पार्ट कर लेते हैं फिर मैं आपको छोटा सा ब्रेक दे दूंगा चाहिए तो फिर अपन बाकी पार्ट कर लेंगे व्हाट से ठीक है चलो ज्यादा बड़ा ब्रेक नहीं दूंगा दो चार मिनट का दे दूंगा बस तो इधर आ जाओ मॉडिफिकेशन पे खत्म करके अपन बड़ा बड़ा ब्रेक लेंगे ना सीधा सीधा मजा आ जाएगा और लास्ट तक बने रहोगे ना पता फायदा क्या घर पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो आज मैंने अच्छा एक बड़ा चैप्टर रिवाइज किया है क्या होता है थोड़ा रिविजन देगा भाग गया फिर किधर फिर बोले चार दिन बाद देखूंगा फिर हो गया तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा भाई पूरा देखने एक साथ में अच्छा रहेगा ठीक है आ जाओ तो मॉडिफिकेशन पे आ जाते हैं अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है इसको अपन एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं इधर आओ

ठीक है तो जब स्टेप्स रिवाइज करोगे सिर्फ समझने पर फोकस करना और उसके बाद जब पूरा क्वेश्चन करेंगे तो मजा आ जाएगा तुमको ठीक है तो सबसे पहला जब भी भी मॉडिफिकेशन होता है तो अभी मैं बोरर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ठीक है बोरर अकाउंटिंग कैसे करेगा तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग क्या होती है ध्यान रखना जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग मत करना पहले बिफोर मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग करना बिफोर मॉडिफिकेशन मतलब नॉर्मल वो चार पांच स्टेप कैश लोस फेयर वैल्यू डिफरेंस है तो डिफरेंस ई आई वो नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करोगे फिर आपको एलआईटी बनाते समय मॉडिफिकेशन हुआ है तो जहां मॉडिफिकेशन हुआ वहां एलआईटी को रोक देना और फिर आप आके चेक करना है या नहीं चेक वेदर द मॉडिफिकेशन इज सब्सेंशियल और नॉट ठीक है कैसे चेक करेंगे एक फॉर्मुला दिया गया है आपको निकालना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ये कैसे मिलेगा जब आप एलआईटी बनाओगे ना लोन का तो जिधर आप रुके हो वो रुकेटी का क्लोजिंग आपका बनेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल ऑन डेट मॉडिफिकेशन लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज फ्यूचर कैश कैशलोज इंक्लूडिंग कॉस्ट का आउटफ्लो एट ओल्ड ईयर सर ये क्या है जैसे अभी देखो मैंने और चेतन ने मिलकर आउटफ्लो क्या वो चेंज किया था स्केड्यूल इंटरेस्ट अभी 8 एट परसेंट रहेगा टेन हो जाएगा तो ये जो रिवाइज फ्यूचर कैश कैशलोज है उसके अलावा अगर मॉडिफिकेशन पे कोई ट्रांजेक्शन इंकर किया है वो भी ऐड करना ये भी आउटफ्लो

जब वो कहता है ना मॉडिफिकेशन इज नॉट सब्सटेंशियल मतलब छोटे मोटे झगड़े जैसे relationship चल रहा है 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 छोटा झगड़ा हुआ तो 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 करेंगे नहीं नहीं बोलो आगे बढ़ो modification, substantial, तो भी ऐसा ही है. तो अगर substantial नहीं है, modification, तो पुराने लोन में छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने का वो सिखाऊंगा कैसे करते ठीक है है लेकिन जब modification substantial है, भाई चीट कर रहा था वो तुम पे तो करेंगे ना ब्रेकअप ब्रेकअप करके नया ढूंढेंगे

ठीक है फिर क्योंकि आपका रीपेमेंट शेड्यूल भी चेंज हुआ है आपका कैरिंग अमाउंट भी चेंज हुआ रहेगा बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो इसलिए आपको नया ई निकालना पड़ेगा या तो निकालना पड़ेगा या फिर दिया जो भी है और स्टेप और कैसे एल कैसे टी बनाओगे जो भी ओल्ड लाइबिलिटी में आपने एडजस्टमेंट किया टीसी का उसके बाद की जो ओपनिंग वैल्यू बचेगी वो ई नया वाला लेना आपने रीपेमेंट क्लोजिंग जब करोगे तो समझ जाएगा ये उसके अलावा अगर मॉडिफिकेशन सब्सटैंशल होता तो फिर क्या भाई धोखा किया है छोड़ेंगे नहीं तो ब्रेकअप करेंगे तो पुराना वाला करोगे कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाने वाली चीज हमेशा कैरिंग अमाउंट पे भार जाती है नया वाला रिकॉर्ड करोगे नए फेयर वैल्यू पे निकालना सिखाऊंगा फेयर वैल्यू का निकालेंगे फेयर वैल्यू इन दोनों के में जो भी डिफरेंस रहेगा क्योंकि पुराना बाहर गया कैरिंग अमाउंट पे नया रिकॉर्ड हुआ है फेयर वैल्यू पे डिफरेंस जाएगा पीएनएल के अंदर उसके अलावा अब इस वाले केस में जहां मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल अगर इस वाले केस में आपने कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर किया है तो वो जाएगा सीधा पीएनएल में सर ऐसा क्यों सिंपल लॉजिक देने का ट्राई करता हूं ऐसा समझ लो ये टीसी आपने ओल्ड लोन के मॉडिफिकेशन पे इंकर किया था ओल्ड लोन तो भार हो गया तो उसका टीसी भी भार कर देना तो इसलिए जाएगा सीधा अंदर बराबर फिर बना देना आप एल उसमें ओपनिंग में लेना नए लोन का फेयर वैल्यू नया वाला ई दिया हुआ रहेगा रीपेमेंट क्लोजिंग करके निक देना अब ये तो आपको लगा रहेगा सर हमको बेसिक बेसिक आइडिया आ गया लेकिन अभी हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे तो इसको और पक्का करने के लिए आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ दो एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन भी है बड़ा वाला वो तीनों करवाऊंगा मैं आपको ठीक है आ जाओ क्या बोलता है पहले वाले केस में बोलता है ऑन फर्स्ट जैन टेन एक्स ने टेन ईयर्स का बॉन्ड इशू किया ठीक है कितना पैसा रेस किया अगर आप देखोगे तो और टेन लाख रुपीज रेस किया लगभग लगभग मेरे को जहां तक दिख रहा है टेन परसेंट का कूपन रेट है रिडीमेबल ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन टेन ईयर्स का ड्यूरेशन है नो फीस और कॉस्ट आर इंकर्ड ई आर टेन परसेंट का दिया हुआ है वेरी गुड ऑन फर्स्ट जैन फिफ्टीन दैट इज आफ्टर फाइव ईयर बॉन्ड होल्डर अग्री अग्रेट हुआ मॉडिफिकेशन रुक जाना अब मॉडिफाइड टर्म्स बाद में पढ़ना पहले मॉडिफिकेशन हुआ है ना तो पहले आप डायरेक्टली मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग मत करना नॉर्मल अकाउंटिंग पहले करना नॉर्मल अकाउंटिंग में क्या आता है स्टेप नंबर वन कैश कैशलॉस फेयर वैल्यू क्योंकि यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है कोई सी नहीं है कोई इनपुट वाला बात नहीं है तो सीधा अज्यूम करना कैश लॉस फेयर वैल्यू वो चार स्टेप बनाओगे तो मैंने भी वही किया नॉर्मल अकाउंटिंग पहले करोगे करोगे बिफोर मॉडिफिकेशन कैश फेयर वैल्यू निकालोगे यहाँ क्योंकि ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ ई आर कूपन सेम है और एल ए टी बनाओगे एल ए टी पूरे टेन ईयर्स का मत बनाओ फाइव ईयर्स का बनाओ क्योंकि का मॉडिफिकेशन हो गया तो मैंने बनाया फाइव ईयर्स का नॉर्मली एल ए टी और बना के रुक गया मैं ये हो होगी मेरी बिफोर मॉडिफिकेशन के अकाउंटिंग अब हुआ क्या है अब आपका है ना फिफ्थ ईयर के बाद इन्होंने इन्होंने क्या किया किया मॉडिफिकेशन है है ठीक है? उसमें टर्म एक्सटेंड कर दिया कूपन पेमेंट रिड्यूस कर दिया है ना अब प्रिंसिपल में टेन लैक्स नहीं फिफ्टी देना पड़ेगा और कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है तो मैं क्या करूं तो बोरो के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडिफिकेशन में क्या था सबसे पहला स्टेप कोई मुझे याद दिलाएगा स्टेप नंबर क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है फटाफट से लो ना वेरी गुड आंसर चेक वेदर इट इज सब्सटेंशियल और नॉट वो चेक करेंगे उसके लिए क्या चाहिए कैरिंग अमाउंट चाहिए ये दो कैरिंग अमाउंट अपने को एलिटी से मिल जाएगी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज फ्यूचर कैश लॉस इंक्लूडिंग टी सी एट ओल्डर ठीक है तो अब रिवाइज फ्यूचर कैश लॉस क्या है एक तो नहीं सॉरी मैंने गलत वाला पढ़ लिया मैंने मॉडिफाइड टर्म्स गलत पढ़ लिया सॉरी ये ऊपर वाले टर्म्स है सॉरी क्या बोलता है वो मॉडिफाइड में क्या था नो फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है हाँ सिर्फ प्रिंसिपल पेमेंट करना सिक्सटीन लैक्स का अभी है. तो मैं लिखूंगा मेरा रिवाइज पेमेंट क्या है सिक्सटीन लैक्स का और उसके अलावा मुझे कोई टीसी भी इंकर करना है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का टीसी मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो मैं वो भी इंकर करूंगा टीसी सी फिफ्टी का टीसी और ये अपने को पे करना है सिक्सटीन लाख का प्रिंसिपल तो आप जिस दिन खड़े हो ना उस दिन से गिनना उस दिन से आप देखोगे तो पांच साल के बाद पेमेंट करना है ये मैं बोला टेन ईयर्स के बाद पे करना है आप पाँच साल के बाद खड़े हो यू आर स्टैंडिंग ऑन द फिफ्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर एंड से देखोगे तो ये फाइव ईयर के बाद पे करना है और ये आपको आज ही पे करना है तो दोनों के दोनों आउटफ्लो है तो दोनों को ऐड करना तो जब आप इनकी निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू एट ओल्ड आपको मिलेगा टेन फोर्टी थ्री फोर सेवेंटी फोर जब करोगे तो आ जाएगा अब इसमें कन्फ्यूज मत होना अपन टी सी एड कैसे कर दिया है तो एफ एल है यहां अपन आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे, रहे हैं फर्क होता है दोनों के अंदर अगर अपन एफ एल का फे वैल्यू निकाल रहे होते तो अपन लेस करते बट यहां अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल निकाले आउटफ्लोज का तो ऐड करना है ये मैंने लिख के भी दिया बोध्यूजन ना हो ध्यान रखना

पुराने लोन में छोटे मोटे एडजस्टमेंट करूं ऑप्शन नंबर वन या फिर पुराना भारत का नया रिकॉर्ड करूं ऑप्शन नंबर टू जल्दी बताओ ऑप्शन नंबर वन के ऑप्शन नंबर टू वेरी गुड आंसर ऑप्शन नंबर वन क्योंकि छोटा मोटा मॉडिफिकेशन है तो पुराने लोन में एडजस्टमेंट करो क्या एडजस्ट करोगे सबसे पहले टीसी को एडजस्ट करो तो पुराने लोन की कैरिंग अमाउंट वर्स टेन लैक्स इसी पे रहेगा उसमें टीसी एडजस्ट हो जाएगा आपका तो टीसी एडजस्ट करोगे एडजस्ट किया आपका नया कैरिंग अमाउंट होगा नाइन लैख फिफ्टी ये स्टेप नंबर टू हो गया स्टेप नंबर आपको नया ई ER निकालना पड़ेगा क्यों क्योंकि तो तो नया ई गया स्टेप बनाना एल बनाना टी में जब ओपनिंग लिखोगे तो नया वाला कैरिंग अमाउंट लिखना इंटरेस्ट में जो ई ER लोगे वो नया वाला ई ER लेना ऐसा बस हो गया और कुछ नहीं इसके अंदर खत्म हो गया अब इसी बात के ऊपर एक और एग्जाम्पल है सेम एग्जाम्पल लोन लिया दस साल का सब कुछ सेम है बस मॉडिफाइड टर्म्स अलग है जो मैंने बोल से वो पढ़ लिया था ना वो वाले कि टर्म एक्सटेंड किया रेट कर कर दी ये कर दिया ब्ला, 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 यहां नया, दिया नया हुआ है कितने अच्छे लोग वेरी गुड तो यहां भी सेम चीज करोगे पहले आप करोगे बिफोर मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग फटाफट से देखो मेरे साथ पहले आपने की बिफोर मॉडिफिकेशन के अकाउंटिंग वही कैशलॉस फेयर वैल्यू ई आर एल ईटी बनाया डेट ऑफ मॉडिफिकेशन फिर आप करोगे चेक वेदर मॉडिफिकेशन इज सब्सटेंशियल और नॉट तो इसमें मुझे क्या चाहिए सबसे पहले मुझे चाहिए कैरिंग अमाउंट ऑफ

उसके अलावा फिफ्टीन लैक्स का प्रिंसिपल पे करना है सेवेंथ ईयर के बाद और आज के दिन पे आपको टी सी इंकर करना है वन लैख का ये सब पे आप रिस्पेक्टिव लगाओ डिस्काउंटिंग फैक्टर जैसे टी सी पे आपको फर्स्ट डे पे इंकर करना है तो इस पर वन का डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा ये इंटरेस्ट आपको सात साल तक इंकर करना है सेवन एयस का एन्युटी फैक्टर आएगा फिफ्टीन लैख सेवन एयर के बाद पे करना है सेवन तय का डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू आपका है लेवन लाख थर्टीन वन फिफ्टी एट करोगे तो आ जाएगा ठीक है तो टेन लैक्स माइनस लेवन लाख थर्टीन वन फिफ्टी एट डिवाइड बाई टेन लैक्स इंटू हंड्रेड एक परसेंटेज आएगा 11.32% 10% तो सब्सटेंशियल अब दोबारा दो ऑप्शन देता हूँ चीटिंग किया धोखा हुआ भाई तो में छोटे मोटे पुराना भर के नया रिकॉर्ड करूं तो वेरी गुड आंसर सिद्धांत आरती ओमकार नूतन जीनी वंदना वेरी गुड ऑप्शन नंबर टू पुराना भर के नया रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो आप पुराना कैसे भार करोगे आप पुराना भार के कह अमाउंट पे नया रिकॉर्ड करोगे फेर वैल्यू पे अब फेर वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी सर है ना फेर वैल्यू निकाले फेयर वैल्यू ए, ए, नहीं है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश कैशलोज एट न्यू ईआईआर दिया था ना नयान परसेंट दिया तो रिवाइज फ्लो आपके पास है इसमें टीसी मत लेना क्यों जब सब्सटेंशियल होता तो टीसी तो अपन पेनल में ट्रांसफर कर ना इसलिए तो जितने भी बाकी कूपन और प्रिंसिपल के वो नए ईआर पे डिस्काउंट करना आपको मिलेगी फेयर वैल्यू डिफरेंस किया पीएनएल के अंदर स्टेप नंबर थी जो भी टीसी है वो पीएनएल में जाएगा मैंने बताया था हम मानते हैं कि ये टीसी आपने ओल्ड लोन के लिए मॉडिफिकेशन में इंकर किया जब ओल्ड लोन गया तो टीसी भी गया पीएनएल के अंदर स्टेप नंबर फोर एल बना देना एल आराम से बन जाएगा ठीक है ध्यान रखना देखो रिविजन में वी हैव सम समिटेशन की ही कर सकते हैं लेकिन मजा तब आएगा जब घर पे बैठ के बढ़िया लिख के आ हा 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 गर्मा गर्म प्रैक्टिस हो जाएगी तो मजा आ जाएगा एनीवेज बट ये दो बढ़िया एग्जांपल है एग्जाम में कभी भी टपक के आ सकता है केस वन केस टू बनाकर ठीक है ध्यान रखना अब इसी बात पे मेरा फेवरेट क्वेश्चन ये मेरा फेवरेट है मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है ये एक फ्लाइंग इसको फ्लाइंग दे दी मैंने आ जाओ ये करवाता हूं तुमको बढ़िया सा मजा आ जाएगा

TC है ये डे का टीसी है ये मॉडिफिकेशन का टीसी नहीं है यह अलेवन पॉइंट फाइव परसेंट दिया हुआ है वेरी गुड फिर थर्टी फोर्ट डिसंबर ट्वेल्व मतलब कितने साल के बाद हीरो लोग दो साल के बाद सेकेंड ईयर के एंड पे हमने बैंक को अप्रोच किया बोला पैसा नहीं है बिफोर अप्रोचिंग द बैंक वील मेड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट का पेमेंट किया मतलब जो प्रिंसिपल है वो पेमेंट नहीं कर पाया इंटरेस्ट पेमेंट कर पाया अब मॉडिफाइड टर्म्स क्या है इंटरेस्ट लेवन का होगा फिफ्टीन रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल देखो आपने पांच में से एक इंस्टॉलमेंट दे दिया रहेगा सेकेंड डे का इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे पाए मतलब प्रिंसिपल नहीं दे पाए तो आउटस्टैंडिक प्रिंसिपल फोर्टी सीआर बचेगा उसको आप रिमेनिंग टेन इंस्टॉलमेंट के अंदर दोगे इंटरेस्ट दोगे एनुअल बेसिस पे ठीक है रिकॉर्ड एंड देखो क्या पूछा है रिकॉर्ड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ व्हील टिल थर्टी फर्स्ट दिसंबर थर्टीन मतलब तीन साल की एंट्रीज मांगी है एंट्री मानना बड़ा सिंपल है एल देखकर एंट्री मार देना आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टर्म मतलब मॉडिफिकेशन की एंट्री मांगी है अब मैं सोल्यूशन ही दिखाऊंगा आपको सबसे पहले आपसे एक बेसिक स्टेप पूछूंगा एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी रहेगा तो सॉल्व करना ईजी रहेगा सबसे पहला स्टेप नंबर वन आप पहले करोगे बिफोर मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग ठीक है तो आप बनाओगे स्टेप नंबर कैश ठीक है इसमें आपको एक वर्किंग नोट नंबर वन कैश फ्लो टेबल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा मानते हो मानते हैं सर ठीक है स्टेप नंबर टू फेयर वैल्यू अब एक बात समझ लो ना यहाँ कोई रिलेशनशिप uh, है ना कोई सी है ना कोई लेवर इनपुट है तो फेयर वैल्यू आप क्या करोगे अज्यूम करोगे

अब जब एल ए टी बनाओगे तो थर्टी फर्स्टर ट्वेल्व का बनाओगे, 13 का बनाओगे. 13 का जो है, वहां और थर्टीन में क्या बोला जब रीपेमेंट करोगे ना रीपेमेंट तो एक ही चीज बोली थी आप इसी दिन पे अप्रोच करने गए बैंक को नहीं 13 में की 12 में कि सॉरी 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 आप थर्टी फर्स्ट डिसंबर इलेवन का बनाओगे और थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेल्व का बनाओगे ठीक है और जब आप ट्वेल्व में गए ना अप्रोच करने तो बोला हमने सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट किया मतलब इस साल आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं किया है सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट किया है यह बात ध्यान रहेगी आपको पहले मैं इतना दिखा दू आपको सोल्यूशन आ जाओ कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं है तो स्टेप नंबर वन कैशलेस देखो मैंने प्यारा टेबल बनाया हर साल आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों पे करोगे स्टेप नंबर टू फेयर वैल्यू स्टेप नंबर थ्री ई स्टेप नंबर फोर एल ए एल में देखो फर्स्ट में पूरा पूरा रीपेमेंट किया प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों सेकंड एयर मैंने सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट किया प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं किया तो प्रिंसिपल मेरा प्रिंसिपल cr बच गया कैसे फिफ्टी सीआर के प्रिंसिपल में से एक ही इंस प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट गई है तो प्रिंसिपल 40 CR का बचा है है मेरा ठीक की जो फेयर कैरिंग अमाउंट है वो ये बट अगर मैं ऐसा पूछू ना प्रिंसिपल कितना देना बाकी मत तो दोनों के अंदर ठीक है ये पहला पार्ट हो गया अब है ना मेरा मॉडिफिकेशन हो गया हीरो लो लोग ठीक है तो मॉडिफिकेशन का पहला स्टेप क्या होता है, अब करनी है मुझे आप चेक करोगे कि मॉडिफिकेशन सब्सटेंशल है कि नहीं है सब्सटेंशल और नॉट बराबर की नहीं वेरी गुड ठीक है अब इसके लिए आप अभी बिना देखे आंसर करना ठीक है आप मुझे बताओगे कौन से कौन से अमाउंट चाहिए ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कैरिंग अमाउंट ऑफ

टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको ठीक है करेंगे वो डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट वापस से करोगे इनटू टू हंड्रेड तो देखो यहाँ किया वो इधर ये स्टेप फॉलो किया कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी एलई से मिल गई लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश कैस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ ठीक है वो निकाला बेचारा ने बहुत मेहनत की इन्होंने कि ये जो उन्होंने प्रिंसिपल है इसमें भी प्रिंसिपल हर साल पे हो रहा है टेन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे तो यहाँ भी टेबल बनेगा यहाँ दो दो टेबल बनेंगे इसलिए वर्किंग बड़ी है ये तो मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो इसको लास्ट में सॉल्व करना क्योंकि अभी कैसे मान पड़ेगा लास्ट में सॉल्व करना है सर अरे घर से बोल के जा रहा ना लास्ट में करना टाइम खाएगा बहुत है ना तो आप ऐसे बनाओगे टेबल ये आपके फ्यूचर कैश लोज है इसको आप डिस्काउंट करोगे ओल्ड ई आर पे ओल्ड ए आर वॉर लेवन पॉइंट फाइव परसेंट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपका जवाब आ जाएगा ये वाला अब ये सॉल्व करने का रेट आएगी आपको रेट कितनी आ रही है आपको रेट आ रही है आपको थर्टीन पॉइंट फाइव नाइन परसेंट हीरो लोग बराबर मतलब परसेंटेज आया थर्टीन पॉइंट फाइव नाइन इट इज़ मोर देन टेन परसेंट तो बताओ मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल है कि नहीं है सबस्टेंशियल है सर टेन परसेंट से ऊपर है तो फिर पुराना भार नया रिकॉर्ड तो पुराने वाले को आप कैरिंग अमाउंट के ऊपर भार करोगे नए वाले को आप रिकॉर्ड करोगे अब नए वाले को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो इसमें जो रिवाइज टर्म्स है ना उसमें रिवाइज टर्म में कोई कूपन वगैरह कुछ भी कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट कुछ भी नहीं है तो इसलिए आपका जो फेस वैल्यू है वही फेयर वैल्यू बन जाती है ये शॉर्टकट है आपको याद रहेगा एग्जाम में तो टाइम बचेगा आपका जब टर्म्स रिवाइज होते हैं तो इंटरेस्ट फिफ्टीन परसेंट है इज नो डिस्काउंट नो प्रीमियम नो टीसी तो इंटरेस्ट कूपन और ई आर सेम है जब दोनों सेम होता है तो फेस वैल्यू और फेयर वैल्यू भी सेम हो जाता है आपका तो आपका नया लोन का वैल्यू रहेगा फोर्टीसीआर डिफरेंस गया पेरण के अंदर ये स्टेप टू हो गया आपका मतलब स्टेप वन था चेक किया सब्सटेंशियल है कि नहीं है सब्सटेंशियल था तो स्टेप टू क्या हो गया पुराना भार नया रिकॉर्ड स्टेप थ्री होता है टीसी कुछ रहेगा तो जाएगा पेरण में इस केस में कुछ भी नहीं है स्टेप फोर एल आफ्टर मॉडिफिकेशन यहाँ आपको सिर्फ थर्टी फर्स्ट डिसंबर थर्टीन तक का मांगा है तो नया वाला एल सिर्फ एक साल का और बनाओगे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं बनाओगे आप

मॉडिफिकेशन मैंने बोरोवर का आपको पूरा समाप्त करके दिखा दिया यहां तक क्या आपको क्लियर है क्या मुझे फटाफट से यस yes और नो no करके बताओगे जल्दी से जल्दी जल्दी खली बली खली बली खली बली यस चलो ठीक है बहुत बढ़िया अब क्योंकि आपने अच्छा कंटेंट कवर किया है लैंडर का आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा ब्रीदर ले लो जरूरी है ठीक है तो अभी हो रहा है सिक्स हम सिक्स को शार्प मिलेंगे ठीक है एक छोटा सा फाइव सिक्स मिनट्स का ब्रीदर ले लो और उसके बाद लेट्स रिज्यूम ओके लेंडर से शुरुआत करेंगे लेंडर के बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं हो जाएगा अपना फटाफट से ओके okay? चलो सो सी यू आफ्टर द स्मॉल ब्रीदर पानी वानी पी लेता हूं मैं भी तुम भी जरा पानी वानी पी लो थोड़ा ऐसे एक्सरसाइज वगैरह कर लो ऐसे ऐसे और फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय चलो हीरो लोग कंटिन्यू करें क्या फटाफट से एक बार बताओ सब सही है अभी एक बार मैं भी देख लू ऑल गुड परफेक्ट चलो गुड टू प्रोसीड आ जाओ लेट्स कंटिन्यू विद दिस केस लैंडर वाला लैंडर वाले केस अपन कंटिन्यू करते हैं अपना बॉरवर तो हो गया था वो बढ़िया था अब लेंडर वाले में आ जाओ मस्त है सिंपल है लेंडर तो ज्यादा सिंपल है बोर और एक्चुअली कैलकुलेशन इंटेंसिव है लेंडर तो बहुत ही सिंपल है ठीक है आ जाओ इधर क्या बोलता है इसके अंदर सबसे पहले मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ लेंडर स्टेप नंबर वन कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल असेट है ना इसमें आप अभी कैसा है इसमें लेंडर वाले केस में आप कभी भी ये मत देखना कि सब्सटेंशियल है कि नहीं है लेंडर में अकाउंटिंग बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है सिंगल अकाउंटिंग है अपन बॉर में क्या करते थे? चेक करते थे कि है ना वो बताओ सब्सटेंशियल है कि नहीं है उस पर पर अपने को बत, अलग अलग अकाउंटिंग है या ऐसा कुछ नहीं है भाई अगर लेंडर वाले केस में मॉडिफिकेशन हुआ है तो बोलते हैं ई चेंज नहीं हो सकता भाई ठीक है तो क्या करना है इसमें अपने को एक सिंगल स्टेप फॉलो मतलब सिंगल अकाउंटिंग करनी है सब्सटेंशियल वगैरह मत चेक करना सबसे पहला क्या है चाहिए कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल असेट दूसरा

और बस आपने इंक्रीज डिक्रीज का वो भी इफेक्ट आपको देना है बराबर अगर इंक्रीज हुआ तो आप ट्रांसफर करोगे पी के अंदर डिक्रीज हुआ जो भी है पी में ट्रांसफर करोगे के, मैक्सिमम केसेस में अब देर आर देर इज अ रेयर केस जिधर आप इसको रिलेशनशिप के बेस पर भी एडजस्ट कर सकते हो है ना और स्टेप नंबर फोर एल है अब मैं इसकी बात है ना यहाँ नहीं करना चाहता ज्यादा मेरे को क्वेश्चन में करनी है ठीक है और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो अब जिसके पास है ना मेरा पहले का बैच लिया हुआ है

वन ट्वेंटी थ्री और मैं वो नया वाला सोल्यूशन भी खोल लेता हूं ठीक है आपके सामने है. तो जिसके बाद कॉपी कर देना प्लीज ओके okay? इधर एक बार एक सेकंड रुक जाना बस मुझे एक सेकंड दे दो ये देखो तो नया वाला स्टेप से देखो आप एक काम करो ठीक है इसमें क्या है फर्क सुनो मॉडिफिकेशन केस ऑफ लेंडर फॉर फाइनेंशियल स्टेप नंबर वन है कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल असेट ठीक है स्टेप नंबर टू है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश कैशलॉस स्टेप नंबर थ्री में मैंने क्या बोला इंक्रीज डिक्रीज निकालो उसके बाद आप डायरेक्टली एक जनरल एंट्री पास करना अब ये एंट्री पास करने का जो तो तरीका है वो अलग है जो मैंने पहले बताया था और जब अब बता रहा हूँ नेट एंट्री दो नेट अमाउंट दोनों में सेम आएगा

चार लाख का, का लोन फोर परसेंट पे लाख का लोन सेवन परसेंट पे नो, है ना ठीक है प्रिंसिपल अमाउंट शाल बी रिकवर्ड इन फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट जैसी आपने ये देखा क्या दिमाग चलना चाहिए आपका आपका दिमाग यह चलना चाहिए कि भाई अगर फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है तो इस केस में आपको फिर स्टेप

अभी जो मैं मरवाने एस पर आईसीआई बताऊंगा पहले नेट अमाउंट सेम था लेकिन आईसीआई के तरीके से मैच नहीं करेगा तो भाई वो फिर जान खाएगा अपनी ध्यान रखना ठीक है तो अपने फिर अपने बोला हुआ तो आफ्टर मॉडिफिकेशन आपका इस तरीके से कुछ बनेगा रिवाइज वाला टेबल भी रखा है सौ बात की एक बात ये बताओ सुनो सबसे पहली बात ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने का पहले तो आप करोगे बिफोर मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग ठीक है या, अगर आप यहां तक मेरे साथ बन गए ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सुनना बिफोर मॉडिफिकेशन में स्टेप नंबर वन मेरा क्या रहेगा मुझे फटाफट से आप बताओगे क्या परफेक्ट आंसर कैश लो रहेगा ठीक है अब कैश लो का आपको टेबल चाहिए ये क्वेश्चन में ही दे रखा है आपको ठीक है तो टेंशन नहीं है अब स्टेप नंबर टू अगर आप ध्यान से देखोगे मॉडिफिकेशन के साथ यहाँ रिलेशनशिप भी है तो रिलेशनशिप के बेस पर आपको अकाउंटिंग करनी है इसकी तो यहां अपन स्टेप नंबर टू में फेयर वैल्यू अज्यूम करके कंप्यूट करेंगे फटाफट से मेरे को बताओ फेयर वैल्यू कंप्यूट करू अज्यूम करूँ वेरी गुड आंसर यू विल यू विल कंप्यूट क्योंकि यहां रिश्ता है ना यह रिश्ता क्या कहलाता है इंप्लॉयर इंप्लॉय तो आपको क्या करना पड़ेगा कंप्यूट करना पड़ेगा कर देंगे सर तो आपने अगर कंप्यूट के डिफरेंस आएगा कहां जाएगा डिफरेंस प्रीपेड इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा वेरी गुड आंसर ठीक है फिर आपका निकलेगा स्टेप फोर ई आई आर और आपका मिलेगा स्टेप फाइव एल ए टी ये बना दोगे आप अब एल ए टी आप थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेल्थ तक मार के रुक जाना ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनना फर्क इधर आएगा फर्क आपका यहां आ जाएगा क्या फर्क है सुनो जब अपन पुराने वाले किसने क्लास ले देखे तो सोल्यूशन में आपने क्या लिखा रहे क्या रहेगा रीपेमेंट में आपने फोर लैख फोर्टी फोर लिया रहेगा मतलब मैंने इसी के अंदर जो एक्स्ट्रा टू लैख प्रीपेमेंट किया उसका इफेक्ट ले लिया था आप मत लेना आप मत लेना नेट इंपैक्ट पहले भी सेम अभी भी सेम ही है बट देख लो तो नया वाला सोल्यूशन में कैसा है यहाँ प्रीपेमेंट नॉर्मल पर शेड्यूल करोगे ठीक है ये डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है आपने पहले यहां फोर लिखा रहेगा टू फोर्टी ही लिखो इधर

तो इसमें ना पहले दो साल वाले कैशलो छोड़ देना अपने को चाहिए तो तो मैंने, मैंने, मैंने लिखी कैरिंग अमाउंट जो मेरे को यहां से आई ये कैरिंग अमाउंट आपकी अलग होगी पुराने नोट्स में तो ये वाले लिख दो आप इसके अंदर, फिर आप कहेगा प्रेजेंट वैल्यू और रिवाइज कैश लोस ठीक है दो कैशलो है आपके दोनों का निकाला आपने प्रेजेंट वैल्यू अब कंपेयर करो ये पुराना अमाउंट है फाइव ट्वेंटी फाइव अब आपको पुराने अमाउंट से नया अमाउंट पे आना है ठीक है पुराना फाइल है ट्वेंटी फाइव है नया वाला अमाउंट थ्री फिफ्टी एट है तो गिराना ना फाइनेंशियल असट को तो यू विल डिक्रीज द फाइनेंशियल असट कैसे अब ये जो एंट्री मारोगे ना इसकी ये जो एंट्री मारोगे ये अलग है सुनो कैसे है वो दो लाख जो, आपने प्रीपे, उस, जो दो आपने प्रीपे किया है ना उस, उसका अमाउंट आएगा इसके अंदर देखो जो दो लाख आपने प्रीपे किया है ना आपने पुराने एल में लिया है उसको और ना आपने उसको रिवाइज कैश लॉस में लिया है आप उसकी एंट्री अलग से मारते हो कैसी एंट्री कैश बैक अकाउंट डेबिट टू लैक्स

करते हो ना, तो एक वर्किंग और आ जाएगी इसके अंदर क्या जो आपका प्रीपेड इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पहले पीरियड ऑफ फाइव ईयर बराबर ठीक है तो दो साल में राइट ऑफ किया रहेगा बराबर अब जो बचावा प्रीपेड इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रहेगा आपका वो कम हो जाएगा आपका जैसा मैंने दिखा रखा है देखो आपका जो प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है पहले था नाइनटी थ्री सिक्स सेवेंटी फोर अब आपने ये अमाउंट अलग से जस्ट किया उसके अंदर से तो अब आपका सिर्फ सिक्सटी सिक्स जीरो वन बचेगा अब ये रिमेनिंग तीन नहीं रिमेनिंग दो साल में राइट ऑफ रहेगा क्योंकि लोन फाइव ईयर में भी फोर ईयर्स का हो चुका है कैसे एक साल का प्रीपेमेंट हो चुका है ना इसीलिए तो लोन फाइव ईयर्स के बदले फोर ईयर का हो गया तो इस साल का प्रीपेमेंट हो गया तो एक साल से लोन कम होगा तो राइट ऑफ भी इसको एक साल से कम में करना अभी ऐसा

तो जितने से आपको एफ ए गिरना है वो एफ ए गिराओ और बैलेंसिंग फिगर प्रीपेड बेनिफिट एक्सपेंस में एडजस्ट करो बराबर प्रीपेड बेनिफिट एक्सपेंस में आप जो बैलेंस अमाउंट है वो आप एडजस्ट करोगे इसकी वजह से आपका जो प्रीपेड का बैलेंस है वो कम हो जाएगा और जो बचा हुआ बैलेंस है प्रीपेड का वो अब आप रिमेनिंग इयर्स में राइट ऑफ करोगे रिमेनिंग इयर्स में यू विल राइट ऑफ सिंपल आई दिस इज क्लियर टू एवरीवन ठीक है क्या तुमको समझ में आता है क्या ये वाला क्वेश्चन है ना तुमको करके देखना पड़ेगा एक बार स्पेशली उनको जिनके पास पुराना वाला सोल्यूशन है ठीक है वापस बता दू नेट इंपैक्ट सेम है जैसे पुराने वाले में आपके पास है ना इस तरीके से किया रहेगा आपने देखो पुराने वाले में आपको ओल्ड वाला ये वैल्यू आ रहेगा और नेट इंपैक्ट अल्टीमेटली देखो इतना ही आता है थर्टी थ्री जीरो सेवन थ्री जो आपके इंप्लॉयिफिट एडजस्ट होएगा बात तो एक ही है बट ठीक है सबको समझा मैंने क्या बोला सबको समझा मैंने क्या बोला यस ठीक है तो इसलिए देखो मुझे पता है मेरे ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो लेक्चर मेरे एक साल डेढ़ साल पहले लिए है तो मुझे फर्ज है ना बता देना तो मैं तो रिविजन में एड्रेस कर देता हूँ वो सारी चीज़ें चीज तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्लियर है वाला पार्ट क्या हीरो लोग तो मैं ये वाला बंद कर देता हूँ अभी अब मेरा नॉर्मल पे आ जाएगा इधर अब इसके अलावा मॉडिफिकेशन में एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है ये भी देख ले फटाफट से क्या करना है अपने को इसके अंदर जल्दी से आ जाओ क्या बोलता है सुनो एक कंपनी है लिमिटेड लोन दिया है लेंड मतलब दिया है लोन ठीक है कितने का लोन दिया टू सी का लोन दिया सप्लायर को इसमें कॉस्ट टी है अपनी टेन लैक्स की ठीक है अब अपने को लगता है कि अपने को होएगा 2.4 दो साल के बाद अगर आप देखोगे दो साल के बाद रीपेमेंट होएगा ई आपका 6.9 परसेंट दिया हुआ है अब क्या हुआ एक साल के बाद अपने को लगता है कि 2.4 पॉइंट फोर अब टू पॉइंट ही देगा वो तो सॉल्व कैसे करेंगे सर मैं बोर्ड नोट टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं डोंट वरी अबाउट इट तो ये भी नॉर्मल मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन है बट फाइनेंशियल एसेट का तो कैसे सॉल्व करोगे पहले नॉर्मल अकाउंटिंग आप करोगे ठीक है बिफोर मॉडिफिकेशन वाला अकाउंटिंग स्टेप नंबर वन कैशलोस स्टेप नंबर टू फेयर वैल्यू यहाँ आप अज्यूम कर सकते हो डायरेक्टली बिकॉज कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं है ई आई आर एल आल आई टी बनाओ एक साल का फिर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग सबसे पहले लेंडर वाले केस में क्या चाहिए कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड लोन तो आप वो कॉपी करोगे सेकंड क्या चाहिए आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज फ्यूचर कैशलोट न्यू एट ओल्ड ई आई आर तो रिवाइज कैश फ्लो आपका टू पॉइंट फोर के बदले टू पॉइंट टू हो चुका है तो निकाल लेना नया वाला कितना आता है वो रिवाइज कैश लो बराबर तो अब पुराना वैल्यू था 2.24 नया वैल्यू है टू पॉइंट जीरो फाइव वैल्यू गिरानी है गिराओ यहाँ आप कोई प्री पेमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो कोई दो लाख का प्रीपेमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ के एंट्री में जो भी एडजस्ट होगा सीधा पीनएल से एडजस्ट हो जाएगा स्टेप नंबर फोर रियलिटी खत्म करो बना के कहानी खत्म हो जाएगी इसकी अब एक आएगा कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इधर का जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा मुझे लगता है सही नहीं है बट जो भी है एस पर आइस करके आ जाना क्या बोला हुआ है सेम है इंप्लॉयर को इंप्लॉय को लोन दिया है ठीक है और फिर मॉडिफिकेशन हो गया है ठीक है सेम बस फर्क पता क्या इसके अंदर सुनना तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे सबसे पहले नॉर्मल अकाउंटिंग कैश कैशलॉस फेयर वैल्यू डिफरेंस डिफरेंस जाएगा प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ई आर एल ये पांच स्टेप करोगे तो मैंने पहले वो किया बिफोर मॉडिफिकेशन कैश लॉस फेयर वैल्यू डिफरेंस प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आया राइट ऑफ करेंगे तीन साल में ई आर कर दिया ये ठीक है थीके? अब एल मैंने पूरा नहीं बनाया दो साल तक के बनाया क्योंकि मॉडिफिकेशन होने वाला है ओके okay, सर कोई दिक्कत नहीं है अब मॉडिफिकेशन का तो क्या करूंगा याद करने का मॉडिफिकेशन में सबसे पहले चाहिए कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लिख दिया ये कॉपी हो जाएगा यहाँ से सेकंड क्या चाहिए मेरे को सेकंड चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइड कैचवर्ट ओल्ड आर ठीक है निकाला मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली मैंने रिवाइज की ओल्ड आर पे सब करके अच्छे से निकाला आंसर आया टू तो पहले मेरा पुराना वैल्यू था फोर अब हो गया टू गिर गया ना वैल्यू तो इस गिरावट को कहां से एडजस्ट करू नॉर्मली एडजस्ट फ्रॉम पी

दुख दर्द तो समझ सकते हैं अपन एक सब चलो फिर एल आपकी बन जाएगी सिंपल और कुछ है तो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट ध्यान रखो देखो क्या आप मुझे एक बार ना कॉन्फिडेंस देने के लिए मॉडिफिकेशन के स्टेप्स याद करवाओगे क्या एक बार जल्दी से मेरे को अगर मैं मॉडिफिकेशन के स्टेप्स की बात करूँ फटाफट से एक मुझे याद दिलाओ ना सबसे पहला आपका स्टेप नंबर वन क्या होता है कैश लॉस फिर आप सॉरी ए कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल असेट मैं मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट की बात कर रहा हूँ ठीक है मॉडिफिकेशन के स्टेप्स की बात करो सीधा मॉडिफिकेशन के स्टेप्स की ठीक है ओके स्टेप नंबर क्या रहेगा अपने को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैशलोस चाहिए एट ओल्ड बराबर फिर जो भी इंक्रीज डिक्रीज रहेगा सपोज ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है ना जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट से डिक्रीज इंक्रीज हुआ वो स्टेप नंबर थ्री में अपन उसकी एंट्री मारेंगे अब मुझे बताओ अगर सपोज रिलेशनशिप है तो मैं प्रीपेड से एडजस्ट करूंगा है ना प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से और अगर रिलेशनशिप नहीं है तो मैं कहां से एडजस्ट करूंगा इस डिग्री को पीएनएल से जो भी है पीएनएल डेबिट जो भी जो भी करना पड़ेगा एक्सपेक्टिव कर लेना हो तुम समझे ये वाला पार्ट और बस स्टेप फोर क्या करोगे आप एल बनाओगे नया वाले के हिसाब से क्योंकि आपकी अभी नए वाले वैल्यू लिखना इधर तो या आप कैसा लिखोगे ईयर ओपनिंग ओपनिंग में नया वाला वैल्यू लिखना इधर नया वाला बराबर इंटरेस्ट में आपका ईयर चेंज नहीं हुआ है फिर आपका रीपेमेंट रहेगा और क्लोजिंग रहेगा जो भी है सिंपल तुम समझे ना तो ये मॉडिफिकेशन है और इस मॉडिफिकेशन वाले फिनेंशियस वाले केस में लेंडर वाले केस में जो पहला क्वेश्चन था उस पर ध्यान रखना बस तुमको कुछ भी दिक्कत लगे तो तुम एक एक दो बार और उतना पार्ट देख लेना तुमको समझ जाएगा क्लियर वाला पार्ट क्या ये चलो ठीक है ओके जब मैं बोर्ड डालूंगा तो नया वाला सोल्यूशन के साथ डाल दूंगा ठीक है ताकि दिक्कत ना हो आपको ये आपका मॉडिफिकेशन खत्म हो गया मॉडिफिकेशन में इसके अलावा कुछ नहीं है बस एक क्वेश्चन था मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा चार्ट पे आओ, एक दे देना बस। आओ चार्ट पे अब खत्म हो जाएगा मतलब समझ लो अगले आधे घंटे में खत्म है तुम्हारा चैप्टर ये वाला ठीक है क्या बोलता है देखो अपन ये खत्म कर चुके

फ्लाइंग किसी मजा आ जाएगा एकदम ही समझ गएगा तुम एक के है भाई आओ चलो अब अगला केस करेंगे अपन यस लेट्स प्रोसीड विद द फर्दर पॉइंट्स नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर वे परचेज और सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट ठीक है आ जाओ तो आ जाते हैं रेगुलर वे परचेज सेल ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर वे परचेज देखो सिंपल सी बात बोलता हूँ सपोज आपने कोई शेयर्स का ऑर्डर प्लेस किया आज

कंसिस्टेंसी फॉलो करने का मतलब अगर आप ये चूज करते हो तो हर परचेज को आप इसी दिन पर बुक करोगे अगर आप ये चूज करते हो तो हर एफ के परचेज को आप इसी दिन पर बुक करोगे ठीक है अब इसको बेटर स्पेंड करने के लिए क्वेश्चन था अपने पास ठीक है कि हमने फर्स्ट जन को ट्रेड डाली दस लाख रुपए की हमारी डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ है फोर्थ जन को सेटलमेंट डेट उस दिन पे फेयर वैल्यू टेन पॉइंट फाइव होगी अच्छा अब अगर फेयर वैल्यू बढ़ भी गई मेरी बात ध्यान से सुनना अगर मैं आपसे पूछूंगा मेरा पैसा कितना कटेगा मेरा कॉस्ट क्या है इसको खरीदने का मेरा कॉस्ट टेन है या टेन है तो जिस दिन आपने ट्रेड प्लेस किया ना उस दिन जो अमाउंट है वो आपका कॉस्ट होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज अमेजोन से कुछ खरीदा डिलीवरी चार दिन के बाद होगा तो एमेजॉन मुझे तो ना प्राइस बढ़ने पे वापस बड़ा हुआ प्राइस चार्ज करेगा मैं क्या बोलूंगा भाई जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया उस दिन प्राइस दस लाख थी दस लाख ही दूंगा तो पेमेंट कितना कटेगा दस लाख ही कटेगा ध्यान रखना बराबर तो इसमें एक चीज ये सेकेंड इसमें क्वेश्चन में सोल्व करते समय हम बाई डिफर्ल्ट अजम्पन है कि जब पेमेंट कटा है वो फर्स्ट डे पे नहीं कटा है वो फोर्थ जैन को कटा है ठीक है ध्यान रखना तो मनी डिडक्ट कब हुआ है फोर्थ जैन को कट हुआ एज्यूम क्या हुआ है अब इसमें अकाउंटिंग पूछी है फाइनेंशियल एसेट की अंडर वेरियस मेथड अज्यूमिंग की ट्रेडेड फॉलो कर रहे हो सेटलमीडेट फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहले एक एक करके आते हैं अज्यूमिंग दैट वी आर फॉलोइंग ट्रेड डेट अकाउंटिंग वट इज द मीनिंग ऑफ दिस इसका मतलब आप फाइनेंशियल एसेट को जिस दिन ट्रेड डाली उसी दिन बुक कर लेना तो मैं फिनेंशियल को बुक कर लूंगा मैं मान रहा हूँ कि पैसा आज नहीं कटा तो पेबल बुक करूंगा और चार तारीख को मैं पेबल रिवर्स करके कैश बैंक पे ऑफ कर दूंगा ठीक है उसके बाद अब फिनेंशियल असेट में भी बहुत सारे मेथड है ना एसीएम सी आर ओसीआई एन आर एफ वी तो अगर ये एसीएम है तो फेयर वैल्यू जो टेन पॉइंट फाइव है इस सबको फर्क ही नहीं पड़ेगा लेकिन अगर ये एफ वी टी आर एन आर है तो फेयर वैल्यू जो टेन की टेन पॉइंट फाइव होगी उस समक फर्क पड़ेगा ना तो ये गेन कहां बुक करूंगा क्योंकि एफ ओसीआई है तो ओसीआई में जाएगा गेन अगर एफ पीएल लेगा तो गेन कहां जाएगा पी में जाएगा सिंपल उसके बाद अगर सेटलमेंट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो फर्स्ट डे पे ना ही पैसा काटना है ना ही अटेट रिकॉर्ड करना तो फर्स्ट डे पे कोई एंट्री नहीं आती है

सबसे पहले बात है इंपेयरमेंट शब्द किधर सुना हुआ दिखा हुआ लग रहा है अरे इंपेयरमेंट की बात कहा थर्टी सिक्स में आता थर्टी सिक्स वाला इंपेयरमेंट ना उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है भाई जैसे आकाश कंदो आकाश अंबानी नाम आकाश है कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा अमीर उनसे सर है झूठ आओ इधर आओ तो इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ठीक है तो सबसे पहली बात इंपेयरमेंट की बातें सिर्फ फाइनेंशियल असट के लिए होगी एफएल के लिए नहीं होगी

अब इंपेयरमेंट लॉस निकाले कैसे सिंपल है दो मेथड दिया हुआ है आपको एक है ट्वेल्व मंथ ईसीएल और एक है लाइफ टाइम ईसीएल ईसीएल मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अब कौन सा मेथड यूज करने का देखो जिस फाइनेंशियल असेट पे रिस्क कम है मतलब उस फाइनेंशियल पे पेमेंट टाइमली आ रहा है जैसे आपने किसी को लोन दिया है तो फाइनेंशियल असेट है किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया फाइनेंशियल असेट है अगर वहां से रीपेमेंट टाइमली आ रहा है सब कुछ टाइम से पैसा आ रहा है आपको उस इन्वेस्टमेंट से तो उसमें आप सिर्फ ट्वेल्व मंथ का एक्सपायर कैड लॉस चेक करोगे मतलब आने वाले बारह महीने में क्या डिफॉल्ट लगता है कितना मारेगा ट्वेल्व मंथ ईसीएल मतलब जहां रिस्क कम है ये वाला मेथड यूज करना सेकंड लाइफ टाइम ईसीएल जहां रिस्क ज्यादा है जैसे किसी को पैसा दिया टाइम से पैसा दे रहा नहीं है है ना टाइमली रिपेमेंट नहीं आ रहा है तो रिस्क ज्यादा है तो e उस केस में अपन लाइफ टाइम ईसीएल मेथड यूज करेंगे मतलब यहां अपन लॉसेज एस्टिमेट करेंगे ओवर द फुल लाइफ ऑफ द फाइनेंशियल ट्वेल्व मंथ ईसीएल में हम लॉसेज एस्टिमेट करते हैं इन द नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ ऐसा ठीक है पहली चीज

बात आपको ध्यान रखनी है Is this everyone? Yes, चलो अब impairment पे किस टाइप के तो क्वेश्चन वाले क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं भाई देखो सबसे सब जैसे उसमें आपको ना, आपके फाइनेंशियल असर्ट का अमाउंट दिया हुआ रहेगा प्रोबेबिलिटी देगा कि अगले बारह महीने में क्या प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट का और आपको बोलेगा कि लॉस गिव एंड डिफॉल्ट जितना भी बैलेंस है उस पर से ट्वेंटी फाइव परसेंट पे हो सकता है मतलब सपोज आपकी वन मिलियन की अमाउंट है तो दस वन मिलियन के अमाउंट पे मतलब दस लाख की अमाउंट पे सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट अमाउंट पे डिफॉल्ट होएगा और होएगा तो भी पॉइंट फाइव परसेंट का डिफॉल्ट होएगा तो अमाउंट क्या रहेगा वन टू फाइव जीरो ऐसा ये चिंदी वाला अमाउंट आपको निकालने बोलता तुम समझेगा मेरी बात ऐसा तो ये आपको इस तरीके से इंपेयरमेंट लॉस निकालना होता है फिर एक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन भी अपने पास ये अलग टाइम पास उसमें बोलता है मेरे पास है ना दो तरह के कैटेगरीज ऑफ लोन थे उसमें भी देगा कि मेरा है ना जो भी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लोन है उस उसपे इतना लॉस एक्सपेक्टेड है सेकेंड कैटेगरी लोन पे इतना लॉस एक्सपेक्टेड है।, है इसमें एक रेट निकालने बोली लॉस रेट वॉट इज द मीनिंग ऑफ लॉस रेट कुछ नहीं जितना भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस है डिवाइड द टोटल लोन अमाउंट जैसे ग्रुप एक्स का लोन अमाउंट वॉस टू लैक्स और ग्रुप वाई का लॉस अमाउंट वॉस थ्री लैक्स 600 2 lakhs, आपको मिलेगा लॉस परसेंटेज ऑफ एक्स ग्रुप बराबर तो जितना तो टोटल है, का रेट मिल जाएगा, ऐसा। उसके बाद एक और चीज इंपेयरमेंट का अमाउंट निकालने वाला फिफ्टी टू वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो आपको अलग अलग कैटेगरी रखे तो हर कैटेगरी पे लॉस है वो भी खुद ही दे रखा है तो बस अमाउंट इंटू रेट करोगे तो इंपेयरमेंट लॉस आपको मिल जाएगा ये मल्टीप्लाई करने का आपको मार्क्स दे रहे हैं यही पूछो सौ का, का करो। में है भाई ये। उसके अलावा इंपेयरमेंट में देखो मैंने क्या बताया दो कंसेप्ट इंपेयरमेंट में एक लॉस के मेथड डिस्कस किए वो तो निकालना बड़ा इजी है उसको अमाउंट ही खुद देना पड़ेगा लॉस का रेट भी खुद देना पड़ेगा सेकंड मेथड क्या बाइफरकेशन का ये वाला कि लॉस हुआ तो तीन इंपेयरमेंट लॉस इतना जाएगा पीएर में थोड़ा फेवरेट लॉस ही जाएगा उसी आई के अंदर ऐसा तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है क्या बोलता है सुनो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट था सौ रुपये का ठीक है इसकी वैल्यू ईयर एंड पे नाइन फिफ्टी हो गई ठीक है अब वो बोलता है इस नाइन फिफ्टी में थर्टी का इंपेयरमेंट लॉस है तो ट्वेंटी का फेवरेट लॉस होगा तो अब इसकी अकाउंटिंग करनी है सबसे पहले आपने हजार रुपये में खरीदा तो खरीदने की एंट्री मारी फिर इसकी वैल्यू फिफ्टी रुपी से गिर गई तो गिरावट में से थर्टी वॉज इंपेयरमेंट लॉस तो थर्टी गया पी में ट्वेंटी गया ओ सी आर में बराबर फिर बोलते हैं अगले साल आपने इसको नाइन फिफ्टी में बेच दिया मतलब जो वैल्यू थी उसी में बेच दिया तो कॉस्ट कैरिंग आउट पे बेच दिया तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा नो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल क्योंकि जो वैल्यू थी उसी में बेच दिया आपने ठीक है हो गया और कुछ नहीं करना बस एक काम और करना क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट आपके बुक से बाहर हो गया बेच दिया ना आपने सेल कर दिया इंस्ट्रूमेंट आपके बुक से चला गया ना तो इसका जो भी ओ आर वाला लॉस पड़ा था ना वो करना पड़ेगा रिक्लासिफाइड टू पी

दिल धड़कना नहीं चाहिए जोर से आया कि एफ एम आ गया भाई डेरेवे अरे वो बहुत वो तो इतना पहाड़ जैसा तो है तो छोटा सा पॉइंट है सुनो क्या बोलता है सबसे पहले डेरेवेटिव का डेफिनेशन दिया हुआ है कोई भी इंस्ट्रूमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डेरीवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कब होगा वैन इट्स वैल्यू चेंजेस डू टन अंडरलाइन देर इज नो ऑल लिटल इन्वेस्टमेंट इनिशियली और सेटलमेंट होगा फ्यूचर में तीनों मीट करेगा तो वो डेरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है अब डेरीवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो अकाउंटिंग कैसे करना है एफ वी टी पी पर अकाउंटिंग करनी है इसकी अब सर ये एफ वी टी पी पर अकाउंटिंग कैसे करेंगे आओ सिखाता हूँ इधर आओ क्वेश्चन में करवाता हूँ सीधा सपोज आपने एक

फर्स्ट क्वार्टर में सेटलमेंट नहीं करना है बट एज ऑन फर्स्ट क्वार्टर आपकी पोजिशन ट्वेंटी फाइव मतलब अनफेवरेबल है तो डेरेवेटिव वाले केस में जब अनफेवरेबल होती है तो इट इज डेरेवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या बोलते हैं डेरेवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा भले ही अनरियलाइज लॉस है लेकिन बुक करके रख लो तो बस सिंपल से आप एंट्री मारोगे कैसे एंट्री मारोगे देखो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट है उस दिन कोई एंट्री नहीं आती है तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे आप क्या करोगे पीएनएल टू डेरेवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी लाइबिलिटी तो क्रेडिट करना और लॉस है तो पीएनएल इसलिए

लास्ट में जाके आपकी रेट हुई सिक्सटी सिक्स अब देखो वैसे आपको ये रेट से फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आप ऐसा मानो, आपने जो रेट पे किया उस रेट पे आप परचेस करोगे तो परचेस करते समय आप बोलोगे टू कैश बैक यू परचेस एड ट्वेंटी थाउजेंड इंटू ऐसा मान लो का की जरूरत ही नहीं आपने सिर्फ ये डेरिवेटिव के लिए किया है बराबर तो

फिर इसी आइटम को मार्केट में बेच देना है ना उसके अलावा जो भी डी वगैरह दिख रहा है जो भी डी वगैरह था डीएफएल था वो सब रिवर्स हो जाएगा तो डी था तो मैंने डी रिवर्स कर दिया डिफरेंस जाएगा पी में वो आएगा फिफ्टी अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर मेरा लॉस तो दो रुपये का था टू इंटू ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर तो लॉस होना चाहिए फोर्टी का मेरा लॉस फिफ्टी टू का कैसे आ गया आपका लॉस फोर्टी का ही आया है फ़र्क इतना है आपने जो पहले का डीएफए जो पहले का प्रॉफिट बुक किया था वो भी तो आपने रिवर्स किया है

जरूरत नहीं है तो उसी दिन बेच देना और जो भी डीएफए डीएफएल है वो सब रिवर्स कर देना उसी एंट्री में डिफरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ठीक है डेरिवेटिव के ऊपर दो क्वेश्चन है एक ये क्वेश्चन था वन वन एट एक और क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है है जैसा एक फर्क में क्या बोला था दैट वी विल परचेज यूएसडी एसडी मानते हो यहाँ क्या बोला है रिटर्न पुट ऑप्शन फॉर यूएसडी एस टी ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर अब ये ऑप्शन क्या होता है ये मैंने यहां समझाया हुआ है अगर ए एफ एम आता है तो बहुत बढ़िया नहीं आता तो देख लो हर ऑप्शन में दो तरह के ऑप्शन होते हैं कॉल और पुट हर ऑप्शन में दो पार्टीज होती है होल्डर और राइटर कॉल का मतलब क्या होता है कॉल का मतलब होता है राइट टू बाय ये जो भी इसका मतलब है ये होल्डर के पास ऑप्शन होता है फॉर एग्जाम्पल कॉल का मतलब राइट टू बाय तो होल्डर के पास है राइट टू बाय तो इसी कॉल में राइटर के पास क्या होगा ऑब्लिगेशन टू सेल उल्टा राइट टू बाय राइट टू सेल मत बोलना ये बोला की तरह

समझे तो एग्जाम में आएगा तो ये आएगा मजा आ जाएगा तुमको ठीक है ध्यान रखना अगर नहीं आता तो ये वाला पार्ट हमेशा रेफर कर लिया करना तो इस तरीके से आपका डेरेवेटिव पार्ट खत्म हो जाता है ठीक है अब अपन अपने जम मार के पुदक के पुदक आते कौन से पार्ट के ऊपर एम्बेडेड डेरेवेटिव ठीक है चलो फटाफट से इसको भी डिस्कस करते हैं क्या है एम्बेडेड डेरेटिव के अंदर अब इसमें क्या होता है समराइज में समझाने का ट्राई करता हूँ काफी लोग है ना डेरेवेटिव एम्बेडेड हैज इसी के अंदर तकलीफ पाते हैं कुछ तकलीफ पाने का जरूरत नहीं बड़ा सिंपल सिंपल पार्ट है ठीक है ध्यान से सुनना एम्बेडेड में क्या होता है एम्बेडेड में एक होता है होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सर ये ऐसा कैसा होता है ऐसा मान लो जैसे ये गौरव है ठीक है गौरव को बंदूक खरीदनी है यूएस के कंपनी से जिसका नाम है कचरा सेठ कहते हैं हेरा फेरी में डेढ़ सौ रुपया देगा है ना तो वो गौरव को बंदूक खरीदने यूएस की कंपनी से गौरव इंडियन कंपनी है इसका करेंसी रुपीज है ये जो कचरा सेट है यूएस वाला इसका करेंसी डॉलर्स है लेकिन पेमेंट कर रहे हैं तीसरे करेंसी में येन में यहां मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट है तो गन्स बाय कर रहे हैं इसको बोलते हैं होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक जो पेमेंट आप थर्ड करेंसी में करो थर्ड करेंसी क्यों ना ये इसकी करेंसी ना ये इसकी करेंसी थर्ड करेंसी में जब पेमेंट हो रहा है इसको बोलते हैं पार्ट तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट में होस्ट भी है और डेरेवेटिव तो भी इन्वॉल्व है इसको बोलते हैं एम्बेडेड डेरेवेटिव जिसका आपको अलग अलग अकाउंटिंग करना पड़ेगा होस्ट का अकाउंटिंग आप अलग करोगे मतलब गन्स बाय करने का अकाउंटिंग अलग करोगे और ये जो डेरेवेटिव पार्ट है इसका आप अकाउंटिंग अलग करोगे तुमको समझा मैंने क्या बोला यस yes. अच्छा कर द वे सपोज पेमेंट या तो रुपीज में हो रहा होता या फिर डॉलर्स में हो रहा होता मतलब इन दोनों में से अगर किसी की एक करेंसी में पेमेंट हो रहा होता तो तो आपको अलग अलग करने का जरूरत नहीं होता है ना तो आपको अलग अलग करने का जरूरत नहीं होता ये चीज मैंने यहां समझाई है 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 देखो में एक एक होता होता होस्ट वो पूछेगा वेदर दे आर क्लोजली रिलेटेड इसका मतलब क्या है आप जब यस yes कहते हो ना यस yes का मतलब होता है कि पेमेंट दोनों में से किसी एक करेंसी में हो रहा है या तो रुपीज में या डॉलर में जब आप ये कहते हो ना दैट दैटली रिलेटेड तो आपको अलग अकाउंटिंग करने का जरूरत नहीं है होस्ट सेपरेट करने का जरूरत नहीं है लेकिन जब पेमेंट किसी थर्ड करेंसी में हो रहा है तब हम ऐसा कहते हैं दैट टू आर नॉट क्लोजली रिलेटेड और ऐसे केस में हम दोनों की करते हैं सेपरेट अकाउंटिंग और ये तब होता है जब परचेस कर रहे हो और पेमेंट किसी थर्ड करेंसी में कर रहे हो एम्बेर डेरिवेटिव में सारे क्वेश्चन इसी पार्ट के ऊपर है पेमेंट थर्ड करेंसी में हो रहा है तो हमको अलग अकाउंटिंग करनी पड़ेगी और हम ऐसा बोलते हैं है, बढ़िया बढ़िया ठीक है एक चंदपन चन, कंसेप्ट ध्यान रखना बढ़िया ईजी हो जाएगा आपके लिए सबसे पहले इलेन नंबर हंड्रेड है क्या बोलता है फर्स्ट जैन को बोलता है एबीजी प्राइवेट लिमिटेड है वो कहां की कंपनी है कंपनी इन कॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंटर्स इंटू अक्टू बाई सोलर पैनल फ्रॉम ए एसोसिएट्स ठीक है तो एक तो सोलर पैनल बाय कर रहा है तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनका ये हो गया इनका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कहां से खरीदेगा फ्रॉम अ फॉर्म इन यू तो मेरा मेरा करेंसी रुपीज है ये ए वाले करेंसी क्या है दिरम्स. ठीक है अब डिलीवरी इज ड्यू आफ्टर सिक्स मंथ्स डिलीवरी छह महीने के बाद ड्यू है ओके परचेज प्राइस देखो डॉलर्स में दिया हुआ है

तो को बुक करेंगे? छे महीने के बाद बुक करेंगे परचेज को कर तो कोई एंट्री नहीं आएगी जो भी छह महीने के बाद अलग अलग रेट दिया हुआ है स्पॉट रेट दिया फर्स्ट का, का फॉरवर्ड दिया हुआ है और छह महीने बाद का स्पॉट रेट दिया हुआ है तो ध्यान रखना इनकेसर डेरेवेटिव होस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हमेशा डे वन पे जो डिलीवरी डे की फॉरवर्ड रेट है उस पर बुक करोगे डे वन पे जो डिलीवरी डे की फॉरवर्ड रेट है उस पर बुक बुक करोगे करोगे दैट इज ठीक है तो मैं सिक्सटी कर दूंगा रिकॉर्ड रेट वन रेट डे डे डिलीवरी का फॉरवर्ड ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है चलो ये हो गया होस्ट होस्ट खत्म हो गया ये पार्ट हो गया अब आएगा डेरेवेटिव पार्ट पे है।, है ना अब मेरी बात ध्यान से सुनना आपको एक चीज पता है ना छह महीने बाद पेमेंट करना है तो आप चाहते तो ये पेमेंट का जो कन्वर्जन रेट है वो डे वन पे लॉक कर सकते थे ना उसको हेजिंग बोलते हैं आप देखो आपको पता है छह महीने बाद यूएस डॉलर्स फिफ्टी मिलियन पे करना है आप रूप आप इंडियन कंपनी हो डॉलर्स नहीं है आपके पास तो आप डे वन पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके हेज कर सकते थे ना ये चीज को आपने हेज किया नहीं किया आपने हेज किया नहीं किया अच्छा अब एक बात बताओ डेरेवेटिव पता है क्या करेंगे सबसे पहले ये देखो डॉलर्स बाय करना है कि सेल करना है मैं सोलर पैनल बाय कर रहा हूं इसके लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर्स मेरे पास है नहीं

बाई द वे अगर आपको फिक्स करना होता तो आप कौन से रेट पे फिक्स करते अगर आपको फिक्स करने का इच्छा था तो आप सिक्सटी फाइव के रेट पे प्राइस को लॉक कर सकते थे सर ऐसा क्यों कभी भी आपको फ्यूचर का बाइंग लॉक करना है तो आप फ्यूचर की रेट पे लॉक करोगे बराबर तो दैट इज डे वन पे जो फॉरवर्ड है उस फॉरवर्डेट लॉक करोगे तो अगर आप चाहते वी कुड हैव द बाय प्राइस ऑन सिक्स हमने बाय लॉक किया वैसे नहीं किया ठीक है ओके अब डेरे में भी डे वन में कोई एंट्री नहीं आएगी यहां कोई बीच का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है मार्च वगैरह का तो मैं सीधा जून पे आता हूँ अब जून में रेट सिक्सटी सिक्स हो गई अब है है ना मैं मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना तभी आपको आएगा ठीक चाहता तो अपने बाय को 65 में लॉक कर, तो कर सकता था मैंने लॉक नहीं किया अब मुझे 66 में बाय करना पड़ रहा है मुझे बताओ नोशनली मुझे लॉस हुआ है तब नहीं खरीदा अब प्राइस हो गया टेन थाउजेंड रुपीज नुकसान हो गया ना या सेम सिक्स में ऑफर था नहीं ब्लॉक किया अब बाय करो सिक्सटी सिक्स में नुकसान हो गया भाई एक रुपए का बस वो एक रुपए का नुकसान बुक करना पी एन एल टू डी एफ एल फाइनेंशियल फाइनेंशियल अब नॉर्मली पे ऑफ करते हो इन्होंने डायरेक्टली पे ऑफ नहीं किया है इन्होंने जो पैनल बाय किया उसको भी पेबल में ट्रांसफर किया ये डेरावेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी को भी पेबल में ट्रांसफर किया फिर जाके दोनों पेबल को आप पेमेंट कर देना ऐसा डायरेक्ट मारोगे तो भी चलेगा ऐसे रूट करके मारा बेसिकली बेसिकलींट्री वो भी चलेगा और इन्होंने ये पेमेंट की एंट्री पास भी नहीं किया बाय द वे इन्होंने बस तक मार के छोड़ दिया है दैट इज फाइन एंट्री वगैरह समझ जाओगे बट एम्बेडेड में लॉजिक समझना बड़ा जरूरी है तो मैं समराइज करूँ इसको क्या करना है सुनो होस्ट को सबसे पहले डे वन पे कोई एंट्री नहीं आती है जब डिलीवर होएगा तब एंट्री आएगा और कौन से रेट पे जो डे वन पे फॉरवर्ड रेट थी उस पर एंट्री मारना में पहले यह देखो बाय करना है कि सेल करना है अगर होस्ट में बाय तो बायेटिव में बाय ठीक है अब एम्बेड मेंज नहीं करते अपन कोई प्राइस लॉक नहीं करते बट देखो लॉक कर सकते थे तो कितने पे करते हमेशा फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड पे लॉक होता तो मैं लॉक करता तो मैं 65 पे लॉक करता लेकिन मैंने किया नहीं वो अलग बात है ठीक है फिर कंपेयर करो अब लॉक नहीं किया तो फायदा है कि नुकसान हो गया ऐसा अब इसी चीज को प्रूफ करने के लिए एक और क्वेश्चन है नंबर वन वन तीन क्वेश्चन है दो मैं कराऊंगा एक आपको मैं करने को दूंगा ठीक है <coughs> क्या बोलता है सुनो एन टी टी एनआर वाली आ, कंपनी है यूएसडी टेन लैक का सेल किया यहां सेल है ऊपर परचेस था यहां है विद एन टी टी बी एन टी टी बी बी आई एनआर तू भी इंडियन में तो कॉन्ट्रैक्ट किस करेंसी में होना चाहिए रुपीज में कर किस में रहे डॉलर में तो थर्ड करेंसी आ गई ना अब बोला सेकेंड करेंसी, करेंसी आई अब ये दोनों की करेंसी नहीं है ना किसी और की तो थर्ड करेंसी ऐसा बोलता हूं ठीक है तो होस्ट में आप इक्विपमेंट बेच रहे हो और पैसा रिसीव करोगे डॉलर्स के अंदर ठीक है अब आपको अलग अलग रेट दे रखी है यहाँ मजा क्या है यहाँ डायरेक्टली डे वन का रेट और छह महीने बाद का रेट नहीं है यहाँ बीच में ईयर एंड भी आ रहा है मार्च का तो मजा आएगा उसमें ठीक है एनी बोलता है अब अकाउंटिंग करो

डे वन पे डिलीवरी डे की फॉरवर्ड रेट छह महीने बाद की फॉरवर्ड है फिफ्टी फाइव तो होस्ट को आप फिफ्टी फाइव में बुक कर लेना ये ले होस्ट को मैंने बुक कर लिया समझा ठीक है अब आएगा डेरेवेटिव होस्ट में मैं सेल कर रहा हूं तो डेरेवेटिव में भी डॉलर्स में क्या करूंगा सेल ऐसे कैसे देखो इक्विपमेंट बेच के पैसा मिलेगा डॉलर्स में डॉलर्स मेरे को चाहिए ही नहीं मैं तो इंडियन हूं मेरे को रुपीज चाहिए तो डॉलर्स में सेल कर दूंगा ठीक है तो मैं डॉलर्स भी सेल करूंगा तो इसलिए मैंने शॉर्टकट दिया होस्ट में सेल तो डॉलर्स भी सेल

अब आपको इवेल्यूट करना फायदा के नुकसान अब मार्च में जब दो रेट दे रखी है एक तो मार्च की स्पॉट रेट है और एक मार्च में तीन महीने की फॉरवर्ड रेट है एक बात ध्यान रखना आपके लिए मार्च की की स्पॉट रेट किसी काम की नहीं है क्यों आप कंपेयर करने वाले फिफ्टी फाइव को फिफ्टी फाइव है फॉरवर्ड रेट फॉरवर्ड को हमेशा फॉरवर्ड से कंपेयर करना यह बात ध्यान रखना ऐसा समझ लो फिफ्टी फाइव इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ थर्टी जून तो थर्टीए जून के एक्सपेक्टेड रेट को थर्टी या जून की एक्सपेक्टेड रेट से कंपेयर करना जैसे ये भी आप तीन में, आगे जाओगे, तो पे पहुंचोगे। जैन में आप कंपेयर तो तो कर सकते हो स्पॉट से मत कंपेयर करना अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैं चाहता तो सेल को फिफ्टी फाइव पे लॉक कर सकता था नहीं किया अब फोर्टी फाइव बेचना पड़ेगा फायदा की नुकसान जल्दी बताओ वापस से मैं चाहता तो सेल को फिफ्टी फाइव पे लॉक कर सकता था नहीं किया सेल को फिफ्टी लॉक अब मुझे बुक कर लिया ठीक है उसके बाद जून को जब आप आए तो रियल में रेट सिक्सटी हो गई अब मजा देखो क्या था आप चाहते तो सेल को 55 में लॉक कर सकते थे नहीं किया अब 60 में आप चाहते तो सेल को फिफ्टी फाइव में लॉक कर सकते थे नहीं किया अब अब में में बेचोगे तो तो फायदा नुकसान सर मजा आ गया ज्यादा बेचेंगे अब तो। तो पांच रुपए का फायदा हो गया तो आप डीएफए बुक करोगे तो डायरेक्ट डीएफए मत बुक करना पहले जो भी डीएफएल था वो रिवर्स करोगे जो सौ रुपए का डीएफएल था वो रिवर्स होएगा पचास का डीएफए बुक होएगा और सबका सब जाएगा पेनएल के अंदर मतलब आपका डीएफएल लाइट ऑफ हो गया आप सिर्फ डीएफए बचा पचास रुपए का पांच रुपया पर डॉलर सबको समझा मैंने क्या बोला यस yes. अब चाहो तो डायरेक्टली इससे पैसा रियलाइज कर लेना चाहिए बट इन लोग इसको रिसीवेबल में ट्रांसफर करते हैं तो पहले जो सेल किया उसको भी ट्रांसफर कर रिसीवेबल के अंदर ये डीएफए को भी ट्रांसफर कर रिसीवेबल के अंदर फिर दोनों से आपने पैसा रियलाइज कर लिया कहानी खत्म बराबर तो ये आपके दो क्वेश्चन थे 100 और 119 अभी से सिमिलर ग्राउंड्स पे 102 भी है वो आप खुद एक बार रेफर कर सकते हो सेम सेम टू सेम मतलब वही रेट वगैरह दे रखा है कंपन के खुद आंसर निकाल सकते हो मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है ताकि जब करके हो जाएगा तो चेक कर सकते हो आप वन जीरो टू तो ये तीन क्वेश्चन है एम्बेरेड डेरिवेटिव को लेकर क्या सबको ये बात समझ में आती है हैगा मेरे हीरो लोग यस आती है सर मजा आ गया अब मेरी बात ध्यान से सुनना अब आपके मन में, में सवाल आएगा सर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कौन सा क्वेश्चन डेरेवेटिव का है और कौन सा क्वेश्चन एम्बेरेड डेरेवेटिव का है? ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा तो सुनो मेरी बात डेरेवेटिव के जो क्वेश्चन थे जो

Uh, किताब में तीन चार हेज दे रखे फेयर वैल्यू हेज कैश्लो है वगैरह वगैरह अपने को क्वेश्चन एक के ऊपर ही है कैश कैशलो हेज के ऊपर तो मैं उसी की बात करूंगा ठीक है तो हेज का मतलब क्या होता है रिस्क को मिटिगेट कर देना कम कर देना ठीक है अब कैश कैशलो हैज में क्या होता है कैश लो हैज में सपोज मुझे फ्यूचर में पैसा आने वाला है किसी और करेंसी में जब मैं फ्यूचर में आने वाले पैसे का रेट फिक्स कर लेता हूँ कन्वर्जन रेट आज फिक्स कर लेता हूँ उसको बोलते हैं कैश लो हैच मतलब मैं फ्यूचर के इनकमिंग कैश लोज का रेट आज फिक्स कर रहा हूँ कैश फ्लो हैज इनकमिंग कैश फ्लो को आपने हेज कर लिया ठीक है अब जब हैज करते हो तो आप रेट फिक्स कर लेते हो ना बट फिर भी हम इवेलुएट करते हमारा हैज फायदेमंद रहा या नुकसानदायक रहा तो जो भी आप इवेल्युएट करोगे इसको जब आप रीमेजर करोगे चेक करने के लिए फायदे वाला है कि नुकसान वाला है तो इसका जो भी गेन लॉस है वो पी एन एल में नहीं वो ओ सी आई आर में जाएगा कहाँ जाएगा वो ओ सी आई आर में जाएगा हेज में एक फर्क होता है हेज में हम प्राइस को लॉक कर देते हैं ठीक है थीके? ध्यान रखना

यस yes? यस yes. चलो ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं अपन अब आगे क्या बोलता है वो अब वो बोलता है कि थर्टीए को रियल में रेट क्या निकली थर्टी को रियल में स्पॉट रेट थी सेवेंटी टू की सेल ऑफ कॉपर करस्पॉन्डिंग हेज इंस्ट्रूमेंट टेकन बाय द कंपनी पास एंट्रीज ऑन द इनिशियल डेट फर्स्ट क्वार्टर डेट ऑफ सेल ऑफ कॉपर एंड डेट ऑफ सेटलमेंट अब यह एक लफड़ा है लफड़ा मैं आपको सिखाता हूं सुनो आपको और तीन डेट दे रखी है नीचे फर्स्ट अप्रैल को फ्यूचर प्राइस सितंबर मतलब फर्स्ट अप्रैल को सितंबर की फॉरवर्ड रेट 76 सेवेंटी जून को सितंबर की फॉरवर्ड रेट 74 और थर्टीएथ सितंबर को सितंबर की रेट 71 तो मतलब क्वेश्चन में दो अलग अलग स्पॉटेड अवेलेबल है एक 72 और एक 71 जिसकी वजह से में मिसमैच आएगा थोड़ा सा बट कांट हेल्प तो हम क्या करेंगे जब हम होस्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे

ज में दो कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक होस्ट होस्ट में क्या है जो आप कॉपर डिलीवर करने वाले हो है ना और एक होता है पहले होस्ट की बात कर लेता हूं डिलीवरी छह महीने के बाद है तो डे वन पे कोई एंट्री नहीं आएगी छह महीने के बाद एंट्री मारोगे फर्क इतना है यहाँ हेजिंग वाले केस में आप एंट्री जब मारते हो तो डिलीवरी डे की स्पॉट एड पे एंट्री मारना ये एम्बेडेड नहीं है जो आप फॉरवर्ड एड पे एंट्री मारोगे यहाँ जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिलीवरी डे के स्पॉट एड पे है इन्वेंट्री के लिए आपने स्पॉटेड सेवन मानी है। तो सेवेंटी टू पे इस सेल को रिकॉर्ड कर लेना इन्वेंट्री के सेल को ये फर्क है एम्ब्रॉडर इसके अंदर पहला दूसरा हेज कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं अब हेज में यहां फर्क क्या ने प्राइस लॉक कर दी है सेवेंटी सिक्स पे अपन ने सेल को लॉक कर दिया है होस्ट में अपन बेच रहे हैं तो यहां भी बेचेंगे ही में सेल को अपने लॉक कर दिया है ठीक है अब देखो ये तो आपने लॉक कर दिया थर्टी जून को क्या पोजिशन है आपकी सेवेंटी फोर की रेट हो गई है देखो आपने सेवनटी सिक्स पे सेल को लॉक कर दिया है

क्योंकि ये जो गेन है आपको तीन महीने पहले अपन ने रिकॉर्ड कर रहे थर्टियत जून पे अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं जबकि सेटलमेंट थर्टी सितंबर का है तो ये गेन को अपन महीने की प्रेजेंट वाले पर बुक करते हैं आइडियली जब ड्यूरेशन एक एक साल से कम का होता है तो रेट नहीं लेनी चाहिए बट इन्होंने दे रखा है इन्होंने कर रखा है तो अपन भी करेंगे वो चीज तो सिक्स परसेंट पर आना में मतलब तीन महीने का रेट रहेगा वन पॉइंट फाइव परसेंट तो उस हिसाब से आप डिस्काउंट करोगे तो आप गेन बुक करोगे वन नाइन सेवन परसेंट पर क्लियर वाला पार्ट यस उसके बाद थर्टियथ सप्टेंबर सेवेंटी वन की रेट हो गई मैंने सेल को सेवन में लॉक कर दिया है रेट सेवेंटी वन हो गई मेरा फायदा के नुकसान आ रहा है मेरे को तो मजा आ गया फायदा हो गया क्योंकि मैं तो फिर भी सेवेंटी बेचूंगा ना यस yes. तो आपके लिए फायदा हो गया पांच रुपए का फायदा हो गया बराबर तो हंड्रेड तो कर चुके हो ना तो आपसे बैलेंस थ्री जीरो भी आपका फायदा है वो आप अलग से रिकॉर्ड कर लेना आप अलग से रिकॉर्ड कर लेना टोटल कितना हुआ फायदा होगा पांच सौ का उसको पैसे में रिलायस कर लेना लास्ट चीज हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज वेरी गुड आंसर रेशमी नायन आंसर क्या सही आंसर क्या सुनो क्योंकि आप ओसी आर में बुक कर रहे हो तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा छह महीने बाद तो जितना भी ओसीआर आर का बैलेंस था वो आप करोगे रिक्लासिफाइड टू पी एन एल हमने आर को किया रिवर्स और ट्रांसफर किया टू पी एन एल क्योंकि रिक्लासिफाइबल टू पी एन एल आर का मतलब होता है अब ये करने के बाद आपके मन में एक और कन्फ्यूजन आएगा

ट्रांजेक्शन हुआ येन में वैसा नहीं होता है यहाँ कोई थर्ड करेंसी इन्वॉल्व नहीं है अब मैंने एक और समरी दे रखा है एक्सक्लूसिव कल वो कन्फ्यूजन हुए कि डिफरेंट अकाउंटिंग में किधर अपन डिलीवरी डे की फॉरवर्ड पर रिकॉर्ड कर रहे हैं किधर अपन स्पॉट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो याद कैसे रहेगा तो एक समरी देखने का डिफरेंस इन अकाउंटिंग एम्बेड में आप जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको जब रिकॉर्ड करोगे तो डे वन की फॉरवर्ड डेट पर रिकॉर्ड करते हो डेरेवेटिव में प्राइस लॉक नहीं होती है और जो भी गेन लॉस रहेगा वो जाएगा पीएनएल के अंदर कैश लो हेज में

के <laughs> सर क्या हो रहा है आपको ठीक है खत्म होने के वर्ष पे है ना इसलिए आ जाओ एक और ले लेते हैं आखिरी कंसेप्ट फिनेंशियल गारंटी ये करने के बाद तीन चार क्वेश्चन और करवाने ठीक है चोटे -चोटे यहां है छोटे छोटे से क्वेश्चन वो करवाऊंगा और फिर खत्म कर दूंगा आपका अदर आ जाओ गारंटी क्या बोलते हैं सुन लो इसका जो फॉर्मल कंसेप्ट है नोट्स में जाओ तो देख लो बट मैं इसका बेसिक मतलब समझाने का ट्राई करता हूँ सपोज एक बंदा है इधर विकास ठीक है विकास गया बैंक से लोन लेने को बैंक ने बोला एटीन परसेंट पे लोन दूंगा और विकास टेंशन में आ गया एटीन परसेंट लोन कहां से भरूंगा तो मैं आया मसीहा गारंटर मैंने देना बैंक को बोला ए, देना बैंक विकास के पे गारंटी देता हूं मैं श्री श्री श्री, श्री आकाश कंदो गारंटी देगा रेट कम करो तो बैंक ने बोला अरे आकाश कंदो इस पर तो गारंटी दे रहे इसके लिए तो रेट कम करनी पड़ेगी तो एटीन परसेंट के बदले रेट कर दी ट्वेल्व परसेंट तो अब मेरे गारंटी देने से विकास के रेट कम हो गए ना है ना तो ये है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी क्योंकि बैंक के लिए रिस्क कम हो गया ना यार

मेरे गारंटी देने की वजह से कितना परसेंट इंटरेस्ट सेव हो गया छः परसेंट इंटरेस्ट सेव हो गया उसका वैल्यू निकालोगे कि अगर एटीन परसेंट लगता है इंटरेस्ट तो इतना आ रहा था इंटरेस्ट पर आना सिक्स ट्वेल्व परसेंट लग रहा है तो इतना आ रहा है इंटरेस्ट तो सेविंग्स कितना हुआ विकास के लिए पॉइंट सिक्स ईयर हर साल उसका सेव हुआ बस इसको आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू पे अब प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए डिस्काउंटिव फैक्टर कौन सा ले एटीन परसेंट कि ट्वेल्व परसेंट तो इसमें विदाउट गारंटी के रेट लेना क्यों मैं गारंटी नहीं देता तो रेट तो मार्केट में एटीन परसेंट चल रही थी ना तो उस रेट पर डिस्काउंट करना आपको मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू तो जो भी गारंटी है उसको आप इस वैल्यू पर बुक करोगे कैसे आप बुक करोगे टू फाइनेंशियल गारंटी बराबर ठीक है अब कभी कभी क्या होता है अब ऑफकोर्स मैं गारंटी दूंगा तो मैं कमीशन चार्ज करूंगा तो अगर मैंने गारंटर ने कोई कमीशन चार्ज किया था उसकी इनकम हो जाएगी तो रहेगा कैश बैक टू पीएनएल जो भी कमीशन वगैरह है वो अब इसमें एक और चीज है बाई चांस अगर मेरे और विकास के बीच में कोई रिश्ता हो जैसे पेरेंट सब्सिडरी जहां मैं पेरेंट विकास सब्सिडरी मतलब पेरेंट ने सब्सिडरी के बिहार पर गारंटी दिया है

तुमको समझा तो इसका क्या मतलब है मेरे मेरे पे 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 की की मुझे है तो guarantee गिराना है मुझे. तो तो गिराना मुझे में जो भी पे बढ़ाओगे गिराओगे पीएनएल से करना इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप तो जैसे मेरी वैल्यू वॉस वन uh, पॉइंट एट सेवन मुझे लाना है पे. गिराना पड़ेगा मुझे गारंटी को तो गारंटी गिराऊंगा और ट्रेड करूंगा टू पी एन एल ध्यान रख सबेंटली रिश्ता हो या ना हो डजेंट मैटर इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप यू विल ऑलवेज ट्रांसफर टू पीएनएल तो अगर मुझे फाइनेंशियल गारंटी को समराइज करना हो तो सिंपल सबसे पहली बात जो गारंटी दे रहा है उसके बुक्स में अकाउंटिंग कैसे अकाउंटिंग करेंगे जितना भी सेव करके दे रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू वो रहेगा या तो पीएनएल या फिर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी टू फाइनेंशियल गारंटी ये डे वन की अकाउंटिंग होगी सेकंड ईयर एंड पे क्या करोगे दो अमाउंट निकालना LAT बनाओ शियल गारंटी का या तो वो अमाउंट या फिर प्रिंसिपल इंटू डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी विच इज हायर उस पर रखना है तो जो हायर वैल्यू है उसको डे वन की वैल्यू से कंपेयर करना अब गिर रहा है या बढ़ रहा है जो भी हो रहा है उसको आप पी से एडजस्ट कर देना इसी बात पर वन ट्वेंटी सेवन है फटाफट से खत्म कर लेते हैं बोलते हैं कंपनी सन लिमिटेड उसने गारंटी दिया टेन लैक्स का मून के लोन पे बराबर ठीक है थ्री इयर्स का लोन है एट एट परसेंट

ठीक है। फिर आप आओगे पहले पे तो इसका एल एल एना बनाया तो आपने इंटरेस्ट ईयर पे रीपेमेंट करोगे नहीं वैसे नोशनल आया फाइव वन थ्री सेवेंटी फाइव तो याद रखोग सेवेंटी फाइव पे या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पता है कितना दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में दिया हुआ वन परसेंट तो लोन का अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट टेन लैस इंटू वन परसेंट आएगा टेन थाउजेंड तो या तो आप रखोगे फिफ्टी वन थ्री सेवेंटी फाइव पे या टेन थाउजेंड विच एवर इज हायर कंजर्वेटिज्म तो मैं रखूंगा फिफ्टी वन थ्री सेवेंटी फाइव पे अब देखो डे वन की वैल्यू मेरी क्या थी डे वन की वैल्यू वो सेवन डबल थ्री डबल वन मुझे रखना है फिफ्टी वन थ्री सेवेंटी फाइव पे वैल्यू गिरानी पड़ेगी ना मुझे गिरावट कहां बुक करूंगा पेनल के अंदर बुक करूंगा तो गारंटी करना डेबिट ट्रांसफर कर देना पेनल के अंदर

अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिंपल क्वेश्चन चाहिए क्या था इनको रेलवेंट एक्सट्रैक्ट चाहिए इसको मैं कहा दिखाऊंगा कैसे दिखाऊंगा ठीक है तो पहले क्या बोलता है, पहले आपने एक है का, उसकी आज वैल्यू हो गई तो मैं ईयर एंड पे दिखाऊंगा टू फिफ्टी पे और जो गेन हुआ है, वो मैं गेन दिखा दूंगा ऑप्शन है. है, है तो पीएनएल में जाएगा गेन सेकेंड डिवेंचर किया आपने ठीक है तो डिवेंचर आपने जो परचेज किया वन लाख फिफ्टी का प्रीमियम पे रिडीम होएगा पाँच साल का है और ई वगैरह दे रखा है कोई बात नहीं इसका बस एल बना देना इस डिवेंचर का तो जब आप एल वगैरह बनाओगे तो आपको मिलेगा ये ओपनिंग था इतना इंटरेस्ट अखरू हुआ यह रीपेमेंट करने का क्लोजिंग बचेगा तो ईयर एंड पे बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग वैल्यू है उस पर दिखेगा और जो इंटरेस्ट है या जो आपका इनकम है यह आपके पीरियड में आ जाएगा सिंपल उसके बाद तीसरा आइटम क्या दिया हुआ है शेयर परचेज किया है 3.5 में परचेज किया आज उसके बाद 3.75 हो सेवन फाइव होगी तो ईर एंड तो मैं 3.75 पे दिखाऊंगा

एंट्री मारते समय इन्होंने अधर इक्विटी में एंट्री मारी है बट इन्होंने में कहीं भी नहीं लिखा तो आप लिख देना जो भी आप लोगे वो नोट लिख और लिख और उसके साथ देना आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस ये था और कुछ नहीं है इसके अंदर क्लियर वाला पार्ट ये था आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर उसके बाद एक और है पार्टी नाइन ठीक है ये किसी कंसेप्ट बेस नहीं बोलूंगा मैं इसको अलग से ट्रीट करना ठीक है क्या बोलते हैं इसमें ध्यान से देख लो बोलता है हमने एक बोरोइंग किया है हंड्रेड करोड़ का इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट है बुलेट पेमेंट में टर्म है सिक्स का द लोन इंक्लूड एन ऑप्शन टू प्रीपे लोन विद्री पर द प्रीपेमेंट ऑप्शन इंटरेस्टेड बाई बाइज अब बोलता है ना इसमें क्या एनालाइज करूँ? आपको समझेगा तो आपको कुछ नहीं करना है आपको है ना इसका एलटी बनाना है पूरे लोन का एल ए टी बनाओ ठीक है और आपको क्या बोला है हर साल आप वन आप चाहो तो प्रीपे कर सकते हो तीन परसेंट की पेनल्टी पे मतलब हर साल आप वन जीरो थ्री के रुपीज पे प्रीपे कर सकते हो तो जो भी आपकी एवरी ईयर की एडवर्टाइज कॉस्ट है ना उसको वन जीरो थ्री से कंपेयर करना जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मेरी फर्स्ट ईयर की एडवर्टाइज कॉस्ट कितनी है एडवर्टाइज कॉस्ट मेरी फर्स्ट ईयर क्या है वन जीरो थ्री पॉइंट सिक्स एट कंपेयर विद द प्रीपेमेंट ऑप्शन परसेंटेज का डिफरेंस निकालो बस और कुछ नहीं करना है है ना मतलब इसको एक अलग से क्वेश्चन की तरह याद करके चले जाना भाई वापस से ये जो लोन आपने लिया हंड्रेड सीआर का इसका एल बनाओ ई ER के हिसाब से वो जो भी वैल्यू आपकी आती है एमोटाइस एल का क्लोजिंग बैलेंस उसको हर साल वन के वैल्यू से कंपेयर करो और परसेंटेज निकालो मैंने वही किया हुआ है हर साल बस और कुछ नहीं उसके ऊपर फिर ज्ञान दिया हुआ है दे देना भाई ज्ञान और कुछ नहीं है सबको समझा ये करके आने सेम क्वेश्चन आया तो ये मैंने निकाल के भी दिखाया आपको इधर चलो और इन, इन इसमें पता क्या होता है इसमें कंपनी ना एक्चुअली समझाने का ट्राई कर रहा है कि कंपनी एक बेस परसेंट सेट कर दी है कि जब वो परसेंट निकालेगा डिफरेंस का अगर डिफरेंस का परसेंट मोर देन टू परसेंट आया तो तब उनका सब्सटेंशियल हो जाएगा वो ऐसा जब तक लेस देन टू परसेंट कोई दिक्कत नहीं कोई टेंशन नहीं है उनको वैसा तो वो ज्ञान दिया हुआ पढ़ लेना एक बार और कुछ नहीं है फिर एक और क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर वन जीरो वन ठीक है इसमें क्या होता है सुनो आप सपोज कभी भी कोई आइटम खरीद रहे हो नॉन फाइनेंशियल आइटम आप परचेस कर रहे हो है ना जैसे आप कोई सीड्स मंगा रहे हो ऑयल सीड जैसे ऑयल सीड्स मंगा रहे हैं ठीक है और आप पेमेंट करोगे किसी और डॉलर वगैरह में पेमेंट करने वाले हो ठीक है तो कभी कभी क्या होता है देर इज अ ऑप्शन टू सेटल इन नेट फॉर एग्जाम्पल द सीड्स आर इम्पोर्टिंग आर वर्थ थ्री फिफ्टी डॉलर टूडे एंड यू बेट कि मैं छह महीने के बाद डिलीवरी लूंगा और तब रेट हो गए फोर हंड्रेड डॉलर तो आप चाहो तो पूरा सीड्स का डिलीवरी लो और चार सौ रुपया पे करो या फिर आप नेट में कर दो सेटल कि भाई इंक्रीमेंट कितना वो फिफ्टी का तो यू कैन सेटल इन नेट तो इसमें ये पूछता है है कि ये जो तीन कॉन्ट्रैक्ट इसका अकाउंटिंग 109 में होगा कि नहीं होगा तो ध्यान रखना जहां नेट सेटलमेंट होएगा उसका अकाउंटिंग आप करोगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर टू है जहां अपन ऑयल सीट खरीद रहे डिलीवरी फ्यूचर में ले रहे है ना लेकिन अपना इंटेंशन यहां क्या है नेट में सेटल नहीं करेंगे अपन मोस्टली डिलीवरी लेकर सेटल करते हैं आपन, सिर्फ वन परसेंट ऐसे कॉन्ट्रेक्ट जहां नेट में सेटल करते हैं तो, है तो वो बोलता है, आप खुद के के लिए कोई मंगा रहे हो तो इस केस में उसको बोलते हैं इसका अकाउंटिंग आप वन जीरो सिंपल तो वो यही बोला गया इधर कि आपको याद कैसे रखना एमसीक्यू में आ सकता है ठीक है तो आपको तीन कॉन्ट्रैक्ट देगा बोलेगा बताओ वन जीरो करेगा कि नहीं करे तो जहां नेट में सेटल होने वाला है

इसमें क्या था था अपने पास एक लोन था, 90 CR का ठीक है ER वगैरह दिया है हुआ वेरी uh, पैसा नहीं देने के लिए ठीक है तो मैंने बैंक को अप्रोच किया तो बैंक ने मेरे को दिया क्या ऑफर दिया सीआर मतलब 90 CR में से two -third debt, आप इक्विटी शेयर देकर सेटल कर दोगे तो देखो इसकी अकाउंटिंग कैसे करना है जो 90 CR है उसमें तो कितने है? 60 CR. ये आप इक्विटी शेयर देकर सेटल कर दोगे आप पूरे एट्टी सीआर के शेयर नहीं दे रहे हो एट्टी सीआर का सेवन शेयर हो तो कैसे करोगे जैसी मैं टू तो थर्ड लाइब्रेरी सेटल कर रहा हूं तो लाइब्रेट हो जाएगी कम सिक्सटी से शेयर दूंगा फिफ्टी सिक्स सीआर से फिफ्टी सिक्स कैसे एट्टी सीआर इंटू सेवेंटी परसेंट दूंगा बाकी गया पेनल के अंदर समझा बाकी क्या बोलते हैं बाकी जो वन थर्ड डेट उसको मैं क्या करूंगा वन थर्ड ऑफ डेट इज सस्टेनेबल एंड द बैंक अग्रीज टू क्रिएट मोनिटोरियम पीरियड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश लोज एज पर द रिवाइज टर्म्स यूजिंग ओरिजिनल ट्वेंटी फाइव करोड़ फेयर वैल्यू ऑफ द कैश एज पर रिवाइज टर्म्स इज ट्वेंटी एट करोर्स अब ये क्या है सर कुछ नहीं जो वन थर्ड है वो पेंडिंग रहेगा इसमें आप मॉडिफिकेशन ला रहे हो तो इसमें आपको अकाउंटिंग करनी है मॉडिफिकेशन वाली अलाइबिलिटी है

एक कॉमन पुल का क्वेश्चन है जो मैं कॉमन पुल बोलता हूं लेकिन मैं उसको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना है उसको रिवाइज करने में क्वेश्चन नंबर इलेवन है क्या ये रहा इलेवन इसको देखो मैं कॉमन पुल बताता हूँ कॉमन पुल मतलब क्लास में पता ना कॉमन पुल क्या होता है इसमें फ्यूचर इंडेक्स का रेफरेंस आएगा वो मैं फटाफट से डिस्कस ही कर लेता हूँ सुनो क्या है कुछ नहीं है आपने ना फॉरेन करेंसी में लोन लिया है ठीक है सॉरी लोन दिया है कि लिया है परचेज यूएस डिनोमिनेट तो बॉन्ड परचेज किया तो इन्वेस्ट किया आपने इन्वेस्टमेंट है मतलब आपके लिए फाइनेंशियल असर्ट है ठीक है जब इन्वेस्टमेंट किया इतना डॉलर्स में आपने खरीदा रेट फोर पॉइंट सेवन है ठीक है और रिडीमेबल होएगा वन पॉइंट वन टू फाइव जीरो पे ठीक है फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड दे रखा है ईयर वन के एंड पे सर फेयर वैल्यू क्यों दे रखा है क्योंकि शायद ये बॉन्ड को उन लोग एफ वी टी ओ सी आई पे मेजर करते हैं तो यहां बॉन्ड का एल ई टी तो बनेगा साथ में जो एल ई टी का क्लोजिंग रहेगा उसको आप ईयर एंड पे जो फेयर वैल्यू से कंपेयर करोगे और जो भी फेयर वैल्यू गेन लॉस है क्योंकि है तो वो ओसीआर में जाएगा ये तो नॉर्मल है और बात करता हूं इसके बारे में ठीक है तो सेट इंटरेस्ट दियायर का रिडीमेबल वन टू फाइव जीरो पे फेयर वैल्यू वन जीरो फाइव जीरो पेज रेट एक्सचेंज रेट दिया हुआ है आपको क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो आपके करेंसी में नहीं किया किसी और करेंसी में किया है जब आप यूएसडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो यहां इंडेक्स ट्वेंटी वन में पिक्चर में आ जाता है मैं सिखाता तो हूँ कैसे आएगा तो रेट डे वन की ईयर एंड पे फोर्टी फाइव एवरेज रेट फोर्टी टू ठीक है एफवीटी ओसीआई कैटेगरी वाला इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड का ई आर टेन परसेंट है कैलकुलेट गेन लॉस इन पी एन एल एंड पास एंट्री फॉर एक्सचेंज गेन लॉस ठीक है अब सॉल्व कैसे करेंगे इधर आ जाओ फटाफट से मेरे पास एक सोल्यूशन बना हुआ है मैं दिखाता हूं आपको एक मिनट दे देना मेरे को बस यस देखो सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है मैंने ले लिया फेस वैल्यू वन टू फाइव जीरो को दिया हुआ है फेयर वैल्यू डे वन पे वन थाउजेंड है रिलेशनशिप नहीं है कुछ भी नहीं है तो मैं जूम कर सकता तो हूं फेयर वैल्यू ईयर एंड पे फेयर वैल्यू वन जीरो फाइव जीरो सब लिख दिया मैंने ई आया टेन परसेंट कूपन फोर पॉइंट सेवन परसेंट एफ वी टी ओसीआ है तो इसमें जो भी फे वैल्यू गेन लॉस आएगा वो ओसीआई में जाएगा बराबर एक्सचेंज गेन लॉस इसमें एक थोड़ा सा दिक्कत है इंडस ट्वेंटी वन बोलता है अगर गेन लॉस ओसिया में गया तो एक्सचेंज गेन लॉस भी ओसिया जाना चाहिए बट यहाँ इन्होंने एक्सचेंज गेन लॉस पीएल में ट्रांसफर किया है क्योंकि शायद ये जो बात बोलता है ना जहाँ फेरवे गेन लॉस ओसिया में गया उसका एक्सचेंज गेन लॉस ओसिया में जाना चाहिए वो नॉन मॉनिटरी असर के लिए बात करता है ये तो मॉनिटरी असट है मॉनिटरी नॉन मोनिट्री वो इंडेक्स ट्वेंटी वन पड़ने अच्छा ये पार्ट तब देना तब तो इंडेक्स ट्वेंटी आता है नहीं आता तो मत देखना ये वाला पार्ट जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ठीक है तो एक्सचेंज गेन लॉस गया पे के अंदर इंटरस जो भी आएगा वो जाएगा पीएनएल के अंदर ठीक है अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे सबसे पहली बात आपने बॉन्ड्स खरीदा है <coughs> तो आप रिकॉर्ड करोगे बॉन्ड्स को आपकी करेंसी रुपीज है तो रुपीज में रिकॉर्ड करोगे जब खरीदा तो डे वन की रेट पे कन्वर्ट कर लेना ठीक है अब आपन नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए बनाएंगे एल ए टी एल ए टी रुपीज में, में पहले तो लिखा ओपनिंग डॉलर्स में ई आई आर रीपेमेंट क्लोजिंग डॉलर्स में बना लिया आपने अब हर एक अमाउंट को आप कन्वर्ट करो ऐसा सेम क्वेश्चन इंडिया में भी में है है ना वो जब आप फॉरेन की लीज में एंटर करते हो एनीवेज ओपनिंग को कन्वर्ट करोगे ओपनिंग रेट पे

तो ये वाला आपका हो गया क्वेश्चन um, नंबर कौन सा करवाया मैंने आपको इलेवन एम टी पी का इसके अलावा एक क्वेश्चन और रेफर करने बोलूंगा वो तो खुद ही आप रिफर कर लेना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कुछ है नहीं उसके अंदर दैट इज दिस क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर आर टीपी मे ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा एक बार बस देख लेना एल डी आर वगैरह नहीं है बट देख लेना एक बार बस और कुछ नहीं ठीक है तो इसी के साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल में हर एक रेलिवेंट क्वेश्चन के साथ उसके डिस्कशन के साथ उसके कवरेज के साथ विद मतलब तुम जो बोलना है बोल दो कॉमन पुल के क्वेश्चन के साथ सब खत्म कर दिया है भाई लेकिन इसको सरकाने के पहले इसको ख़त्म करने के पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनना काफ़ी लोग को लगता है फिनेंशियल बहुत बड़ा है है पहली बार में पढ़ने में समय लगता है लेकिन अगर पहली बार जैसे मैंने क्लास में करवाया मैं भी करवाता तो हूँ भाई थर्टी फोर्टी आवर्स लगते हैं लेकिन पहली बार अगर अच्छे से टाइम दिया रहेगा ना रिविजन तीन चार घंटे में हो जाता है है ना अब इसको टैकल कैसे करना है भले कितने भी क्वेश्चन है दो कैटेगरी में क्वेश्चन को बांट दो आप देखोगे ना बहुत सारे स्मॉल थियरी क्वेश्चन भी है समय है तो एक रीडिंग देने का उसको मेरे को काफी बच्चे पूछते करू क्या टाइम है तो पढ़ नहीं है तो जितना मैंने बताया उसको लिखकर प्रैक्टिस करना जितना मैंने इसमें में बताया उसके अलावा एफ में जो कंसेप्ट है बहुत सारे कंसेप्ट है मॉड्यूल के अंदर जो मैंने कैंसर बताया वो अच्छा से करना और क्वेश्चन वगैरह अच्छा से करना उसके अलावा जब भी भी आपको डर लगे ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डर लग रहा उठाने से डर लग रहा रिकॉल होने में मेरा रिवीजन वीडियो देखो ये वाला मतलब तीन से चार घंटे में आप मान लो बढ़िया रिवीजन जल्द स्पीड बढ़ा के देखोगे तो तीन घंटे में हो जाएगा भाई तुम्हारा ठीक है जब भी भी डर लगे कभी टेंशन मत लेना मैं हूं ना आपको कोई भी डब्बों में डर लगे ना उसका रिवीजन वीडियो खोल के देखो मेरी गारंटी है तुमको याद आएगा ही आएगा और एक बात मान के चलना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ईजी भी है स्कोरिंग भी है कुछ नहीं है स्टेप्स है ऐसा स्टेप्स है कुछ नहीं है एकदम इजी है बराबर तो इट इज इजी डोंट क्रिएट फॉर दिस चैप्टर मैंने कोशिश किया है आपके लिए एकदम बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छा मैं करवा के दू जो आपने करने का कोशिश किया है नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट यू हैव टू डू दैट एफर्ट यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस इट बराबर तो वो करोगे तो मजा आ जाएगा उसके अलावा एक आखिरी बात कहना चाहूंगा अगर आपने यहां तक मेरा रिविजन वीडियो देखा है और अगर पसंद आया अभी लाइव देख रहे हो रिकॉर्ड देख रो जैसे भी देख रहे हो कमेंट में अभी ये लाइव कमेंट में नहीं वैसे कमेंट में छोड़ के जाना कि सेशन कैसा लगा है ना ताकि उससे बाकी बच्चों को मालूम पड़ेगा हेल्पफुल है नहीं है जो भी है ठीक है तो एक कमेंट जरूर करके जाना और ये जो बोर्ड नोट्स है टेंशन मत लो ये जैसे मेरे बोर्ड नोट्स है मतलब इसी बोर्ड नोट्स में क्वेश्चन सोल्यून सब कुछ है मैं अभी डाल दूंगा थोड़े समय के अंदर टेलीग्राम के ऊपर तो वो डाउनलोड करो मजे करो और अकेले बेनिफिट मत उठाना दोस्तों के साथ भी शेयर करना ठीक है बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल शुक्रिया एवरीवन थैंक यू सो मच और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें मैं इस चैनल पर लाता रहूंगा तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ठीक है और इसी बात पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया आपने सरका दिया बोला सरक, सरक उधर सरक और किसके साथ सरकाया एक के है, है? चलो तो शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सो मच ध्रुव आरती धीरज सिद्धांत थैंक यू नूतन थैंक यू कैलाश थैंक यू वंदना थैंक यू मित्र थैंक यू धीरज थैंक यू प्रणव थैंक यू रामकृष्ण थैंक यू विमल थैंक यू एवरी वन थैंक यू सो मच ऑल बाय सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक अच्छे से मेहनत करो ठीक है और पसंद आए तो कुछ नहीं मजे करना